नमस्कार। संभव इंस्टीट्यूट के यूट्यूब चैनल पर आप सभी का स्वागत है। आज अपन बात करते हैं बीएससी पार्ट थर्ड के थर्ड पेपर की बुक जो डायनेमिक्स की चलती है अपने, उस डायनेमिक्स की। तो डायनेमिक्स का जो यूनिट फर्स्ट है, उस यूनिट फर्स्ट के कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन सॉल्व करेंगे अपन। यहाँ अपन बात करते हैं, यूनिट फर्स्ट का एक टॉपिक है SHM, सिंपल हार्मोनिक मोशन, सरल आवर्त गति। तो उससे रिलेटेड अपने क्वेश्चन बनता है। उसमें उस क्वेश्चन की अगर बात करें तो पहला जो क्वेश्चन है अपना कुछ इस प्रकार है कि M द्रव्यमान का एक कण किसी भारहीन तार के लगा हुआ है जो दो स्थिर बिंदुओं के बीच में T तनाव द्वारा सीधा खींचा हुआ है। यदि तार के सिरों से कण की दूरियां हैं वो A व B हो, तो सिद्ध कीजिए कि कण M के एक छोटे अनुप्रस्थ दोलन का जो काल होगा 2π√mab/T(a+b) होगा। अब यहां से अगले ने अपने को देखो क्या दे रखा है, बाहरी तार दे रखा है, उस तार के सिरों के ऊपर एक M द्रव्यमान का कण बंधा हुआ है, सिरों से बंधा हुआ है और एक डोरी के द्वारा बंधा हुआ है, और यहां से बिंदुओं के बीच में जो है वो तनाव जो लगा हुआ है वो टी तनाव द्वारा सीधा खींचा हुआ है। तो अपन लेके चले, अगर सपोज करें जैसे अपने पास में ये कोई दो बिंदु है, इसका नाम दिया अपने ए, इसे दिया बी, दोनों बिंदुओं को मिलाने वाला ये कोई तार हो गया, ठीक है। अब इसे ए बी कोई तार है, इस ए बी तार के ऊपर कोई एक एम द्रव्यमान का कण बंधा है, तो जैसे अपन यहां से एक एम द्रव्यमान का कण लेके चलते हैं, ये इसको अगर किसी डोरी से अपन बांधे, अभी जैसे कि है ये केवल तनी हुई डोरी है और इसमें अभी जो तनाव दे रखे हैं अपन ने, वो तनाव अपन ने दे रखा है दोनों तरफ से टी तनाव है। अब स्थिर बिंदु है दोनों के दोनों ही, तो ये तनाव की जो डायरेक्शन होगी वो स्थिर बिंदुओं की तरफ होगी, तो इसका तनाव लगा हुआ है इसकी तरफ, इसका तनाव लगा हुआ है इसकी तरफ। तो ये एम द्रव्यमान का कण है, इस द्रव्यमान वाले कण की जो सिरों से दूरियां हैं वो उगले ने दे रखी अपने स्मॉल ए और स्मॉल बी, तो ये जो दूरी है इसे अगर अपन बिंदु ओ पे माने कण को, तो यहां से यहां तक की दूरी हो गई स्मॉल ए और यहां से यहां तक की दूरी हो गई स्मॉल बी। अब बात कर रहा है ये कि कण जो एम द्रव्यमान का कण है उसके एक छोटे अनुप्रस्थ दोलन का, तो अनुप्रस्थ का मतलब हो गया यहां से कि जो छड़ ए बी अपने यहां क्षैतिज रखी हुई है, अगर इसका अनुप्रस्थ दोलन की बात करें तो दोलन का मतलब कण M को अपन स्थिति में परिवर्तन करना पड़ेगा, तो वो परिवर्तन किस प्रकार से लें अपन, तो इसका एक अनुप्रस्थ दोलन का मतलब इसके बिल्कुल काट के लंबवत होगा, और लंबवत होगा तो अपन इसके लिए अपन एक काम करते हैं कि कण जो M है, सपोज करें अपन कण M को थोड़ा सा यहां से खींचा अपन ऊपर की तरफ और खींच के अगर छोड़ देते हैं अपन, अब खींचना भी अपने को इस तरीके से है कि वो जो खींचने वाली जो दूरी है अपनी, इसी डायग्राम को थोड़ा सा अपन चेंज करें, ये ए बिंदु है, ये बी बिंदु है, यहां पे ओ बिंदु है, कण एम द्रव्यमान वाला जो कण है इसको अपन ने थोड़ा सा इसको ऊपर की तरफ खींचा और खींच के अपन ने ले लिया बिंदु पी की स्थिति पे, और यहां जो एम द्रव्यमान का कण है, अब जो तनाव है, अब ये जो दूरी है, अगर मान ले सपोज करें इस दूरी को अपन ने एक्स माना, कि माना ये दूरी जो है अपन ने एक्स दूरी तक इसको खींचा ऊपर की तरफ, ये जो दूरी है वो अक्ष इतनी छोटी है कि इसका तनाव जो है वो लगभग टी के बराबर ही है, बदलना नहीं, इतना ही खींचना अपने को थोड़ा सा इसको कि इसका तनाव जो लगभग टी के बराबर ही रहे, टी से चेंज ना हो, लगभग टी के बराबर रहे। तो यहां से ये दूरी अक्ष ली अपन ने, यहां ये दूरी ए है, ये दूरी बी है। अब बात करें अपन कण की गति को, या कण की जो पी पर अपन खींच के इसको छोड़ते हैं थोड़ा सा, तो किसी समय टी पर मान लेते हैं अपन कि माना किसी समय टी पर कण की स्थिति बिंदु पी पर, किसी समय टी पर कण जो है वो बिंदु पी पर है, गति करता हुआ ये ऊपर नीचे गति करेगा, अनुप्रस्थ दोलन करेगा, तो अनुप्रस्थ जब दोलन करेगा ऊपर नीचे इसके बिंदु ओ के इधर इर्द गिर्द गति करेगा, तो किसी समय टी पर कण की जो स्थिति है वो बिंदु पी पर, अगर मान के चले अपन, तो यहां पी वाली जो दूरी रहेगी अपने पास में, ये जो दूरी है एक्स है। अब बात करें अपन कण की गति के समीकरण की, कण के गति के समीकरण से,
कण की गति के समीकरण, तो बिंदु P की अगर बात करें तो बिंदु P पर कण की जब गति इर्द गिर्द करता है तो ऐसी पोजिशन में कण पर जो गति का समीकरण है, इस गति के समीकरण में अपन बात करें अगर बल की एम इंटू डी टू एक्स वाई डी टी स्क्वायर की, तो एम इंटू डी टू एक्स वाई डी टी स्क्वायर एक प्रकार से बल गुणा द्रव्यमान गुणा त्वरण, बल की पोजिशन होगी। अब इसमें कौन कौन से बल कार्यरत है तो इसके लिए थोड़ा सा एक डायग्राम और इसका चेंज करते हैं अपन। सपोज अगर अपन इसको थोड़ा सा इस तरीका इस प्रकार से इसको घुमा दूं, ये बिंदु O हो गया बीच में, ये ऊपर की तरफ बिंदु B है, ये A बिंदु है, ये दूरी अक्ष हो जाएगी, इसमें जो तनाव है वो T है, ऊपर की तनाव जो है ऊपर की तरफ वो भी तनाव T है, यहां बिंदु P है। अब इस तनाव टी के अगर अपन वियोजन करें, घटकों में वियोजन करें, तो ये जो अपने पास में जैसे कोण बना हुआ है ओ बी बी, इसका इस तरफ से जो वियोजन बनेगा अपने पास में वो वियोजन हो जाएगा अपने पास में टी कॉस, इधर की तरफ का जो वियोजन रहेगा वो हो जाएगा टी कॉस कोण ओ बी बी, ओ बी बी ये एंगल बीच का रहेगा, इसके लिए वियोजन आधार की तरफ से। ऐसा ही अपन इसमें लें तो इसका भी आधार, अगर इसके इस तनाव के वियोजन की बात करूं तो इस तनाव का जो वियोजन रहेगा वो बनाएगा टी कॉस कोण ए पी ओ या ओ पी ए कह सकते हैं अपन ओ पी ए। अब कण की गति के समीकरण से अगर देखें तो जो बल है कण पर लगने वाला तो बिंदु पी के ऊपर है, जब ये गति करता हुआ इधर आएगा, मतलब इसको जब अपन मूल बिंदु कहें या फिर सेंटर पॉइंट कहें, तो इसके जब इधर गति करता है तो ऐसी पोजीशन में अपने पास में बल जो लगता है इसके ऊपर, तो ये दोनों बल लग रहे हैं और दोनों बलों के कारण ये इसमें साम्यावस्था के कारण या साम्यावस्था पे है, लेकिन इनकी जो डायरेक्शन है वो डायरेक्शन बिल्कुल इसके ऑपोजिट है, गति इधर कर रहा है इन दोनों की डायरेक्शन, क्योंकि अपन ने घटकों में जो वियोजन किया है इसका एक वियोजन ये होगा एक वियोजन ये होगा आधार की तरफ और लंब की तरफ, तो यहां से अपने पास दोनों की दिशा जो है वो ऑपोजिट रहेगी, तो मान आ जाएगा माइनस का टी कॉस एंगल हो जाएगा कोण ओ पी बी माइनस टी, ये हो जाएगा कॉस कोण ओ पी ए। ठीक है, यहां से एम डी टू एक्स बाई डी टी स्क्वायर बराबर माइनस का टी कॉमन लिया अपन ने, ये बना कॉस कोण ओ पी बी प्लस कॉस कोण ओ पी ए। अब बात करें अपन कोण कॉस ओ पी बी और कॉस ओ पी ए की, तो कॉस थीटा की अगर बात करें तो कॉस थीटा का जो फॉर्मूला होता है वो अपन जैसे भी नॉर्मली मानते हैं आधार बटे कर्ण, यहां आधार जो है अपने पास में कितना है एक्स, ये जो दोनों दूरियां दे रखी है ओ से लेकर बी तक के बीच की दूरी दे रखी है अपने को बी, ओ से लेकर ए तक के बीच की दूरी दे रखी है ए, तो ये जो अपने पास में आधार रहेगा ये कर्ण रहेगा, तो कॉस ओ पी बी की अगर बात करूं तो कॉस ओ पी बी का जो मान बनेगा अपने पास में वो कुछ इस प्रकार होगा एम डी टू एक्स बाई डी टी स्क्वायर बराबर मान आ जाएगा माइनस का टी, ये बनाएगा आधार तो एक्स अपॉन कर्ण की अगर बात करें तो ये आ जाएगा रूट एक्स स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस ये एक्स अपॉन इसमें भी कुछ इसी प्रकार का होगा रूट एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर, तो बराबर यहां से मान बनाए तो माइनस का टी वन अपॉन रूट एक्स स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस वन अपॉन एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर इंटू में एक्स। अगर इसे रूट से वन बाई टू पावर के साथ ऊपर लेके आए और इसमें से बी कॉमन ले अपन हल करें इसका माइनस का टी, इसमें से बी को कॉमन निकाला तो वन अपॉन बी ये वन अपॉन ये बना देगा वन प्लस एक्स स्क्वायर अपॉन बी स्क्वायर की पावर वन बाई टू प्लस वन अपॉन ए वन अपॉन वन प्लस एक्स स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर की पावर वन बाई टू और इंटू में एक्स।
बराबर माइनस टी वन अपॉन बी, इसे ऊपर लेकर आए तो वन प्लस एक्स स्क्वायर अपॉन बी स्क्वायर की होल पावर माइनस वन बाई टू प्लस वन अपॉन ए वन प्लस एक्स स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर की होल पावर माइनस वन बाई टू इंटू एक्स। बाइनोमियल थ्योरम, द्विपद प्रमेय के अकॉर्डिंग अगर इनका अपन प्रसार करें तो ये मान जाएगा माइनस का टी वन अपॉन बी ये इंटू में वन प्लस एक्स की होल पावर एन के फॉर्मूले से ले तो वन माइनस एन एक्स होता है माइनस वन बाई टू एक्स स्क्वायर अपॉन बी स्क्वायर डॉट 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 आगे के जो पद है प्लस वन अपॉन ए ये हो जाएगा वन माइनस वन बाई टू एक्स स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर डॉट 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 और इंटू में एक्स। अब हमने जो एक्स की जो दूरी ली थी वो इतनी नगण्य बहुत छोटी छोटे मान के रूप में थी अपने पास में तो बहुत छोटे मान के रूप में ले तो अपन इसके जो स्क्वायर और जो आगे के पद हैं इन सभी पदों को अपन नगण्य के बराबर मान सकते हैं। तो नगण्य के बराबर मान के अपन अगर इनकी उपेक्षा करें इनको छोड़ दें अपन तो अपने पास में जो एम डी टू एक्स बाई डी टी स्क्वायर का मान लेके चल रहे थे अपन वो मान जो अपने पास बनेगा वो मान कुछ इस प्रकार से हो जाएगा अपने पास यहां से ले अपन इक्वेशन चल रही है अपनी एम डी टू एक्स अपॉन डी टी स्क्वायर इक्वल माइनस टी इंटू जब इनकी उपेक्षा करें तो यहां से वन अपॉन बी इंटू वन तो ये केवल वन अपॉन बी बना लेगा फिर इसके बाद में ये उपेक्षा कर दी ये अपने पास बना लेगा वन अपॉन ए तो प्लस वन अपॉन ए और इंटू एक्स। इसे हल करें यहीं से तो दोनों का एलसीएम ले ए भी बनाएगा ये बना देगा ए प्लस बी माइनस टी अपने पास चल रहा है आगे इंटू में एक्स तो एम डी टू एक्स बाई डी टी स्क्वायर इक्वल मान कुछ इस प्रकार आ जाएगा माइनस का टी इंटू ए प्लस बी अपॉन ए बी और इंटू एक्स। एम को अगर डिवाइड करें यहां से तो एम का जो मान बनाएगा अपने पास में वो मान आ जाएगा डी टू एक्स बाई डी टी स्क्वायर बराबर माइनस का टी इंटू ए प्लस बी अपॉन एम ए बी इंटू एक्स। अब ये समीकरण अगर देखें अपन तो ये समीकरण अपने पास जो बनता है वो बन रहा है डी टू एक्स अपॉन डी टी स्क्वायर इक्वल माइनस म्यू एक्स की फॉर्म में जो कि एक एस एच एम का समीकरण है इसका मतलब सिंपल हार्मोनिक मोशन। तो कह सकते हैं अपन कि जो ये कण गति कर रहा है वो एक सरल आवर्त गति कर रहा है और सरल आवर्त गति अगर कर रहा है तो सरल आवर्त गति का जो आवर्तकाल होता है आवर्तकाल मतलब एक दोलन को पूरा करने में जो लगाया गया समय होता है वो टी बराबर होता है टू पाई अपॉन रूट म्यू। तो यहां से 2 पाई अपॉन रूट म्यू की अगर बात करूं तो म्यू की तो यहां मेरे पास में देखो डी टू एक्स अपॉन डी टी स्क्वायर इक्वल मैंने माइनस का म्यू एक्स लिखा है अगर मैं दोनों का कंपैरिजन करूं तो यहां म्यू का जो मान है वो ये मान रहेगा माइनस का टी ये माइनस सेम है तो म्यू रहेगा टी इंटू ए प्लस बी अपॉन एम ए बी और वो मान अगर यहां रखे तो मान बनाएगा 2 पाई अपॉन रूट म्यू की जगह रखे अपन टी इंटू ए प्लस बी अपॉन एम ए बी तो टोटली अपने पास जो आवर्तकाल आएगा वो आ जाएगा टी बराबर टू पाई ये पलट के ऊपर चला जाएगा रूट एम ए बी अपॉन टी इंटू ए प्लस बी ये अपने पास इसका आवर्तकाल हो जाएगा तो ये दोलन काल रहेगा पूरा। अब अपन बात करते हैं सेकंड क्वेश्चन की इसकी जैसे एक प्रत्यास्थ डोरी का एक सिरा एक चिकनी समतल मेज के एक बिंदु से बंधा है और दूसरे सिरे से एक एम द्रव्यमान का कण बंधा है कण को कुछ दूरी तक खींचा गया और छोड़ दिया जाता है तो कण की गति की विवेचना कीजिए मतलब कण किस प्रकार की गति करेगा अगर उसको अपन खींच के छोड़ दें तो गति किस प्रकार से करता है उसकी विवेचना अपन करें। तो जैसे अपन बात करें वो अपना कोई स्थिर बिंदु है और अपन एक डोरी ली जैसे कि अगला कह रहा है कि प्रत्यास्थ डोरी मतलब जिसमें
जिसमें अपन खेच सके, उसकी लंबाई बढ़ सके। तो प्रत्यास्थ डोरी की अगर बात करें अपन, तो जैसे ओ ए अपन एक प्रत्यास्थ डोरी ली जिसकी स्वाभाविक लंबाई बिना तनाव के उसकी स्वाभाविक लंबाई एल है। यहां ओ ए अपन ने स्वाभाविक लंबाई एल की एक डोरी ली है, इसके ए सिरे पर अपन ने एम द्रव्यमान का एक कण बांध रखा है, इसका ओ सिरा स्थिर है। जब इसे एम द्रव्यमान वाले कण को बिंदु ए से अगर अपन बी तक खींचे, यहां से अपन ने इसको चिकनी समतल मेज है, इसको यहां अपन ने बी तक खींचा है और बी पर खींचकर अपन ने जहां बी पर अपन ने इसका जो विस्तार दिया है, बी लंबाई तक का विस्तार दे दिया अपन ने, ऐसे लेकर बी तक का विस्तार दिया, तो बी लंबाई तक का स्मॉल बी लंबाई तक का विस्तार दिया है। अब यहां से अगर अपन इसको स्थिर लाकर यहां तक खींचा अपन ने, फिर यहां छोड़ दिया जाता है अगर, तो जो चिकनी समतल मेज पे इसका घर्षण बिल्कुल नगण्य के बराबर रहेगा, जीरो मान सकते हैं अपन। तो ये अपन ने बी दूरी तक खींचा, यहां से जब इसको छोड़ेंगे अपन, तो जब मान लेते हैं कि किसी समय टी पर, कोई भी समय हो टी पर, वो कौन सी स्थिति पे है, पी स्थिति पे है। जब ये पी स्थिति पर रहेगा तो ऐसी पोजीशन में सपोज करें ऐसे लेकर पी के बीच की दूरी अपने पास अक्ष है, और जो डोरी में तनाव है क्योंकि स्थिर बिंदु यह है तो तनाव की दिशा इधर रहेगी, तो डोरी में जो तनाव है वो टी रहेगा। तो ऐसी पोजीशन में अगर प्रत्यास्थता के हुक के नियम के अकॉर्डिंग अगर अपन देखें, तो हुक के नियम के अकॉर्डिंग अपने पास में जो तनाव रहेगा डोरी में, तनाव होता है तनाव इक्वल लेमडा अक्ष अपॉन एल, यहां लेमडा प्रत्यास्थता गुणांक है, अक्ष जो है वो डोरी में विस्तार रहेगा कि डोरी में विस्तार कितना है एक्स, और इसकी स्वाभाविक लंबाई एल है, तो टी बराबर लेमडा अक्ष अपॉन एल। तो कण की गति के समीकरण से अगर देखें, तो कण की गति के ऊपर या कण के ऊपर जो बल लग रहा है, तो एम डी टू एक्स बाई डी टी स्क्वायर द्रव्यमान गुणा त्वरण, ये जो बल लग रहा है एक बल इसमें कार्यरत है, कौन सा, तनाव टी, और इसकी जो अपनी जो गति की दिशा है वो मूल बिंदु से जस्ट मूल बिंदु से इधर की तरफ रहती है, और तनाव लग रहा है अपना जस्ट ऑपोजिट। तो यहाँ एम डी टू एक्स बाई डी टी स्क्वायर बराबर अपन क्या लिख सकते हैं, माइनस टी, टी का मान अपन यहां से लें लैम्डा एक्स अपॉन एल, तो लैम्डा एक्स अपॉन एल, तो डी टू एक्स बाई डी टी स्क्वायर का मान आ जाएगा माइनस लैम्डा अपॉन एम एल इंटू एक्स। अब ये समीकरण अगर अपन देखें कि डी टू एक्स बाई डी टी स्क्वायर माइनस लैम्डा अपॉन एम एल इंटू एक्स, ये समीकरण आता है अपने पास में डी टू एक्स बाई डी टी स्क्वायर इक्वल माइनस म्यू एक्स की फॉर्म में, और अपने को पता है कि ये जो रूप होता है एस एच एन का होता है, इसका मतलब कि जब इस कण को यहां खींचकर छोड़ेंगे अपन, तो कण किस प्रकार की गति करेगा, सरलावर्त गति। अब यहां से इस आवर्त गति का अगर आवर्त काल देखें अपन, तो आवर्त काल होता है टी बराबर टू पाई अपॉन रूट म्यू, यहां से टी बराबर टू पाई अपॉन रूट म्यू, तो म्यू की अगर अपन इसके साथ कंपेरिजन करें, तो म्यू का अपने पास जो मान रहता है वो है लैम्डा अपॉन एन एल, ये मान यहां अपन पुट किया अपन ने, तो टू पाई अपॉन रूट लैम्डा अपॉन एम एल, तो मान आ जाएगा टू पाई रूट एम एल अपॉन लैम्डा, ये इसका सरल आवर्त गति का आवर्त काल आ जाएगा। ठीक है, अब अपन आगे बात करते हैं इसके आगे की पोजीशन पे, तो हम वापस यही समीकरण लेके चलते हैं कि डी टू एक्स बाई डी टी स्क्वायर बराबर माइनस लैम्डा अपॉन एम एल इंटू एक्स, तो वापस यही समीकरण लिया अपन ने, इसे आगे सोल्व करें तो वो तो त्वरण की बात आई अपने पास में, त्वरण कितना क्या रहेगा, अब दूरी पर त्वरण की बात है। इसे सोल्व करने के लिए अगर दोनों पक्षों में अपन 2dx by dt से मल्टीप्लाई करें, इधर भी और इस पक्ष में भी जब मल्टीप्लाई करेंगे, तो अपने पास में जो ये फॉर्म बनेगी, ये डिफरेंशियल की एक फॉर्म है, और ये जो डिफरेंशियल है वो अपन मान सकते हैं t के साथ रेस्पेक्ट है, और dx by dt के होल पावर 2 का है, होल स्क्वायर का, और ऐसे ही ये d by dt अक्ष स्क्वायर है। जब दोनों पक्षों में अपन t के रेस्पेक्ट इंटीग्रेशन करेंगे, तो ये बना देगा dx by dt का होल पावर 2 इक्वल माइनस लैम्डा अपॉन एम एल, ये एक्स स्क्वायर और कांस्टेंट के लिए अपन सी काम में ले सकते हैं dx by dt, यहां अक्ष जो है वो अपन ने दिया है एक विस्थापन दूरी में परिवर्तन या दूरी है सॉरी, तो यहां dx by dt को अपन वेग कह सकते हैं, तो v स्क्वायर बराबर माइनस लैम्डा अपॉन एम एल एक्स स्क्वायर प्लस सी। अब इस सी के मान की अगर बात करें अपन, तो बात करता हूं मैं बिंदु बी पे, कि जब कण शुरुआत में बिंदु बी पे था, उस पोजीशन में अपने पास विस्तार की अगर बात करें, तो ये जो ऐसे विस्तार है इसका नाम अपन ने एक्स दिया है, तो जब बिंदु बी पे था उस पोजीशन में विस्तार कितना था इसका, बी,
शुरुआत में अपने कण को यहां पे लिया है तो उस समय समय क्या था, t बराबर जीरो, और यहां से जब इसको अपन छोड़ेंगे तो ऐसी पोजीशन में स्थिर अवस्था से छोड़ा है अपन ने, तो इस समय वेग भी इसका क्या था, जीरो। तो हम यहां कह सकते हैं कि प्रारंभ में बिंदु B के ऊपर समय अपना t बराबर जीरो था, क्योंकि अपन ने उसमें स्थिर अवस्था में पकड़ रखा था, बाद में छोड़ा था। अक्ष बराबर विस्थापन की अगर बात करें तो टोटल विस्थापन इसको बी विस्थापन देके छोड़ा था, उस समय वेग की बात करें dx by dt तो वो कितना चल रहा था, जीरो। ये तीनों मान जब इसमें ट्रांसफर करें तो अपने पास में जीरो इक्वल माइनस लैम्डा अपॉन एमएल ये बी स्क्वायर प्लस सी, तो यहां से सी का मान आ जाएगा लैम्डा अपॉन एमएल बी स्क्वायर, ठीक है। तो ये मान वापस जब इस समीकरण में ट्रांसफर करेंगे तो वी स्क्वायर बराबर लैम्डा अपॉन एमएल इंटू बी स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर, ये जो समीकरण बनाता है ये समीकरण अपने को ये दर्शाता है कि किसी स्थिति अक्ष या किसी दूरी अक्ष के ऊपर कण का वेग कितना रहेगा, वो कण का वेग ये समीकरण दर्शाता है। तो किसी दूरी अक्ष के ऊपर कण का वेग क्या होगा वो इस समीकरण से पता लगेगा अपने को। अब अपन बात करें कि जैसे ये दूरी अक्ष पे कण का वेग है, तो जब आगे की अगर बात करें अपन, तो जब कण गति करता हुआ यहां से जब अपन इधर जा रहा है, ये गति करता हुआ सपोज करें जब बिंदु ए पर पहुंचेगा, तो ए पर पहुंचने पर तो ऐसी पोजीशन में अपने पास इसका विस्थापन जो रहेगा वो क्या रहेगा, अक्ष। जब ये बिंदु ए पर पहुंच जाएगा तो क्या रुक जाएगा, तो इसके लिए अपन अगर देखें कि बिंदु ए पर जब होगा, बिंदु ए के ऊपर देखें तो बिंदु ए की पोजीशन अगर देखें तो उस समय कण की जो दूरी रहेगी विस्थापन यहां से, तो विस्थापन अक्ष बराबर क्या होगा, जीरो। और अक्ष का मान अगर इस समय जीरो है तो यहां अक्ष दूरी पर वेग की बात करूं तो मैं कहूंगा वी स्क्वायर बराबर मेरे पास मान है लैम्डा अपॉन एम एल इंटू बी स्क्वायर माइनस अक्स स्क्वायर, तो यहां बी स्क्वायर अक्ष का मान क्या रह जाएगा, जीरो। तो यहां से वी वेग आ जाएगा रूट लैम्डा अपॉन एम एल इंटू बी, ये जो वेग है अपने पास ये वेग इस बिंदु ए के ऊपर है, इसका मतलब कण का वेग अभी भी जीरो नहीं है। और कण का वेग अगर यहां जीरो नहीं है लेकिन इस पोजीशन की अगर बात करूं तो इस पोजीशन पे जो कण रहेगा वो कण अपनी स्वाभाविक लंबाई में है, और स्वाभाविक लंबाई इसका मतलब डोरी में तनाव नहीं होगा, और डोरी में तनाव नहीं होगा तो अपने तनाव के लिए कण की गति का समीकरण देखा था कि एम डी टू एक्स बाई डी टी स्क्वायर इक्वल माइनस टी के रूप में। तो जब टी बराबर जीरो हो जाएगा उस पोजीशन में अपने पास में त्वरण का मान क्या होगा, जीरो होगा। तो त्वरण इस पोजीशन में जीरो है लेकिन वेग जीरो नहीं है, और वेग जीरो नहीं है तो कण क्या होगा, रुकेगा नहीं, ये गति करेगा ओ की तरफ। अब ओ की तरफ गति करेगा लेकिन यहां कोई तनाव नहीं है तो ये अपनी स्वाभाविक लंबाई में गति करेगा, और जब इस वेग के कारण ये जब इधर गति करता हुआ जाएगा तो ओ के पार निकल जाएगा। अब ये गति न्यूटन की गति के नियम, सरल रेखीय गति होगी न्यूटन की गति के नियमों के अकॉर्डिंग। अब कहां तक जाएगा ये, तो कोई ना कोई ऐसा बिंदु होगा जहां पर ये दूरी या ये वेग जो है वो एक जीरो जीरो वेग हो जाएगा, स्थिर हो जाएगा वो। तो जब मान ले अपन कि मान लो ये बी डैश पे पहुंचा, अब बी डैश की दूरी देखें अपन, तो यहां से ओ से ए डैश के बीच की दूरी वही एल के बराबर है, और यहां से ये दूरी अपन बी के सपोज या बी के लें तो अपने पास में जो दूरी रहेगी ये ए डैश से बी डैश के बीच की दूरी, तो इस पोजीशन पे विस्थापन अगर देखूं क्योंकि ये तो स्वाभाविक लंबाई है, यहां से विस्थापन देखें तो ये बी विस्थापन है, लेकिन अपन ने जो कण की गति के नियम के अकॉर्डिंग विस्थापन देखा था वो इस दिशा में देखा था, और यहां विस्थापन इस दिशा में है, तो हम मान सकते हैं कि बिंदु बी डैश पर, बिंदु बी डैश पर अक्ष बराबर है माइनस बी, माइनस बी के अकॉर्डिंग है तो अक्ष बराबर है माइनस बी, और ये मान जब यहां ट्रांसफर करें अपन तो बी डैश के ऊपर, बी डैश पर वेग की बात करूं तो वी स्क्वायर बराबर लैम्डा अपॉन एम एल ये हो जाएगा बी स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर मतलब जीरो, तो वेग बराबर जीरो। इसका मतलब बी डैश के ऊपर कण क्या हो जाएगा, स्थिर हो जाएगा। लेकिन त्वरण की अगर बात करें तो त्वरण के लिए अपने पास समीकरण था डी टू एक्स बाई डी टी स्क्वायर बराबर ये अपने पास में समीकरण है माइनस का लैम्डा अपॉन एम एल इंटू एक्स है, और एक्स का मान अपन ने रखा कितना, माइनस का बी, तो मेरे पास मान आएगा लैम्डा बी अपॉन एम एल मतलब
कि बिंदु बी डैश पर वेग तो जीरो हो जाएगा लेकिन कण का जो त्वरण है वो अभी भी है और वो है लैम्डा बी अपॉन एम एल, और इसकी जो डायरेक्शन रहेगी वो डायरेक्शन रहेगी बिंदु ए डैश की ओर। तो यहां बिंदु बी डैश पर कण वापस स्थिर हो जाएगा लेकिन त्वरण के कारण ये वापस इस तरफ गति करेगा जो ए डैश की बिंदु की तरफ होगी, तो ये वापस इस तरफ आएगा और इस तरफ आएगा तो ये गति चलती जाएगी अनवरत। अब यहां से अपन बात करें कि जब अपने पास में ओ से ये बी तक, ओ से बी डैश तक जब ये पूरा गति करता है तो इस गति में कौन कौन से प्रकार की गतियां होती हैं? तो ए से लेकर बी के बीच में और बी से लेकर ए के बीच में, फिर ओ से ए के बीच में और ए से ओ के बीच में कहें, या फिर ए डैश से ए के बीच में, ए से ए डैश के बीच में, फिर यहां पे ए डैश से बी डैश के बीच में और बी डैश से ए डैश के बीच में। तो कण की जो गतियां होती है वो कण की गतियां अपने पास दो प्रकार की गतियां रहेगी। इन दो प्रकार की गतियों में कौन कौन सी गतियां हैं तो अपन बात करें दोनों गतियों की, कि कण जो है वो कण दो प्रकार की गतियां करता है, ए से बी तक तथा बी से ए तक, ए से बी तक और बी से ए तक, ये तो करता है वो ऐसे चल सरल हार्मोनिक मोशन, सिंपल हार्मोनिक मोशन, सरल आवर्त गति। सेकंड इसी में ले सिंपल हार्मोनिक मोशन में, तो ए डैश से बी डैश तक तथा बी डैश से ए डैश तक, ये भी ऐसा चल नहीं करता है, सिंपल हार्मोनिक मोशन, यही सरल आवर्त गति करता है। लेकिन सेकंड पोजीशन देखें अपन कि ए से ए डैश तक तथा ए डैश से वापस ए तक, ये जो गति होती है वो होती है सरल रेखीय गति, सरल रेखीय गति और एक समान वेग से, एक समान वेग से, एक समान वेग से सरल रेखीय गति करता है ये। अब एक समान वेग से सरल रेखीय गति कर रहा है तो दो प्रकार की गतियां होती है। अब दो प्रकार की गतियों में ए से बी तक, बी से ए तक, ए डैश से बी डैश तक, बी डैश से ए डैश तक, तो इसका मतलब अगर इन दोनों को अपन एसएचएम एसएचएम को मिलाए अपन तो ये एक एसएचएम का पूरा आवर्तकाल हो गया। फिर ए से ए डैश तक, ए डैश से ए तक, ये सरल रेखीय गति न्यूटन की गति के नियमों के अकॉर्डिंग एक दूरी हो गई जो अपन यहां से यहां तक का कवर कर रहे हैं। अब इसमें जब पूरा दोलन काल देखे अपन कि अगर कर्ण बी डैश से बी तक और बी से वापस बी डैश तक कहें, अगर पूरा एक दोलन करता है तो इसमें कितना समय लगता है? तो संपूर्ण दोलन काल की अगर मैं बात करूं, संपूर्ण दोलन काल, तो संपूर्ण दोलन काल में अपने पास में दो समय ऐड हो जाएंगे। कौन कौन से? एक तो एसएचएम का आवर्त काल और दूसरा जो न्यूटन की गति के नियमों के सरल रेखीय गति एक समान वेग से हुई है वो ए से ए डैश तक, ए डैश से ए तक। तो टोटल अगर दूरी की बात करें तो टोटल दूरी होगी, देखो एल एल, यहां एल दूरी पर ओ से ए तक आया, फिर ए से ओ तक गया, ऐसे ओ से ए डैश तक, ए डैश से ओ तक, तो टोटल जो दूरी है वो होगी 4L। तो 4L दूरी तय करने में लगा समय, यह संपूर्ण दोलन काल होगा। एसएचएम के आवर्त काल की बात करें अपन तो एसएचएम का जो अपना आवर्त काल है टी, एसएचएम का आवर्त काल रहेगा, एसएचएम का जो अपना आवर्त काल है वो रह जाएगा अपना एसएचएम का 2π, अपन ने जैसे लिखा था 2π रूट एम एल अपॉन लेमडा, यह एसएचएम का आवर्त काल था सरल आवर्त गति का। 4L दूरी को तय करने में लगा समय, तो समय बराबर अपन दूरी बटे चाल, दूरी ले तो 4L है और चाल, चाल का मतलब कि कौन से वेग से गति कर रहा है, तो हमने कहा था A पर जो वेग आया था इसी वेग से ये गति करेगा एक समान वेग से, तो यहाँ A पर वेग आया था अपने पास में रूट लेमडा अपॉन एम एल इंटू बी, तो उस वेग को अगर काम में ले तो बी रूट लेमडा अपॉन एम एल, तो 2π रूट
एम एल अपॉन लेमडा प्लस फोर एल अपॉन बी, ये रूट एम एल अपॉन लेमडा। यहां से मान अपने पास में रूट एम एल अपॉन लेमडा अगर कॉमन लें तो बनेगा 2 पाई प्लस 4 एल अपॉन बी, या फिर अपन कहें 2 भी अगर कॉमन ले तो 2 रूट एम एल अपॉन लेमडा इंटू पाई प्लस 2 एल अपॉन बी। ये जो अपने पास में लास्ट मान आएगा ये इसका संपूर्ण दोलन काल होगा। तो इस प्रकार से हमने किसी बिंदु पर या किसी स्थिति पर कण का वेग क्या रहेगा, त्वरण क्या रहेगा, इस प्रकार से इस एक प्रत्यास्थ डोरी पे जब एक कण को बांधा जाए और किसी दूरी तक खींचकर अपन छोड़े उसको, तो उसमें जो गति होती है वो किस प्रकार की गतियां होती है, उसका दोलन काल या एक चक्कर पूरा करने में कितना समय लगता है, तो ये इसकी गति की विवेचना थी। अब अपन बात करते हैं इसके क्वेश्चन नंबर 3 की। दो हल्की प्रत्यास्थ डोरियां एम द्रव्यमान के कण से बंधी है और उनके दूसरे सिरे निश्चित बिंदुओं से इस प्रकार बंधे हैं कि डोरी तनी रहे। यदि प्रत्येक का प्रत्यास्थ गुणांक लेमडा, मतलब जो दोनों डोरियां हैं उन दोनों का प्रत्यास्थ गुणांक है वो लेमडा, उनमें जो तनाव है वो दे रखा है टी, तथा उनकी लंबाई जो है वो स्मॉल ए और स्मॉल बी हो, तो सिद्ध कीजिए कि डोरी के अनुदिश एक दोलन का जो समय लगेगा उसको, एक पूरा दोलन करने में, एक पूरा चक्कर करने में जो समय लगता है उसको, वो लगता है 2 पाई रूट एम ए बी अपॉन टी प्लस लेमडा इंटू ए प्लस बी। अब यहां पे अपने को एक एम द्रव्यमान का कण दिया गया है और वो दो हल्की प्रत्यास्थ डोरियों से बंधा हुआ है। अब देखो यहां पे सपोज करो मैंने ए और बी कोई दो स्थिर बिंदु लिए, इन दोनों स्थिर बिंदुओं से मैंने ए के ऊपर तो एक एल लंबाई की एक प्रत्यास्थ डोरी, मतलब रबर टाइप में जो जिसमें तनाव हो सके, तो ए और ए डैस एक स्वाभाविक लंबाई जिसकी एल है वो एक मैंने अपन ने एक डोरी ली, ऐसे बी और बी डैस एल डैस लंबाई की एक स्वाभाविक लंबाई एल डैस की एक डोरी ली अपन ने। अब हमने किया क्या कि इधर से ए डैस वाला इसका ए डैस सीधा, ए सीधा स्थिर है, इसका बी सीधा स्थिर है, इसके बी डेस वाले सिरे को और इसके ए डेस वाले सिरे को अपन ने खींच के इनके बिंदु एम के ऊपर या बिंदु ओ के ऊपर एम द्रव्यमान का एक कण बांध दिया अपन ने। तो जब अपन खींच के इसमें बांधेंगे तो ये जो एम द्रव्यमान वाला कण है बिंदु ओ के ऊपर ये अभी साम्यावस्था में स्थिर है, बिल्कुल तो साम्यावस्था में है, और साम्यावस्था में तो ऐसी पोजिशन में जब साम्य में रहता है तो इसका मतलब दोनों तरफ तनाव सेम रहेगा, और दोनों तरफ तनाव सेम है तो इस पोजिशन की अगर अपन बात करें संतुलन में है बिंदु ओ पे, बिंदु O पे संतुलन में। दूसरी बात इसने और कुछ भी कहा है, इन दोनों का प्रत्यास्थ गुणांक लैम्डा है, तनाव टी है, तथा लंबाई A और B है। जब इसको खींच के अपन यहां बांध देंगे तो ये जो लंबाई है इधर की ये हो जाएगी A, टोटल लंबाई दे रखी है, और यहां से यहां तक की लंबाई दे रखी है B। अब A लंबाई ये हो गई, B लंबाई ये हो गई, तो बिंदु O के ऊपर जब संतुलन में होगा ये ऐसी पोजिशन में हुक के नियम के अकॉर्डिंग अगर देखें तो OA में जो तनाव होगा तो OA की तरफ का तनाव और OB की तरफ का तनाव जो है वो सेम रहेगा ऐसी पोजीशन में, और हमने कहा है कि इसमें तनाव कितना है T, तो ऐसी पोजीशन में अगर तनाव T माने तो T बराबर हुक का नियम कहता है कि ये लैम्डा प्रत्यास्थ गुणांक है, तो लंबाई में विस्तार बटा स्वाभाविक लंबाई, लंबाई में विस्तार कितना हुआ, तो OA की अगर बात करूं मैं यहां से यहां तक की लंबाई A है, एल इसकी खुद की स्वाभाविक लंबाई थी, तो यहां से यहां तक का इसका विस्तार रहा, ये विस्तार अपने पास आ जाएगा ए माइनस एल के इक्वल, तो लेमडा ए माइनस एल अपॉन एल। फिर इक्वल ओबी में तनाव देखें तो ओ बी में जो तनाव रहेगा वो क्या रहेगा, तो एल डेस इसकी स्वाभाविक लंबाई थी, यहां से यहां तक की लंबाई इसमें बी दे रखी है, तो यहां इसकी जो विस्तार रहेगा वो हो जाएगा बी माइनस एल डेस अपॉन एल डेस। इन दोनों समीकरणों को जब अपन t के इक्वल लें इसे और इसे, तो यहां से l का मान अपने पास बनेगा लैम्डा a अपॉन t प्लस लैम्डा, जब इसे t के इक्वल लें तो यहां से l डैश का मान बनेगा b लैम्डा अपॉन t प्लस लैम्डा, ये l का और l डैश मतलब स्वाभाविक लंबाई का मान अपने पास लैम्डा के पदों में आ जाएगा। अब अपन जब ये स्थिर है अपन इस कण को एक काम करते हैं थोड़ा सा इसको विस्थापन देते हैं किधर, एक दिशा की तरफ, अगर थोड़ा सा अपन खींच के अगर छोड़ दे इसको, अब इसमें जब अपन विस्थापन देके इसको छोड़ेंगे तो ये कण गति करेगा। अब गति करेगा तो अपन उस गति के लिए बात करते हैं कि मान लेते हैं किसी समय टी के ऊपर कण जो है वो बिंदु पी के ऊपर है, गति करेगा जब, तो किसी ना किसी समय किसी विशेष समय की बात कर रहे हैं अपन,
टी समय पर कण जो है वो बिंदु पी के ऊपर है। अब कण पी पे होगा तो ऐसी पोजीशन में हमने इसको साम्यावस्था वाला बिंदु लिया है, तो पी की ओ से दूरी अपन ने मान ली एक्स, और जब ये पी स्थिति पे है तो ऐसी पोजीशन में देखो एल डैश भी अपनी स्वाभाविक लंबाई में नहीं है, एल भी अपनी स्वाभाविक लंबाई में नहीं है, तो जब ये यहां पे होगा तो दोनों डोरियों में तनाव होगा। अब दोनों डोरियों में तनाव तो हमने लिया है कि मान लेते हैं जो पहली डोरी है जिसे अपन पी ए नाम दे रहे हैं इसमें तो तनाव है कितना टी वन, दूसरी जो डोरी है पी बी इसमें तनाव अपन मान लेते हैं टी टू, दोनों में तनाव उत्पन्न है इस समय। अब दोनों में जब तनाव है तो कण की गति के समीकरण की अगर बात करें, साम्यावस्था वाला बिंदु ये है, कण इस तरफ गति कर रहा है, तो कण की गति के समीकरण से लेके चले तो कण की गति का समीकरण हो जाएगा बल के लिए एम डी टू एक्स वाई डी टी स्क्वायर, ये वैसे बल है, द्रव्यमान गुणा त्वरण। अब यहां बल की अगर बात करें तो जब कण इधर की तरफ गति कर रहा है इस तरफ, तो ऐसी पोजिशन में अपने पास जो टी टू वाला जो तनाव है वो तो अपनी गति की दिशा में, इसलिए ये पॉजिटिव रहेगा, लेकिन जो T1 वाला तनाव है वो T1 वाला तनाव गति की ओपोजिट साइड में है इसलिए ये माइनस में रहेगा, तो T2 माइनस T1, यहां T2 माइनस T1 ये जो तनाव है इन दोनों तनाव के मान भी अपन हुक के नियम के अकॉर्डिंग ले, तो पहले देखो T1 की बात करें, T1 जो तनाव है वो है पहली डोरी में कर्ण बिंदु P के ऊपर है, तो यहां P के ऊपर जब बिंदु होगा तो T1 तनाव की अगर बात करूं तो T1 मतलब पहली डोरी में तनाव है, पहली डोरी में विस्तार कितना हुआ टोटल, तो यहां से लेकर यहां तक की लंबाई की अगर बात करूं तो टोटल है A और ये दूरी X, तो A प्लस X हो गया, लेकिन विस्तार तो यहां से यहां तक का ही है और यहां से यहां तक का विस्तार है, तो इस विस्तार का मान निकालने के लिए अपने पास जो दूरियां दे रखी है उन्हीं का यूज करते हैं, ये A हो गई ये X हो गई तो टोटल हो गई A प्लस X, लेकिन इसमें से L तो खुद की थी तो विस्तार कितना रहा a प्लस एक्स माइनस एल, तो यहां विस्तार हो जाएगा a प्लस एक्स माइनस एल, ये विस्तार हुआ, इसकी खुद की स्वाभाविक लंबाई l, तो इस t1 तनाव हो जाएगा लेमडा a प्लस एक्स माइनस एल अपॉन l। ऐसे ही t2 तनाव की बात करें तो बिंदु p के ऊपर है और तनाव t2 ये है, तो विस्तार कितना हुआ यहां से लेकर यहां तक का और यहां से यहां तक के विस्तार की अगर बात करें तो इस दूरी को अगर अपन डिफाइन करें तो यहां से यहां तक की टोटल दूरी b है, यहां से यहां तक की टोटल दूरी b है, इस b में से अक्ष इधर से लेस कर देते हैं, l डैश इधर से लेस कर देते हैं तो बाकी बीच में ही तो बचा, तो ये अपने पास में मान आ जाएगा b माइनस एक्स माइनस l डैश, ये तो हुआ इसका विस्तार अपॉन में l डैश इसकी खुद की स्वाभाविक लंबाई हो जाएगी। अब दोनों के मान उठा के जब अपन टी टू माइनस टी वन में रखें तो एम डी टू एक्स अपॉन डी टी स्क्वायर इक्वल लेमडा बी माइनस एक्स माइनस l डैश अपॉन l डैश माइनस लेमडा a प्लस एक्स माइनस एल अपॉन एल, दोनों में जब अपन को मल्टीप्लाई करें तो देख ये लेमडा b माइनस एल डेस दोनों को साथ में लिया अपन ने अपॉन एल डेस माइनस ये लेमडा x अपॉन एल डेस माइनस लेमडा a माइनस एल अपॉन एल माइनस लेमडा x अपॉन एल। अब अपन ने समीकरण एक में देखें t बराबर अपन ने दोनों मान लिखे थे, ये इसका मतलब ये मान और ये मान दोनों t के इक्वल है, ये पॉजिटिव है ये नेगेटिव है, दोनों एक दूसरे को कैंसिल कर देंगे, बचा हुआ जो मान है उसमें से बचा अपने पास माइनस लेमडा एक्स अपॉन एल डैश प्लस एक्स अपॉन एल इक्वल माइनस लेमडा, यहां एक्स अगर कॉमन ले लें अपन तो वन अपॉन एल डैश प्लस वन अपॉन एल, एल डैश और एल का मान अपन पहले भी निकाल चुके हैं, दोनों मानों को जब यहां रखें अपन तो मान बनेगा एम डी टू एक्स बाई डी टी स्क्वायर इक्वल माइनस लेमडा वन अपॉन एल डैश, एल डैश के मान का विलोम करके लिखें तो टी प्लस लेमडा अपॉन बी लेमडा प्लस ये एल का मान टी प्लस लेमडा अपॉन ए लेमडा, तो डी टू एक्स अपॉन डी टी स्क्वायर इक्वल हो जाएगा टी प्लस लेमडा इसमें से कॉमन लिया अपन ने ये माइनस बी लेमडा और ए लेमडा, यहां देखो इसका टी प्लस लेमडा वन अपॉन बी प्लस वन अपॉन ए इंटू एक्स इसमें से लेमडा कॉमन आ जाएगा, लेमडा से लेमडा कैंसिल हो जाएगा, यहां एलसीएम लेते हुए जब हल करेंगे तो माइनस का टी प्लस लैम्डा इंटू ए प्लस बी अपॉन एम ए बी इंटू एक्स, जो कि अपने पास जो रूप बनाता है वो बनाता है डी टू एक्स वाई डी टी स्क्वायर इक्वल माइनस म्यू एक्स का। अब यहां अगर देखा जाए तो ये समीकरण है एसएचएम का, सिंपल हार्मोनिक मोशन का, तो यहां सरल आवर्त गति, इसका मतलब कण जो है वो कौन सी गति करेगा, सरल आवर्त गति करेगा, और सरल आवर्त गति करेगा तो यहां म्यू का जो मान बनेगा अपने पास वो म्यू का मान बना देगा टी प्लस लेमडा अपॉन
एम ए बी इंटू ए प्लस बी, ये अपने पास म्यू का मान होगा। अब अपने को मान अगले ने डिफाइन करवाया इसके दोलन काल का समय, और दोलन काल के समय की अगर अपन बात करें तो दोलन काल के समय के लिए अपने को पता है कि सरल आवर्त गति का जो SHM का आवर्त काल होता है t बराबर, वो लिखते हैं अपन 2π अपॉन रूट म्यू। यहां से 2π अपॉन रूट म्यू की अगर बात करें तो म्यू का मान ये है अपने पास, तो t प्लस लेमडा इंटू ए प्लस बी अपॉन एम ए बी। तो यहां से t का मान आ जाएगा ये 2π रूट एम ए बी अपॉन टी प्लस लेमडा इंटू ए प्लस बी। ये अपने पास इसका संपूर्ण दोलन काल आ जाएगा। ये एक दोलन का जो समय पूछा है इसने 2π रूट एम ए बी अपॉन टी प्लस लेमडा इंटू ए प्लस बी, ये सरल आवर्त गति का आवर्त काल हो जाएगा। यहां अपन बात करें यूनिट सेकंड के कुछ इंपोर्टेंट क्वेश्चनों की, तो यूनिट सेकंड में जो अपना पहला क्वेश्चन रहेगा इंपोर्टेंट क्वेश्चन अपना, कि एक कण विराम अवस्था से गुरुत्वाकर्षण के अधीन एक ऐसे माध्यम में होकर गिरता है जिसका प्रतिरोध उसके वेग के समानुपाती है, तो इसकी गति की विवेचना कीजिए। मतलब कि एक कण है जो विराम अवस्था से ले रहे हैं अपन उसको, और गुरुत्वाकर्षण के अधीन उसको अपन एक ऐसे माध्यम में नीचे गिरा रहे हैं जिसका जो प्रतिरोध है, माध्यम का जो प्रतिरोध है वो उस कण के वेग के समानुपाती है। तो यहां जैसे अपन ने लिया कि ये बिंदु O है, ये बिंदु O स्थिर बिंदु पे लिया अपन ने कण को यहां पर पकड़ा हुआ है। जब यहां से अपन इसको एक प्रतिरोधी माध्यम है यहां पे, ये प्रतिरोधी माध्यम में अंदर जब इसको गिराया जाता है, तो जब इसको अंदर गिराते हैं अपन, तो कण का भार जो है वो mg मान लें, जहां g गुरुत्वाकर्षण है, m के भी, तो यहां हमने कहा है कि जो वेग के समानुपाती है इसका माध्यम का जो प्रतिरोध है, तो हम मान के चले कि माना कण बिंदु O से गुरुत्व के अधीन ऐसे माध्यम में गिरता है जिसका प्रतिरोध वेग के समानुपाती है। तो यहां वेग के समानुपाती होगा, तो टोटली अगर अपन देखें तो माध्यम का जो प्रतिरोध बल लगे जिसे अपन आर कहें, तो ये पूरा कंप्लीटली अपने पास में एम के वी के रूप में, जहां एम कण का द्रव्यमान के यहां समानुपाती एक स्थिरांक रहेगा और वेग वी उसका वेग है, तो ये प्रतिरोध लग जाएगा एम के वी जो ऊपर की ओर लगेगा, माध्यम का गति का विरोध करेगा ये। यहां से अब मान के चले अपन की किसी समय टी पर जब कण गिर रहा है, तो किसी न किसी एक समय विशेष समय पर किसी समय टी पर कण बिंदु पी स्थिति पे है। अब कण पी स्थिति पे रहेगा, तो यहां से ओ से लेकर पी के बीच की दूरी अपन अक्ष मान के चले कि जहां ओपी बराबर अक्ष अगर माने अपन, तो इस पी पर कण का जो वेग है वो कण का वेग मान लेते हैं कितना है, स्मॉल वी है। कण का वेग जो है इस बिंदु पी के ऊपर स्मॉल वी है। अब यहां से इस बिंदु P के ऊपर इस स्थिति में जब ये यहां पे है, तो दो बल कार्यरत हैं। वो दो बल कौन कौन से हैं? तो एक तो कण का भार mg जो नीचे की ओर लग रहा है, दूसरा माध्यम का प्रतिरोध बल mkv जो ऊपर की ओर लग रहा है, ठीक है। तो ये दो बल इसके ऊपर कार्यरत हैं। तो बात करें अपन कण की गति के समीकरण से, कण की गति के समीकरण से अगर देखें अपन, तो इसके ऊपर जो बल लग रहा है, टोटल बल लग रहा है, तो बल जैसे अपन लिखते हैं द्रव्यमान गुणा त्वरण, तो बल जो इस पे दो बल कार्य रहते हैं, एक की दिशा गति की दिशा में है, दूसरे की डायरेक्शन जस्ट ऑपोजिट है। तो टोटल बल देखें तो mg माइनस mkv, ये नेगेटिव है क्योंकि ऑपोजिट साइड में है। यहां से m कैंसिल हो जाएगा, तो d2x अपॉन dt स्क्वायर, d2x अपॉन dt स्क्वायर इक्वल आ जाएगा g माइनस k, यहां वेग v है तो v को अपन dx / dt लिख सकते हैं, विस्थापन में परिवर्तन की दर, तो k dx / dt। अब मान के चले कि माना कण जब गिरता है तो उसका लास्ट अधिकतम वेग जो बनता है वो कण का अंतिम वेग v हो, कैपिटल v लिया है अपन ने, तो ऐसी स्थिति में कण अधिकतम वेग तब प्राप्त करता है जब उसका त्वरण, उसमें जो परिवर्तन है, वेग में जो परिवर्तन है वो मतलब जीरो हो जाए, परिवर्तन कुछ नहीं हो रहा, त्वरण जीरो हो जाए, तो ऐसी स्थिति में कण अपना अंतिम वेग प्राप्त कर लेता है और वो अंतिम वेग अपन ने v लिया है। अगर जब कण अंतिम वेग v पे है तो ऐसी स्थिति में त्वरण जीरो हो जाएगा। तो यहां त्वरण जब जीरो ले अपन, तो d2x / dt² इक्वल जीरो। कण के वेग की बात करूं तो dx / dt मतलब स्मॉल v का मान कैपिटल v लेके चले अपन, तो मान बनाएगा जीरो इक्वल ये g माइनस k स्थिरांक है, ये वेग कैपिटल v हो गया यहां। तो यहां से k का एक मान बनता है अपने पास जो
समानुपाती स्थिरांक है तो उसका मान आ जाएगा जी अपॉन वी। ये के का मान उठाकर वापस जब यहां ट्रांसफर करेंगे अपने पास तो डी टू एक्स अपॉन डी टी स्क्वायर ये माइनस के, यहां डी एक्स वाई डी टी का मान जो था तो डी एक्स वाई डी टी को अपन ने स्मॉल वी नाम दे रखा है, वेग है ये, और यहां के का मान अपन ने रखा है जी अपॉन वी। तो ये जी अपॉन वी ट्रांसफर करें तो जी अपॉन वी डी एक्स वाई डी टी प्लस ये इक्वल में जी रह जाएगा। अगर डी टू एक्स वाई डी टी स्क्वायर को तो डी टू एक्स वाई डी टी स्क्वायर वैसे त्वरण है और इसको अपन वेग में परिवर्तन की दर भी कहते हैं, तो वेग में परिवर्तन यहां डी एक्स वाई डी टी को अगर शॉर्ट में वी नाम दे तो ये बना देगा डी वी बाई डी टी प्लस जी अपॉन वी इंटू में वी इक्वल में जी। तो ये अपने पास जो समीकरण बना है ये समीकरण बन जाएगा एक लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन रैखिक अवकल समीकरण के रूप में, और इस रैखिक अवकल समीकरण का जब हल करते हैं तो अपन एक समाकलन गुणांक निकालते हैं जिसे अपन आईएफ कहते हैं। तो आईएफ इक्वल ई की पावर इंटीग्रेशन यहां से वी का जो गुणांक है जी अपॉन वी डीटी, डीटी के टी के रेस्पेक्ट इसका इंटीग्रेशन करेंगे तो यहां से मान आ जाएगा ई की पावर जी अपॉन वी टी, ये अपने पास इसके आईएफ का मान होगा। इसका हल लिखें अपन तो हल बनाएगा v into if, तो if का मान e की पावर gt upon v equal q into if होता है तो g अपने पास ये equal वाला दे रखा है तो g into if का मान e की पावर gt upon v और t के रेस्पेक्ट इसका इंटीग्रेशन करेंगे तो v e की पावर gt upon v equal g, जब इसका इंटीग्रेशन करें तो g upon v पलट के v upon g बना देगा प्लस c1, तो v e की पावर gt upon v equal कैपिटल v e की पावर जी टी अपॉन कैपिटल वी और प्लस सी वन। ये सी वन जो है वो समाकलन स्थिरांक है। अब इसका मान ज्ञात करने के लिए अपन इसकी किसी विशेष पोजीशन की बात करें, इसके बारे में अपने को पता है, तो बात करता हूं मैं प्रारंभिक अवस्था की। जब शुरुआत थी, जब कण को गिराया नहीं था, अपन स्थिर अवस्था में पकड़ रखा था, तो प्रारंभ में जब समय अपना पास क्या था टी बराबर जीरो, शुरुआत की बात कर रहा हूं, तो प्रारंभ में जब टी बराबर जीरो था उस समय कण का वेग भी जीरो था क्योंकि अपन स्थिर अवस्था में पकड़ रखा था उसको, तो वेग बराबर जीरो। तो ऐसी पोजीशन में यहाँ पे टी का मान जीरो, वेग का मान जीरो लिखें तो जीरो इक्वल कैपिटल वी, ये जीरो ई की पावर जीरो वन बना देगा प्लस सी वन, तो यहाँ से सी वन का मान आ जाएगा माइनस का वी, ये माइनस वी। जब सी वन का मान यहाँ ट्रांसफर करें अपन तो मान बनाएगा ये समीकरण वी ई की पावर जी टी अपॉन वी इक्वल कैपिटल वी e की पावर जी टी अपॉन वी माइनस सी वन का मान हो जाएगा, ये सी वन का मान माइनस वी हो जाएगा, तो यहां से स्मॉल v का मान जब इसको ट्रांसफर करें इधर तो ये कैपिटल v ये माइनस v e की पावर माइनस जी टी अपॉन वी। ये जो समीकरण आता है अपने पास, ये समीकरण किसी समय t के ऊपर कण के वेग को दर्शाता है कि किसी भी समय t के ऊपर कण का वेग क्या रहेगा उस वेग को दर्शाता है ये। तो यह समीकरण एक नाम दे जिसे अपन, तो समीकरण एक जो है वो किसी समय t के ऊपर कण के वेग को प्रदर्शित करता है। तो ये v और t के बीच में एक रिलेशन रहा कि किसी समय t पर कण का वेग क्या रहेगा, तो वो कण का वेग ये समीकरण दर्शाता है। अब अपन बात करें इसी समीकरण को आगे सॉल्व करने, तो v को अपन dx by dt विस्थापन में परिवर्तन की दर वेग को लिख सकते हैं इक्वल ये कैपिटल v माइनस v e की पावर माइनस gt अपॉन v, वापस इसी से लिया है। जब dx ये dt इधर के या इस पर t के रेस्पेक्ट अपन वापस इंटीग्रेशन करें तो अपने पास आ जाएगा x इक्वल vt माइनस ये v e की पावर माइनस gt अपॉन v का जब इंटीग्रेशन करें अपन तो e की पावर माइनस gt अपॉन v इनटू माइनस का v अपॉन g और प्लस c2, यहां से मान बनाएगा x इक्वल वी टी प्लस वी स्क्वायर अपॉन जी, नेगेटिव नेगेटिव पॉजिटिव हो जाना है, वी स्क्वायर अपॉन जी e की पावर माइनस जी टी अपॉन वी और प्लस सी टू। अब इस सी टू का मान ज्ञात करें अपन तो वही कोई विशेष स्थिति लेके चले अपन, तो वही प्रारंभिक स्थिति लेके चल रहा हूं मैं कि प्रारंभिक स्थिति लेके चले कि जब प्रारंभ में टी बराबर जीरो था, समय जीरो था, उस समय विस्थापन विस्थापन अपन माप रहे कि जीरो ये ओ से जब नीचे गिर रहा है तो जहां जितनी दूरी पे वो विस्थापन अक्ष है अपने पास, तो यहां मैं लेके चल रहा हूं कि जब शुरुआत में था तो उस समय विस्थापन भी जीरो था और विस्थापन जीरो था, तो यहां से अपने पास में c2 का जो मान बनेगा जब अपन इस समीकरण में ट्रांसफर कर देंगे t बराबर जीरो x बराबर जीरो, ये जीरो हो जाना है, ये जीरो हो जाना है और यहां जीरो रखा तो e की पावर जीरो ये वन बना देगा, तो c2 इक्वल या c2 प्लस v स्क्वायर अपॉन g इक्वल जीरो बचेगा, तो यहां से c2 का मान माइनस v स्क्वायर अपॉन g आ जाएगा।
ये C2 का मान उठा के जब इसमें ट्रांसफर करेंगे अपन, तो अपने पास में एक समीकरण बनेगा x इक्वल vt प्लस v स्क्वायर अपॉन z e की पावर माइनस gt अपॉन v माइनस 1। ये समीकरण अपने पास बनता है, पर ये समीकरण यह किसी समय t पर कण के विस्थापन को दर्शाता है। x का मतलब विस्थापन, यहाँ t, तो ये x और t के बीच का रिलेशन है, तो ये किसी समय t पर कण के विस्थापन को दर्शाता है। ठीक है, अब अपन बात करते हैं विस्थापन और वेग में रिलेशन की। अपन ने समय और वेग में रिलेशन देखा, दूसरा रिलेशन विस्थापन और समय में रिलेशन था, तीसरा जो रिलेशन है अपना वो रहेगा अक्ष और v के बीच में, विस्थापन और वेग के बीच में। तो यहां से अपन वापस वही समीकरण लेते हैं जो शुरू में अपन ने बनाया था, dv upon dt plus g upon capital v small v equal g से। यही रिलेशन वापस लेके चले तो dv equal dv upon dt plus g upon v small v equal g से अगर लें तो dv by dt को अपन विभाजन करें तो dv by dx into dx by dt लिख सकते हैं plus g upon v into small v equal z। यहां से dv by dx as it is आएगा, dx by dt को अगर अपन वेग नाम दें तो ये small v plus z upon capital v, ये small v equal z। यहां से small v dv by dx equal, यहां जब अपन इसका प्रतिस्थापन करें तो z minus zv upon capital v। यहां देखो small v को मैंने थोड़ा सा चेंज करके लिखा और capital v इस प्रकार से है, ये small v dv by dx equal g upon v, जब LCM लेके अलग करें अपन इसको तो g upon v capital v minus small v आ जाएगा। ये जब ट्रांसफर करके अपन इधर ले capital v minus small v को, तो ये small v upon capital v minus small v dv equal g upon v dx हो जाएगा। इसका जब समाकलन करने लगे अपन, तो समाकलन के लिए अपन इसमें थोड़ा सा चेंजेस करते हैं, जैसे इसमें capital v अपन ने ऐड किया है और कैपिटल वी अपन इसमें लेस करें, तो कैपिटल वी इसमें ऐड किया, कैपिटल वी इसमें लेस किया जाए, तो अपने पास में जो मान बनाएगा, स्मॉल वी चल रहा है प्लस कैपिटल वी माइनस स्मॉल वी, ये कैपिटल वी माइनस स्मॉल वी। जब इसे अपन पूरा चेंज करें तो चेंज करने के बाद में जो मान बनेगा, इसका समाकलन बनाए अपन, तो समाकलन अपने पास बनाएगा ये माइनस का वी लॉग कैपिटल वी माइनस स्मॉल वी माइनस वी इक्वल z x upon capital v plus c3। अब जो अपने पास ये समाकलन का फलन बना है, इसमें इस कांस्टेंट c3 का मान लाने के लिए वही प्रारंभिक स्थिति लेके चलेंगे जो अपने लिखे थी, कि प्रारंभ में जब t बराबर 0 था, समय 0 था, उस पोजीशन में उसका वेग क्या चल रहा था, 0 चल रहा था, तो वेग उस समय के लिए स्थिर अवस्था से छोड़ा था अपन ने, तो जो वेग है वो 0 था। जब ये दोनों मान इसमें ट्रांसफर करें तो अपने पास जो C3 के वैल्यू आती है, वो C3 की वैल्यू आ जाएगी माइनस का V log ये कैपिटल V, ये स्मॉल V, दोनों जीरो हो जाने हैं। यहां X का मान, ये स्मॉल V का मान जीरो ले रहे हो, T का मान अपन जीरो लेके चल रहे हैं, तो C3 का जो मान है वो C3 का मान अपने पास में क्या आ जाएगा, माइनस V log V, क्योंकि उस पोजिशन में X का जीरो मान है वो भी क्या चल रहा था, जीरो चल रहा था, X बराबर भी क्या चल रहा है, जीरो। तो z x upon v equal, यहां मान बनाएगा पूरा जब ट्रांसफर करेंगे अपन ये कैपिटल v log v, क्योंकि c3 का मान माइनस का v log v, जब ट्रांसफर करेंगे इसको उधर ट्रांसफर करें अपन तो v log v ये माइनस कैपिटल v log कैपिटल v माइनस स्मॉल v, तो z x upon कैपिटल v equal कैपिटल v log v, इसे log a माइनस log v से अगर ले अपन तो कैपिटल v log v upon v माइनस स्मॉल v equal सॉरी माइनस v। तो यहां से x का जो मान बनेगा, g अपॉन v का ट्रांसफर कर दे अपन, तो ये v स्क्वायर अपॉन g log small v सॉरी कैपिटल v अपॉन कैपिटल v माइनस स्मॉल v, ये माइनस v था, तो यहां से v स्क्वायर अपॉन g log कैपिटल v अपॉन कैपिटल v माइनस स्मॉल v माइनस ये कैपिटल v स्मॉल v अपॉन g बना लेगा। अब यहां देखा जाए तो ये पूरा जो रिलेशन है अपने पास, ये x यहां विस्थापन को डिनोट कर रहा है, कैपिटल वी इसका एक अधिकतम वेग, इसका मान पहले से फिक्स होता है, और ये स्मॉल वी जो अपना वेग रहेगा, तो किसी विस्थापन अक्ष पर कण का वेग क्या रहेगा या किसी वेग वी पे कण का विस्थापन क्या रहेगा, ये जो समीकरण है, तो समीकरण तीन कहें अपन इसको, ये समीकरण अक्ष और वी के बीच के रिलेशन को दर्शाता है। तो इस प्रकार से अपन ने तीन रिलेशन देखे हैं, समीकरण एक में देखा था अपन ने अक्ष और सॉरी
वेग और टी के बीच की रिलेशन को, वेग और समय के बीच में रिलेशन, समीकरण दो में अपन ने देखा था विस्थापन और समय के बीच में रिलेशन, और ये समीकरण तीन जो है वो रहेगा विस्थापन और वेग के बीच में रिलेशन। तो जब किसी कण को अपन गुरुत्व के अधीन ऐसे माध्यम में गिराए जिसका वेग उसके प्रतिरोध के समानुपाती हो, तो उसकी कण की गति किस प्रकार की रहती है, क्या उसमें समय के साथ रिलेशन रहता है वेग का, त्वरण का, विस्थापन का, तो ये इस प्रकार से रहेगा। तो ये अपना पहला इंपॉर्टेंट क्वेश्चन था, ठीक है। अब अपन बात करते हैं इसके सेकंड क्वेश्चन की। तो जो सेकंड क्वेश्चन है वो है कि एक कण को चिकने से क्षैतिज तल पर ऐसे माध्यम में यू वेग से, ये कैपिटल यू है, कि कैपिटल यू वेग से अगर फेंका जाता है चिकने से क्षैतिज समतल के ऊपर, जिसका प्रतिरोध जो है वो प्रति इकाई द्रव्यमान के लिए के गुना है, तो सिद्ध कीजिए कि टी समय पश्चात यदि उसका वेग स्मॉल वी हो तथा इसके द्वारा तय की गई जो दूरी है वो अगर एस हो, तो ऐसी पोजीशन में उसका जो वेग है उस समय टी समय पर वेग जो है वो वी इक्वल कैपिटल यू ई की पावर माइनस के टी, तथा जो उसका विस्थापन है एस टी समय पर वो आ जाना चाहिए यू अपॉन के इंटू वन माइनस ई की पावर माइनस के टी के बराबर। तो यहां से शुरुआत करें अपन, जैसे अगले ने कहा कि एक कण को है वो चिकने से क्षैतिज तल पर ऐसे माध्यम में फेंका जाता है जो यू वेग से फेंका जाता है जिसका प्रतिरोध प्रति इकाई द्रव्यमान का के गुना है। तो सबसे पहले अपन जैसे बात करें कि मान लेते हैं ओ एक स्थिर बिंदु है, इस स्थिर बिंदु ओ से एक एम द्रव्यमान का कण लिया है अपने, एम द्रव्यमान का, इस एम द्रव्यमान वाले कण को एक चिकने से क्षैतिज समतल पर जब ओ से ए की दिशा की तरफ अपन फेंकते हैं, तो ओ से ए की दिशा की तरफ माध्यम में फेंक रहे हैं अपन, जैसे अगला कह रहा है कि माध्यम में यू वेग से, और कौन से वेग से फेंक रहे हैं, यू वेग से फेंक रहे हैं, तो ओ से ए की तरफ चिकने से क्षैतिज समतल पर यू वेग से उसको फेंका जा रहा है जिसका द्रव्यमान एम है। तो यहां जब माध्यम का जो प्रतिरोध बल लगेगा इसकी वेग के जस्ट ऑपोजिट दिशा में, तो यहां प्रति इकाई द्रव्यमान के लिए के गुना है, तो एम द्रव्यमान के लिए उसका जो प्रतिरोध हो जाएगा वो हो जाएगा एम के वी, और वो उसकी दिशा जो होगी वो जस्ट ऑपोजिट होगी उसके वेग के। तो और दूसरी बात, अपन अगर बात करें कि मान लेते हैं किसी समय टी पर वो कण है पी स्थिति पे, जहां पी की ओ से लेकर दूरी जो है वो है एस, विस्थापन इसको कहें, जैसा हमने दे रखा है अपने को कि इसके द्वारा तय की गई दूरी एस है, और इस पी के ऊपर उसका जो वेग है वो है स्मॉल वी। तो कण की गति के समीकरण से देखें, तो कण की गति के समीकरण से एम डी टू एस बाई डी टी, यहां अक्ष की जगह अगले ने एस दे रखा विस्थापन, तो एस लेके चले अपन, एम डी टू एस बाई डी टी स्क्वायर, ये बल की बात कर रहे हैं, तो कण पर केवल एक ही बल कार्य रहता है अभी, वो है इसके जस्ट ऑपोजिट माध्यम का प्रतिरोध, तो माइनस एम के वी, यहां एम से एम कैंसिल हो जाएगा, तो डी टू एस अपॉन डी टी स्क्वायर इक्वल माइनस के वी डी टू एस बाई डी टी, यह है त्वरण की बात, तो त्वरण को अपन वेग में परिवर्तन dv अपॉन dt लिखे तो इक्वल माइनस का kv, ये dv अपॉन v, v का ट्रांसफर करो, dt का इधर ट्रांसफर कर दे अपन, जब अपने पास ये अपना रूप बना हुआ है तो इसका जब समाकलन करें अपन, इंटीग्रेशन करें दोनों पक्षों में, तो dv अपॉन v का log v हो जाएगा माइनस ये k कांस्टेंट है, dt का t और प्लस ये कांस्टेंट c1। अब इस c1 का मान ज्ञात करने के लिए अपन यहां से लेते हैं इसकी प्रारंभिक स्थिति, जब प्रारंभ में ये बिंदु O पे था, जब अपन ने फेंका नहीं था, शुरुआत की अवस्था थी ये, तो बिंदु O के ऊपर अगर बात करूं मैं, तो बिंदु O पर जब प्रारंभ में मैंने फेंका था उस समय इसका वेग था U, क्योंकि अपन ने U वेग से इसको फेंका था शुरुआत में, तो V बराबर U, लेकिन समय उस समय क्या था, T बराबर 0, क्योंकि शुरुआती टाइम था, तो T बराबर 0, ये जब दोनों मान इसमें अपन प्रतिस्थापित करें तो T का मान 0 और स्मॉल V का मान कैपिटल U, तो log U इक्वल C1 या C1 का मान log U आ जाएगा, ये मान वापस यहां ट्रांसफर करें तो log स्मॉल v इक्वल माइनस के टी प्लस log u, ये log u इसे ट्रांसफर करके इधर भेजे log के नियमों के अनुसार, तो log स्मॉल v अपॉन कैपिटल u इक्वल माइनस के टी, ये स्मॉल v अपॉन कैपिटल u इक्वल log को जब ट्रांसफर करें तो e की पावर माइनस के टी, यहां से v का मान अपने पास बनेगा स्मॉल v बराबर
कैपिटल यू ई की पावर माइनस के टी, मतलब किसी समय टी के ऊपर कण का जो वेग है, मतलब बिंदु पी के बात कर रहा है ये, पी के ऊपर उसका जो वेग रहेगा उसका मान रहेगा स्मॉल सॉरी कैपिटल यू ई की पावर माइनस के टी। तो एक अगले ने ये अपने को एक सिद्ध करवा रखा है कि स्मॉल वी किसी समय टी पर उसका जो वेग है वो होगा यू ई की पावर माइनस के टी। तो अपने पास एक पोजिशन तो ये आ गई कि स्मॉल वी बराबर कैपिटल यू ई की पावर माइनस के टी। अब आगे की अवस्था या एस विस्थापन के लिए बात करें तो अपनी सी को लेकर चलते हैं, वेग को ही, वेग को लिखा अपने विस्थापन में परिवर्तन, तो डी एस बाई डी टी इक्वल ये कैपिटल यू ई की पावर माइनस के टी। यहां से जब टी के रेस्पेक्ट इसका इंटीग्रेशन करें अपन दोनों में तो ये बना देगा एस इक्वल ये माइनस का सॉरी यू है लेकिन ई की पावर माइनस के टी का जब इंटीग्रेशन करें अपन तो ई की पावर माइनस के टी अपॉन माइनस के, तो ये माइनस आगे लिया है प्लस सी टू। यहाँ सी टू का जब मान ज्ञात करें तो सी टू के लिए भी वही प्रारंभिक अवस्था लेके चले अपन भी, प्रारंभ में जब कण ओ पे था उस कंडीशन में एस का मान, मतलब विस्थापन क्या था, यहां से विस्थापन जब ये यहाँ आता था एस का मान जीरो था, तो एस बराबर जीरो और वहां शुरुआत की अवस्था थी इसलिए टी बराबर जीरो। एस का मान जब इसमें ट्रांसफर करें अपन जीरो, टी का मान जीरो, तो सी टू का जो मान बनेगा सी टू इक्वल यू अपॉन के, ये सी टू का मान यू अपॉन के वापस ट्रांसफर करते हैं अपन, तो एस इक्वल माइनस का यू अपॉन के ई की पावर माइनस के टी प्लस यू अपॉन के, तो एस बराबर आ जाएगा यू अपॉन के कॉमन ले इसमें से तो वन माइनस ई की पावर माइनस के टी। ये अपने पास में इसका किसी समय टी पर कण का विस्थापन आ जाएगा। तो सेकंड पोर्शन था अपना कि एस बराबर यू अपॉन के वन माइनस ई की पावर माइनस के टी। तो ये अपना सेकंड क्वेश्चन था जो अपने को प्रूव करना था कि किसी समय टी पर कण का वेग और विस्थापन किस रूप में रहेगा। तो इस रूप में अपने पास में मान निकाला अपन ने, समीकरण एक में निकाला है और एक अपन ने समीकरण दो में निकाला है। तो ये इसका सेकंड इंपॉर्टेंट क्वेश्चन था। अब अपन बात करते हैं इसके थर्ड क्वेश्चन की कि एम द्रव्यमान का एक कण गुरुत्वाकर्षण के अधीन ऊर्ध्वाधर दिशा में, मतलब ऊपर की ओर ऊर्ध्वाधर दिशा में ऊपर की ओर फेंका जाता है, यदि वायु का प्रतिरोध वेग का एम के गुना है तो सिद्ध करो कि कण की जो अधिकतम ऊंचाई है, जब कण ऊपर फेंकने पर जो अधिकतम हाइट जो ग्रहण करेगा वो अधिकतम हाइट h का जो मान है वो आ जाए अपने पास इक्वल v स्क्वायर अपॉन z इनटू लैम्डा माइनस लॉग 1 प्लस लैम्डा, ये अधिकतम हाइट है उस कण की जो अगले ने कण ने ग्रहण की है। तो इसकी बात करें अपन तो मान ले अपन कि मान ले कि कण का जो द्रव्यमान है वो m है, ठीक है, एक m द्रव्यमान का जो कण है वो स्थिर अवस्था o से हम ऊपर की ओर फेंक रहे हैं। जब स्थिर अवस्था o से अपन ऊपर की ओर फेंकेंगे तो ऊपर की ओर फेंकने पर कण के ऊपर दो बल कार्य करते हैं, एक तो कण का भार खुद का जो mg है वो नीचे की ओर पृथ्वी की ओर गुरुत्वाकर्षण के अधीन लगेगा, दूसरा हम ऊपर की ओर फेंक रहे हैं और माध्यम जो है उसके वेग के विपरीत दिशा में उसका बल उसके वेग को रोकने की कोशिश कर रहा है, तो वो माध्यम का जो प्रतिरोध बल है वो भी नीचे की ओर लग रहा है और वो कह रहा है कि m के गुना, तो वेग है v, तो v का m के गुना, तो m के v, ये माध्यम का प्रतिरोध बल हो गया, वो भी किधर लग रहा है, नीचे की ओर। तो हम कह सकते हैं कि कण के ऊपर जो बल कार्य रहते हैं वो बल कार्य रहते हैं, दो प्रकार के बल कार्य रहते हैं, तो पहला है कण का भार mg जो नीचे की ओर लग रहा है, दूसरा है माध्यम का प्रतिरोध बल जो m के v है वो भी नीचे की ओर लग रहा है। अब मान लेता हूं कि किसी समय t के ऊपर, किसी विशेष समय t की बात कर रहा हूं कि किसी समय t पर वो कण है p स्थिति पे, जहां p के ऊपर उसका जो वेग है वो मान लेता हूं मैं v, दूसरी बात कि o से लेकर p के बीच का जो विस्थापन है जो दूरी है वो मान लेता हूं x, इसके ऊपर इसका वेग भी है विस्थापन है x, तो कण की गति का समीकरण अगर ले अपन तो कण की गति का समीकरण होता है mv2x/dt2, मतलब बल है पर कार्यरत, तो mv2x/dt2 तो दो बल कार्यरत है, दोनों की दिशा जस्ट गति के ऑपोजिट है तो दोनों नेगेटिव, माइनस mg माइनस mkv, ये m कैंसिल हो जाएंगे तो d2x/dt2 = -g - kv, यहां से d2x/dt2 = -g - कॉमन लिया तो g + kv बनाएगा माइनस। अब मैं बात करता हूं कि जैसे मान ले अपन कण कहीं ना कहीं एक ऐसा बिंदु भी आएगा जब अधिकतम वेग प्राप्त करेगा, ये k जो है वो एक समानुपातिक स्थिरांक है और इसका मान अपने को पता है कि जब कण अधिकतम वेग प्राप्त करता है
उस समीकरण का त्वरण जीरो होता है, तो यहाँ अधिकतम वेग को मैंने बी मैक्स से डिनोट किया है, तो बी मैक्स बराबर मैक्सिमम वेग होता है जी बाई के बराबर। तो यहाँ से के का मान अपन बनाए तो के का मान बना देगा जी अपॉन वी मैक्सिमम। ठीक है, तो जी अपॉन वी मैक्सिमम जब यहाँ ट्रांसफर करें अपन के की जगह, तो ये बना देगा जी प्लस जी अपॉन वी मैक्सिमम इंटू स्मॉल वी। अब बात आती है डी टू एक्स बाई टी टी स्क्वायर की, तो ये त्वरण है, तो त्वरण को अपन जैसे वेग में परिवर्तन के अकॉर्डिंग लिखे, तो यहां अपन ने लिखा इसको डीवी बाई डी टी लिख सकते हैं, और डीवी बाई डी टी को अपन लिख सकते हैं जैसे इस पर लिखा डीवी अपॉन डी टी, तो डीवी बाई जो डी टी है उसको अपन लिख सकते हैं डीवी बाई डी एक्स बाई डी टी इंटू डीवी बाई डी एक्स। ये dx by dt वेग बना देगा, तो वेग v हो जाएगा, ये dv by dx equal इसमें से z कॉमन लिया v max, अगर LCM लेके कॉमन ले तो माइनस का z upon v max इनटू में हो जाएगा v maximum plus small v, ये v maximum plus small v ट्रांसफर करें इधर, तो v small v upon v maximum plus small v dv equal माइनस का z upon v maximum dx। अब दोनों पक्षों में अगर अपन समाकलन के लिए यहां देखें तो v मैक्सिमम प्लस स्मॉल v के रेस्पेक्ट और इधर अक्ष के रेस्पेक्ट अगर इनका इंटीग्रेशन करें अपन, तो यहां जब इसका डिवाइडेशन करें अपन तो ये बना देगा 1 माइनस v मैक्सिमम अपॉन v मैक्सिमम प्लस स्मॉल v और ये dv इक्वल माइनस g अपॉन v मैक्सिमम dx। जब दोनों पक्षों में अपन इंटीग्रेशन करें इनका, तो 1 का v के रेस्पेक्ट स्मॉल v माइनस ये v मैक्सिमम कांस्टेंट है, 1 अपॉन v मैक्सिमम प्लस स्मॉल v का log v मैक्सिमम प्लस स्मॉल v इक्वल ये आ जाएगा माइनस का z अपॉन v मैक्सिमम dx का इंटीग्रेशन x हो जाएगा प्लस c1। अब इस कांस्टेंट का मान निकालने के लिए हम बात करते हैं प्रारंभिक अवस्था की, जब बिंदु या जब कण o स्थिति पे था, तो प्रारंभ में जब कण o स्थिति पे था उस पोजीशन में x का जो मान है विस्थापन, तो विस्थापन रहेगा अपने पास में कितना जीरो, क्योंकि कण ओ स्थिति पे विस्थापन कुछ नहीं है, इसका तो अक्ष बराबर जीरो। और ऐसी स्थिति में इसके वेग की बात करें तो अगले ने कहा था कि ऊर्ध्वाधर ऊपर की ओर फेंका जाता है, वेग नहीं दे रखा अगले ने, तो हम बात करें कि कण को ऊपर फेंकने के लिए स्थिर अवस्था से छोड़ा नहीं अपन ने, जब ऊपर की ओर फेंका है तो किसी न किसी वेग से फेंका है, तो हम बात करें कि कण कहीं ना कहीं उतना मैक्सिमम वेग प्राप्त करता है, तो शुरुआत में कण का वेग उस मैक्सिमम वेग का जो भी रहे अधिकतम वेग जब ऊपर जाके प्राप्त करता है, तो हम बात करें कि मान लेते हैं कण को जब शुरुआत में अपन फेंकते हैं उस समय मैक्सिमम वेग का लैम्डा गुना ले सकते हैं अपन, लैम्डा गुना का मतलब यहाँ पर आधा हो सकता है, एक तिहाई हो सकता है, कोई भी वेग हो उसका, तो यहाँ लैम्डा एक कॉन्स्टेंट राशि है, और इस कॉन्स्टेंट राशि को जब मैक्सिमम वेग से मल्टीप्लाई करें अपन, मतलब कोई ना कोई ऐसा वेग का चाहिए मैक्सिमम वेग का आधा हो एक तिहाई कोई भी वेग हो उससे वेग से अपन उसको फेंक रहे हैं ऊपर की ओर, तो ये मान जब ट्रांसफर करें यहां पे तो ये मान बनाएगा स्मॉल v की जगह लैम्डा v मैक्सिमम माइनस ये v मैक्सिमम log v मैक्सिमम प्लस या स्मॉल v की जगह लैम्डा v मैक्सिमम इक्वल c1, क्योंकि यहां पे x का मान अपन ने क्या ट्रांसफर किया जीरो, तो c1 इक्वल ये मेरे पास मान आ जाएगा, ये पूरा मान c1 का जो है वो यहां ट्रांसफर करेंगे जब ऊपर वाली इक्वेशन में, तो स्मॉल v इक्वल v मैक्सिमम log v मैक्सिमम प्लस स्मॉल v इक्वल माइनस g x अपॉन v मैक्सिमम प्लस ये पूरा मान जो c1 का आया है वो यहां ट्रांसफर कर देंगे अपन, लैम्डा v मैक्सिमम माइनस v मैक्सिमम log v मैक्सिमम प्लस लैम्डा v मैक्सिमम। इन मानों को जब अपन एक जगह ले तो स्मॉल v इक्वल ये मान पूरा मान जब ट्रांसफर कर दे इधर अपन, तो यहां से बनेगा माइनस का g x अपॉन v मैक्सिमम प्लस ये लैम्डा v मैक्सिमम माइनस v मैक्सिमम यहां इस पद में से, और ये पद जब इधर आ जाएगा तो ये पद प्लस का हो जाएगा इधर आके, तो इसमें से v मैक्सिमम को अपन ने कॉमन लिया वो भी माइनस का, तो ये मान बनेगा log इन दोनों पदों में, तो log v मैक्सिमम प्लस लैम्डा v मैक्सिमम है, तो v मैक्सिमम इनमें से कॉमन आ जाएगा, तो ये 1 प्लस लैम्डा बना देगा, और ये पद v मैक्सिमम अपॉन v मैक्सिमम प्लस v बना देगा, ये log के नियमों के अकॉर्डिंग बना देगा। तो यहां से अपने पास में जो स्मॉल v का जो मान बना रहा है, स्मॉल v का मान बनाएगा माइनस का g x अपॉन v मैक्सिमम लैम्डा v मैक्सिमम माइनस v मैक्सिमम log v मैक्सिमम 1 प्लस लैम्डा अपॉन v मैक्सिमम प्लस स्मॉल v के रूप में अपने पास मान आ जाएगा। अब इसे आगे सॉल्यूशन करें अपन, तो सॉल्यूशन
ठीक है। अब आगे के सॉल्यूशन की अगर अपन बात करें तो आगे का सॉल्यूशन अपन बात करते हैं। अगला कह रहा है कि जब ये अधिकतम ऊंचाई पे पहुंच जाएगा तो सिद्ध करो कि कण की अधिकतम ऊंचाई, तो अधिकतम ऊंचाई पर कब पहुंच जाएगा ये, तो अधिकतम ऊंचाई पे कण का वेग जो है वो उस समय क्या हो जाना है, जीरो। तो अधिकतम ऊंचाई पे जब पहुंचेगा तो हम मान के चले कि मान लेते हैं कि कण ने जो अधिकतम विस्थापन x का जो माना अधिकतम हो जाएगा, अधिकतम होने का मतलब कि माना अधिकतम ऊंचाई, तो अधिकतम ऊंचाई की अगर मैं बात करूं तो अधिकतम ऊंचाई के ऊपर अक्ष बराबर जो है वो तो होता है अधिकतम ऊंचाई को अपन h नाम दे दें, अगर कि अधिकतम ऊंचाई, इसने जो अधिकतम ऊंचाई ग्रहण की उसका मान अक्ष बराबर h ले लिया, लेकिन जब अधिकतम ऊंचाई पे वो पहुंच जाएगा उस समय उसका वेग क्या हो जाएगा, जीरो, वेग जीरो हो जाना है। तो अधिकतम ऊंचाई पर अक्ष का तो मान h और वेग का मान जीरो ले अपन, तो इसमें जब ट्रांसफर करें तो v का तो मान हो गया जीरो इक्वल माइनस का z अक्ष की जगह h अपॉन v मैक्सिमम प्लस लैम्डा v मैक्सिमम और माइनस v मैक्सिमम, और अपने पास ये जो मान बनाएगा v मैक्सिमम log v मैक्सिमम इंटू वन प्लस लैम्डा अपॉन वी मैक्सिमम और स्मॉल वी का जो मान है वो क्या हो जाना है, जीरो। तो वी मैक्सिमम से वी मैक्सिमम कैंसिल हो जाना है, यहां माइनस जी अपॉन वी मैक्सिमम है, इसको ट्रांसफर करें तो जी एच अपॉन वी मैक्सिमम इक्वल लैम्डा वी मैक्सिमम, वी मैक्सिमम इनमें से कॉमन निकाल लें अपन, वी मैक्सिमम कॉमन लिया तो क्या बचेगा यहां से लैम्डा, ये माइनस लॉग वन प्लस लैम्डा वी मैक्सिमम, ये वी मैक्सिमम है h बराबर, ट्रांसफर करें तो वी मैक्सिमम की जगह अपन कैपिटल v काम में ले अगर, तो ये बना देगा v स्क्वायर अपॉन z इंटू लैम्डा माइनस लॉग वन प्लस लैम्डा। तो ये जो अपने पास मान आ रहा है ये मान h का मतलब अधिकतम ऊंचाई, उस कण ने जो अधिकतम ऊंचाई ग्रहण की है उस अधिकतम ऊंचाई का मान है h बराबर v स्क्वायर अपॉन z इंटू लैम्डा माइनस लॉग वन प्लस लैम्डा। और अपने को अगले ने ये प्रूव करवा रखा है कि सिद्ध करो कि कण की जो अधिकतम ऊंचाई होगी वो h बराबर v स्क्वायर अपॉन z लैम्डा माइनस लॉग वन प्लस लैम्डा होगी। तो इस प्रकार अपन इसके सेकंड यूनिट के जो इंपोर्टेंट क्वेश्चन है, ये सेकंड यूनिट के इंपोर्टेंट क्वेश्चन थे कुछ जिनका अपने अभी अध्ययन किया है। तो थर्ड यूनिट है अपनी जड़त्व आघूर्ण से रिलेटेड है, तो जड़त्व आघूर्ण के कुछ इंपोर्टेंट क्वेश्चन अपन थर्ड यूनिट में देखें। तो जैसे अपना पहला क्वेश्चन है ए स्मॉल ए त्रिज्या तथा कैपिटल एम द्रव्यमान के खोखले गोले का एक व्यास के परिधेय या उसके किसी एक व्यास के परिधेय जड़त्व आघूर्ण ज्ञात कीजिए। अब अगले अपने को त्रिज्या दे रखी है इसकी, स्मॉल ए त्रिज्या है, रेडियस दे रखी है और द्रव्यमान दे रखा है इसका कैपिटल एम, टोटल द्रव्यमान खोखला गोला है तो खोखले गोले का द्रव्यमान कैपिटल एम दे रखा है। तो अपन यहां से एक गोला लेके चलते हैं, जैसे सपोज करें स्मॉल ए त्रिज्या का एक गोला लिया अपन ने, इसका एक व्यास है ए से बी तक, ए बी इसका व्यास है, ओ इसका सेंटर माना अपन ने। अब इसका जड़त्व आघूर्ण लेने के लिए अपन अगर इसको छोटी छोटी चकतियों में, या अपन कहें कि जैसे छोटी छोटी चौड़ाई बिल्कुल नगण्य के बराबर चौड़ाई की छोटी छोटी चकतियों में अगर इसका विभाजन करें पूरे खोखले गोले का अपन, जिसमें से किसी एक विशेष शक्ति की बात करें अपन, वो विशेष शक्ति अपन ले ली है कि P, Q, R और S, ये अपन एक इसकी एक शक्ति ले रखी है P, Q, R और S। अब P, Q, R, S इसकी चौड़ाई इतनी नगण्य है कि लगभग अपन अगर देखें तो ये अपने को सर्किल की आकृति की नजर आए, बिल्कुल चौड़ाई नगण्य के बराबर है। अब यहां से पी क्यू, पी से क्यू तक की चौड़ाई देखें अपन, तो पी से क्यू तक की चौड़ाई एक तरीके से इसका एक चाप हो गया, किसी सर्किल के अकॉर्डिंग अगर ले अपन तो सर्किल के अकॉर्डिंग एक चाप हो गया, और चाप की लंबाई की अकॉर्डिंग चाप की लंबाई है, और चाप की लंबाई अपन को पता है पी क्यू बराबर अपन कह सकते हैं ए डेल थीटा। अब यहां पे देखो ये जो अपन ने इसके ऊपर गोले के ऊपर एक बिंदु लिया है पी, जिसके निर्देशांक है ए थीटा, कहां पर ने एंगल लिया थीटा, फिर
यहां से इसके ऊपर जस्ट ऊपर इसका बिंदु क्यू है, इस क्यू के कोऑर्डिनेट यहां की जो चौड़ाई है या एंगल है वो ले अपन ने डेल थीटा, सूक्ष्म परिवर्तन है ये इसका, तो इसकी चौड़ाई हो जाएगी, इसके जो कोऑर्डिनेट है वो हो जाएंगे ए थीटा प्लस डेल थीटा। पी के क्यू के जो कोऑर्डिनेट अपने पास है, तो ये जो पी से क्यू तक के चाप की लंबाई है, यहां एंगल बना रहा है सेंटर पे डेल थीटा का, तो पी से क्यू तक की चौड़ाई हो जाएगी पी क्यू बराबर, ये लंबाई सॉरी पी क्यू बराबर ए डेल थीटा। अब यहां से पी क्यू का मान ए डेल थीटा लिया है अपन ने, अगर पी से इस पे लंब डाला जाए व्यास के ऊपर तो ये बनेगा पी एम, तो पी एम का मान अगर अपन इस ट्राइंगल के अकॉर्डिंग देखें तो ये थीटा, थीटा के सामने की भुजा लंब लेते हैं अपन, तो इसका मान आ जाएगा ए साइन थीटा, ये लंब की लंबाई हो गई। अब अपन बात करते हैं जड़त्व आघूर्ण के कुछ नियमों की। जड़त्व आघूर्ण में अपन ने देखा कि जड़त्व आघूर्ण का जो फॉर्मूला होता है वो होता है कि किसी भी वस्तु का द्रव्यमान इनटू जहां से अपने को उसका जड़त्व आघूर्ण चाहिए उस जड़त्व आघूर्ण के या उससे उसकी लंबवत दूरी का होल स्क्वायर। तो पहले अपन बात कर ले, ये जो गोला दे रखा है इस गोले का टोटल क्षेत्रफल अपने पास दे रखा है 4πa², क्योंकि अगले ने त्रिज्या a दे रखी है, तो अपने को पता है गोले का क्षेत्रफल का फॉर्मूला है, तो गोले का क्षेत्रफल हो गया 4πa², रेडियस a दे रखी है। गोले के द्रव्यमान की अगर बात करूं तो गोले का द्रव्यमान दे रखा है अगले ने कैपिटल m अपने को, तो इकाई क्षेत्रफल का जो द्रव्यमान बनेगा एकांक क्षेत्रफल का, वो एकांक क्षेत्रफल का द्रव्यमान हो जाएगा कुल द्रव्यमान बटा कुल क्षेत्रफल, तो इकाई क्षेत्रफल का द्रव्यमान आ गया 4m/4πa², ठीक है। अब अपन बात कर रहे थे इस चक्ती की जो अपन ने मानी है पी क्यू आर एस, तो पहले मैं बात करता हूं पी क्यू आर एस एक वलय है जिसकी त्रिज्या पी एम, ये वलय जो बनाई है अपन ने, इस वलय का जो त्रिज्या है पी एम, पी एम का मान हो जाएगा ए साइन थीटा, ठीक है। तो वलय पी क्यू का जो क्षेत्रफल बनेगा, तो वलय पी क्यू का क्षेत्रफल वलय की परिधि इंटू चौड़ाई, अब देखो वलय की परिधि इंटू चौड़ाई के रूप में अपन ने क्यों दिया यहां पे, कि जैसे चकती है ये इस प्रकार से दे रखी है, ठीक है, ये वलय जो दे रखी है वो सर्किल के आकार की है, इस सर्किल के आकार में अपन ने इसके जस्ट नीचे इसकी चौड़ाई जो दे रखी है, ये चौड़ाई अपन ने मान के चलिए जैसे पी और क्यू है, और इसकी पी क्यू की लंबाई दे रखी है ए डेल थीटा। अब अपन कहीं भी जैसे सेक्टरफल अगर देखें तो इसके सेक्टरफल की बात करूं तो जैसे वृत्त की जो परिधि है इस परिधि को अपन एच ऊंचाई तक वैसा का वैसा ही लें तो इसका टोटल सेक्टरफल आ जाएगा चारों तरफ का, तो वैसे ही अपन कहें तो वलय की जो परिधि है वो वलय की परिधि और परिधि इंटू इसकी चौड़ाई, ये चौड़ाई आ जाएगी इसकी, तो वलय की परिधि इंटू चौड़ाई, वलय की परिधि, परिधि 2πr होती है, तो 2πr का मान अपने पास इसकी रेडियस है, तो रेडियस कितनी हो जाएगी a sin थीटा, 2πa sin थीटा इंटू चौड़ाई इसकी है a डेल थीटा, तो अपने पास इसका जो वलय का जो क्षेत्रफल बनेगा वो कुछ इस प्रकार बनेगा 2πa sin थीटा इंटू a डेल थीटा। अब बात करें वलय के द्रव्यमान की, तो इस वलय का जो द्रव्यमान होगा, तो इकाई क्षेत्रफल का द्रव्यमान अपन ने लिखा था m/4πa². अब वलय अपने पास में कितने क्षेत्रफल की बनी है, वलय का क्षेत्रफल बना है इतना, तो इसका द्रव्यमान की अगर बात करें तो इस क्षेत्रफल को जब इकाई क्षेत्रफल के द्रव्यमान से मल्टीप्लाई करेंगे तो वलय वलय का द्रव्यमान आ जाएगा अपने पास, तो बनेगा m/4πa² इंटू 2πa sin थीटा इंटू ए डेल थीटा। जब इसे सोल्व करेंगे अपन तो अपने पास में इसका जो द्रव्यमान बनेगा वलय वलय का वो बन जाएगा m/2 sin थीटा डेल थीटा, ठीक है। अब ये अपने पास वलय का द्रव्यमान है, अब अपन बात करते हैं इस वलय का व्यास AB के परिरिक्त है जड़त्व आघूर्ण, तो जड़त्व आघूर्ण का फॉर्मूला होता है द्रव्यमान इंटू लंबवत दूरी का होल स्क्वायर। तो द्रव्यमान बात करें तो वलय का द्रव्यमान आया m/2 sin थीटा डेल थीटा, m/2 sin थीटा डेल थीटा इंटू लंबवत दूरी, तो लंबवत दूरी इस वलय की व्यास से लंबवत दूरी थी pm, और pm का मान आ रहा अपने पास a sin थीटा, तो a sin थीटा का होल स्क्वायर। तो यहां से ये केवल अपने पास केवल वलय का द्रव्यमान है, अब वलय का नहीं चाहिए अपने को तो पूरे गोले का चाहिए, तो हमने जो ये वलय डिवाइड की है यहां पे इसके जो पार्ट किए हैं वो कहां से, तो हमारे पास जो थीटा चल रहा है हमने ये डिवाइडेशन शुरू किया इस लाइन से, मतलब जो सबसे छोटी चकती थी वो बिल्कुल इस लाइन के ऊपर थी जिसकी मान लो चौड़ाई नगण्य के बराबर है, फिर अपन ने धीरे 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 इसको बढ़ाते गए, तो ये जो थीटा का एंगल है कहां से, थीटा का एंगल जीरो से स्टार्ट होकर कहां तक पाई तक एंड हुआ है, क्योंकि लास्ट वाली जो सर्किल बनेगा क्या चकती बनेगी वो यहां पे आएगी,
तो जीरो से लेकर पाई तक का चेंज हुआ है। तो जब पूरे खोखले गोले का अगर अपन बात करें तो सारी जितनी भी शक्तियां हैं उन सभी के जड़त्व आघूर्ण को अपन एक इंटीग्रेशन फॉर्म में अगर लें तो अपने पास में संपूर्ण गोले का जड़त्व आघूर्ण बना देगा। जीरो से पाई लिमिट के साथ में लिया, एम बाई टू द्रव्यमान लिया पूरा यहां से, और द्रव्यमान और इसका जीरो से पाई के बीच में अपन ने क्या किया है, इंटीग्रेशन किया है। तो एम बाई टू ए स्क्वायर साइन क्यूब थीटा, क्योंकि ये साइन स्क्वायर थीटा और साइन थीटा साइन क्यूब थीटा और ये डेल थीटा बना देगा। तो यहां से मान बना एम आई बराबर एम बाई टू ए स्क्वायर कॉन्स्टेंट है, ये जीरो से पाई साइन क्यूब थीटा डी थीटा, इंटीग्रेशन के लिए अपने डेल थीटा को डी थीटा के लिए बना लिया, डी थीटा बना लिया, जीरो से पाई साइन क्यूब थीटा डी थीटा। अब इसका समाकलन करेंगे, इंटीग्रेशन करेंगे अपन, एम बाई टू ए स्क्वायर जीरो से पाई की लिमिट है, साइन क्यूब थीटा का डिवाइडेशन किया साइन थीटा इंटू वन माइनस कॉस स्क्वायर थीटा डी थीटा कॉस थीटा। अब इसका जैसे इंटीग्रेशन करें तो इसके लिए अपने उसका इसमें प्रतिस्थापन करना पड़ेगा, तो इसके लिए अपन मान लेते हैं थोड़ी देर के लिए कि कॉस थीटा इक्वल टी, जैसे कॉस थीटा इक्वल टी लेंगे तो साइन थीटा डी थीटा इक्वल माइनस डी टी लिख सकते हैं अपन, क्योंकि वैसे कॉस थीटा का अवकलन जो है वो माइनस साइन थीटा होता है, तो साइन थीटा डी थीटा इक्वल माइनस डी टी लेते हैं अपन। अब इसमें जब लिमिट चेंज करेंगे, क्योंकि अपन ने जब थीटा को ट्रांसफर टी में किया तो लिमिट भी चेंज हो जाएगी, थीटा बराबर जिसकी लोअर लिमिट जीरो है, थीटा बराबर जीरो पर थीटा का मान जब जीरो लिखेंगे तो टी बराबर वन, और थीटा बराबर जब पाई हाई लिमिट है इसकी तो थीटा बराबर पाई पर टी बराबर माइनस वन। तो नए जो इंटीग्रेशन की लिमिट है वो हो जाएगी वन से माइनस वन। तो हमारे पास एम आई का जो मान बनेगा वो बना देगा इक्वल एम बाई टू ए स्क्वायर कॉन्स्टेंट था माइनस सॉरी वन से माइनस वन इसकी लिमिट हो जाएगी, ये बनाएगा वन माइनस पी स्क्वायर इंटू माइनस डी टी, ये नेगेटिव साइन है, नेगेटिव साइन को जब अपन हटाए तो हमें पता है कि इंटीग्रेशन में जब भी लिमिट का ट्रांसफर करते हैं लोअर लिमिट को अपर लिमिट, अपर लिमिट को लोअर लिमिट, तो यहां इसका जो साइन है वो चेंज हो जाता है। तो एम बाई टू ए स्क्वायर इसकी लिमिट चेंज हो जाएगी, और समाकलन साथ में कर रहा हूं तो वन का इंटीग्रेशन टी के सापेक्ष टी, टी स्क्वायर का टी क्यूब बाई थ्री, और लिमिट चेंज हो जाएगी माइनस वन से वन। जब इसमें लिमिट ट्रांसफर करेंगे तो एम बाई टू ए स्क्वायर पहले हाई लिमिट अपर लिमिट पे मान माइनस लोअर लिमिट पे मान, और जब इसे हल करेंगे अपन तो एम बाई टू ए स्क्वायर इंटू ये जो अपने पास इसका सॉल्यूशन बनेगा वो केवल 4 बाई थ्री बनेगा, और 4 बाई थ्री आएगा तो इसके पास लास्ट अपने पास मान आ जाएगा 2 बाई थ्री, यहाँ 2 से 2 बार कैंसिल, तो ये बनाएगा 2 बाई थ्री एम ए स्क्वायर। तो ये जो अपने पास मान बना हुआ है एम आई, ये इस संपूर्ण गोले का जो खोखला गोला है द्रव्यमान का दे रखा है, इस संपूर्ण गोले का व्यास AB के परिक्त है जड़त्व आघूर्ण रहेगा, ठीक है। तो ये अपना पहला क्वेश्चन था जिसमें जड़त्व आघूर्ण अपने को ज्ञात करना था। अब अपन बात करते हैं इसके किसी दूसरे क्वेश्चन की, तो दूसरा क्वेश्चन अपना इस प्रकार से है कि किसी रुंडित शंकु का उसके अक्ष के परिक्त है जड़त्व आघूर्ण ज्ञात कीजिए जब रुंडित शंकु के सिरों की जो त्रिज्याएं हैं वो स्मॉल ए तथा स्मॉल बी हो। तो सबसे पहले बात मैं करूं कि ये जो रुंडित शंकु है ये रुंडित शंकु होता कैसा है, किस प्रकार का होता है। तो जैसे कोई शंकु है उस शंकु के शंकु का जो ऊपर का जो सिरा है जो शीर्ष है, अगर उस शीर्ष को अपन किसी शीर्ष से थोड़ी सी चौड़ाई का अगर भाग ऊपर से काट दिया जाए तो बाकी का जो भाग बचता है अपने पास में, जैसे ये ए बी सी डी ये कोई शंकु था, ओ डी सी या ओ सी डी अपन कोई शंकु कहें, इस शंकु का अगर ए बी से अपन इसका पार्ट जो है ऊपर ऊपर का पार्ट अगर अलग कर दे काट कर तो बाकी का जो भाग बचता है अपने पास में ए बी सी डी, इसी को इसने क्या कहा है, रुंडित शंकु कहा है। तो इस शंकु की अगर बात करें अपन रुंडित शंकु की, इस रुंडित शंकु का उसके अक्ष के परिधि, तो अक्ष कौन सा हो गया इसका ई एफ, नाम जैसे दे रखा है ई एफ, इसके परिधि अपने को जड़त्व आघूर्ण चाहिए। अब इसके परिधि जड़त्व आघूर्ण ज्ञात करने के लिए अपन बात करते हैं कि मान लेते हैं कि मान लो कि ये ओ इसका शीर्ष था, तो अपन ने इसको डेल्ट डेस करके इसको वापस ऊपर से मिला दिया, ये ओ इसका शीर्ष था, अल्फा इसका अर्ध शीर्ष कोण ले लेते हैं, तो शीर्ष के आधे भाग से बना हुआ है अर्ध शीर्ष कोण लेके चल रहे हैं अपन, इसके दोनों जो सिरों की त्रिज्या है वो स्मॉल ए और स्मॉल बी दे रखी है, तो हमने नाम दिया ए बी सी डी ये शंकु का, या जो शंकों का जो रुंडित शंकु है उसका भाग हो गया, ई इसका सेंटर हो गया जो ऊपर सर्किल बन रहा है, F इसका सेंटर हो गया जो इसकी त्रिज्या दे रखी है, निचले वाले सिरे की स्मॉल a मान के चले हैं, ऊपर वाले सिरे की त्रिज्या स्मॉल b मान के चले हैं अपन। अब यहां पे अपने पास में जो मान दे रखे हैं इनसे अपन कुछ मान लेते हैं, देखो
सबसे पहले बात करता हूं मैं, जैसे इसने ए बी का मान, ये स्मॉल बी है तो ये टू बी हो गया, तो ए बी बराबर टू बी हो गया। ऐसे ही डी एफ जो है वो, ऐसे सी डी का जो मान है, सी से लेकर डी तक का, इसका मान ये है तो ये टू ए हो जाएगा। अब बात करता हूं त्रिभुज ओ ई ए में या ए ओ ई में, तो त्रिभुज ए ओ ई में ये अल्फा है, ये अल्फा का सामने की भुजा है, तो ये बी हो गई, लंब हो गई, या आधार ओ ई। तो अगर अपन कोट अल्फा के फॉर्मूले से लें तो कोट अल्फा इक्वल ये बना देगा OE अपॉन B, तो यहां से OE का मान बना देगा B cot alpha। ऐसे दूसरा त्रिभुज लेते चल रहे हैं अपन, त्रिभुज DOF में, तो DOF में अगर बात करूं तो अल्फा ये एंगल है, अल्फा एंगल के सामने की जो भुजा है साइड वो A हो जाएगी, और OF लेके चल रहे हैं अपन, तो यहां से भी cot alpha का फॉर्मूला लग रहा है, तो cot alpha बराबर OF बटा DF, तो यहां DF का मान A हो गया, तो OF का मान आ जाएगा A cot alpha। इन दोनों मानों का यूज करेंगे अपन। अब अपन बात करें, अगर मान लेते हैं ये जो पूरा शंकु है अपने पास में, इस शंकु का पूरा द्रव्यमान, ये जो रुंडित शंकु है, शंकु का जो द्रव्यमान है वो संपूर्ण द्रव्यमान अपन कैपिटल एम लेके चलते हैं। मान लेते हैं कि माना शंकु का जो द्रव्यमान है वो कैपिटल एम है। अब इसका यूज करना है अपने को, इसके लिए अपन बात करें, जैसे ये जो शंकु है वो ठोस है। मान लेते हैं जब इसका, अगर अपन को जड़त्व आघूर्ण ज्ञात करना है, तो जब इसको अपन छोटी छोटी चक्कियों में विभाजित करें, काट दे, अपन छोटी छोटी चक्कियों में अगर काट दे इसको ऊपर तक, इसमें से किसी एक चक्ति के को लेकर चल रहे हैं अपन, ये चक्ति है जिसकी चौड़ाई तो दे रखी है अपन ने डेल एक्स, और ये जो चक्ति अपन ने ली है डेल एक्स चौड़ाई की, इस चक्ति की जो त्रिज्या है वो है जी एक्स, और शीर्ष से इस शक्ति की जो दूरी है वो लेके चल रहे हैं अपन स्मॉल एक्स लेके चल रहे हैं, ठीक है। तो यहां डेल एक्स चौड़ाई की एक चक्ति ली है, हालांकि अपन ने इसको चक्तियों में विभाजित किया है, उसमें से किसी एक विशेष शक्ति की बात कर रहे हैं अपन, तो इसकी चौड़ाई अपन ने ली है डेल एक्स, और ये शीर्ष से है एक्स स्मॉल एक्स की दूरी पर। अब यहां से किसी शक्ति की चौड़ाई जो है अपन ने ली है डेल एक्स, जो शीर्ष से एक्स दूरी पर है, तो शक्ति की जो त्रिज्या है जी एच का मान, इस चक्ति की त्रिज्या के लिए फिर अपन एक त्रिभुज लेके चले अगर ओ जी एच में, तो त्रिभुज ओ जी एच में देखने, ये एंगल अल्फा का हो गया, मुझे ये दूरी चाहिए जी एच का मान चाहिए, तो जी एच का मान निकालने के लिए जी एच ये दूरी, और ओ जी, ओ जी की जो लंबाई है वो कितनी देर की, स्मॉल एक्स के बराबर है, तो ये अल्फा के सामने की भुजा लब हो गई, या आधार, तो लब और आधार में संबंध रिलेशन होता है टेन में, तो अपन टेन अल्फा लगाए, अगर टेन अल्फा के लिए फॉर्मूला ले तो टेन अल्फा इक्वल आ जाएगा जी एच अपॉन ओ जी, और ओ जी का मान कितना है एक्स, तो हम यहां से टेन अल्फा इक्वल लिख सकते हैं जी एच अपॉन एक्स, तो यहां से जी एच का जो मान बनेगा अपने पास में वो इतना आ जाएगा एक्स टेन अल्फा हो जाएगा, तो ये जी एच मतलब उस चक्ति की त्रिज्या आ जाएगी। अब बात करें अपन चक्ति के आयतन की, तो आपको पता है अगर आयतन निकाले, जैसे अपन बेलन का आयतन निकालते हैं, तो बेलन की परिधि या बेलन का जो सेक्टरफल है नीचे का, उस सेक्टरफल को उसकी हाइट से जब मल्टीप्लाई करें तो उसका वॉल्यूम प्राप्त हो जाता, आयतन प्राप्त हो जाता है, सेम इसी प्रकार से इस ठोस चक्ति का जब आयतन ले अपन, तो चक्ति जो है वो कैसी है, वृत्ताकार, और वृत्त का जब सेक्टरफल ले अपन, सेक्टरफल लेके अगर उसकी हाइट से मल्टीप्लाई करते तो उसका आयतन आ जाएगा अपने पास में, तो चक्ति का आयतन अपन ले तो वैसे सर्किल का जो सेक्टरफल होता है एरिया वो होता है पाई आर स्क्वायर, तो पाई आर हो जाएगी इसकी जी एच, तो पाई जी एच का स्क्वायर मतलब एक्स टेन अल्फा स्क्वायर, और हाइट जो हाइट का होने से चौड़ाई वो दे रही है डेल एक्स, तो एक्स टेन अल्फा का होल स्क्वायर इंटू डेल एक्स, ये शक्ति का आयतन आ जाएगा अपने पास में, ठीक है। अब यहां से अपन बात करें शंकु के आयतन की, अगर इस पूरे शंकु का आयतन अगर देखें, मैंने तो अभी शक्ति का आयतन निकाला है, अगर पूरे शंकु का आयतन देखें अपन, तो ये अपन ने जो छोटी छोटी चक्कियां डिवाइड कर रखी है, ये कौन सी लंबाई से, तो यहां से डिवाइड करके यहां से ले रखी है अपन ने, तो ये दूरी जो दे रखी है अपने पास में, इसका मान मतलब शीर्ष ओ है, और शीर्ष में ओ से अपन ने एफ से लेकर ई तक डिवाइड कर रखा है, तो बिंदु एफ के ऊपर ये दूरी है इसके लिए, तो इस बिंदु पे अपने पास में जो मान था वो तो था बी कोट अल्फा, और इस बिंदु पे जो मान था वो था अपने पास में ए कोट अल्फा, सॉरी यहां से अपने पास इसका मान है बी कोट अल्फा और इसका मान है ए कोट अल्फा, शीर्ष की तरफ से चले अपन अगर, तो शीर्ष की तरफ से चलेंगे तो बी कोट अल्फा से लेकर ए कोट अल्फा तक के डिवाइडेशन है अपने पास में,
तो अगर पूरे शंकु का आयतन देखें अपन तो ये बता देगा b cot अल्फा से लेकर a cot अल्फा तक, तो इसका अगर इंटीग्रेशन करें पूरे का तो शक्ति का आयतन है पाई x tan अल्फा का होल स्क्वायर डेल x, और इसका सब समाकलन करें तो डेल x की जगह dx ले लेंगे अपन, तो ये बना देगा पाई x tan अल्फा का स्क्वायर, तो tan स्क्वायर अल्फा अलग हो जाएगा, ये इंटीग्रेशन b cot अल्फा a cot अल्फा, यहां x स्क्वायर dx बना लेगा पाई टेन स्क्वायर अल्फा x स्क्वायर का x क्यूब बटा 3 इंटीग्रेशन हो जाएगा, ये लिमिट आ जाएगी पाई टेन स्क्वायर अल्फा बाई 3, मतलब x क्यूब बटे 3 में से बाई 3 अलग करें अपन, इसमें हाई लिमिट और लो लिमिट के जब अपन मान ट्रांसफर करें तो ये बनाएगा a क्यूब cot क्यूब अल्फा माइनस b क्यूब cot क्यूब अल्फा, ये cot क्यूब अल्फा जब कॉमन ले अपन तो टेन स्क्वायर अल्फा इंटू cot क्यूब अल्फा, तो केवल अपने पास cot अल्फा बचेगा पाई बाई 3 cot अल्फा, ये बना देगा a क्यूब माइनस b क्यूब, ये अपने पास है केवल इस रुंडित शंकु का आयतन। अब अपन बात करते हैं, आयतन तो आ गया अपने पास में, अब हमने ज्ञात क्या करना है, इस रुंडित शंकु का अपने को इसकी अक्ष के परिता जड़त्व आगुण चाहिए। अब जड़त्व आगुण चाहिए तो अपन आयतन का यूज कर रहे हैं क्योंकि ये ठोस है। शंकु का अपन ने द्रव्यमान माना था टोटल कैपिटल एम, अब शंकु का पूरा द्रव्यमान कैपिटल एम है तो अपन बात कर रहे हैं शंकु का आयतन है ये, तो एकांक आयतन या एकांक आयतन का जो द्रव्यमान है वो अगर लेके चले तो शंकु के इकाई आयतन का जो द्रव्यमान है वो इकाई आयतन का द्रव्यमान हो जाएगा कुल द्रव्यमान बटा उसका कुल आयतन। तो m टोटल द्रव्यमान था और टोटल आयतन देखें तो अभी अपन ने निकाला था पाई बाई 3 cot अल्फा a क्यूब माइनस b क्यूब, तो यहां से अपन ने मान निकाला m अपॉन पाई बाई 3 cot अल्फा a क्यूब माइनस b क्यूब। अब यहां पे शक्ति के द्रव्यमान की अगर बात करूं मैं तो शक्ति का द्रव्यमान केवल शक्ति के द्रव्यमान की, तो शक्ति के आयतन को अपन गुणा करें इसकी इकाई द्रव्यमान से तो शक्ति का द्रव्यमान आ जाएगा, ये इकाई आयतन का द्रव्यमान 3m, ये प्लट के ऊपर चला जाएगा 3m अपॉन पाई cot अल्फा a क्यूब माइनस b क्यूब, ये तो हुआ इकाई आयतन का द्रव्यमान। शक्ति का जो आयतन है वो दे रखा है यहां पे अपने पास में, ये रहा शक्ति का आयतन पाई x स्क्वायर tan स्क्वायर अल्फा डेल x, तो ये इससे मल्टीप्लाई हो जाएगा, ये अपने पास में शक्ति का द्रव्यमान आ जाएगा। अब शक्ति का द्रव्यमान अगर आ चुका है तो हमें पता है जड़त्व आघूर्ण जो होता है वो होता है द्रव्यमान गुणा लंब दूरी का होल स्क्वायर, तो शक्ति का ओएफ मतलब इसकी एक्स हो जाएगी ओएफ, ये एक्स ही है, इसके परिता जड़त्व आघूर्ण अगर ले तो परिता जड़त्व आघूर्ण एम आई बराबर इसका द्रव्यमान, तो यहां से लेकर यहां तक का तो ये द्रव्यमान है इंटू x tan अल्फा बाई या x tan अल्फा का होल स्क्वायर बाई 2। अब ये देखो x tan अल्फा का होल स्क्वायर बाई 2 कहां से लिया अपन ने, हमें पता है कि अगर कोई भी चक्ती है, कोई भी सर्किल है या फिर वृत्ताकार कोई चक्ती दे रखी है, उस वृत्ताकार चक्ती के केंद्र से या उसकी लंबवत अक्ष जो होती है, वृत्ताकार चक्ती का उसकी लंबवत अक्ष के या उसके पटल के लंबवत जो अक्ष होती है उस लंबवत अक्ष के परिता जो जड़त्व आघूर्ण होता है वो होता है चक्ती का द्रव्यमान m इंटू ए स्क्वायर बाई 2। ये किसी वृत्ताकार पटल का उसकी तल के लंबवत कोई अक्ष होती है उस लंबवत अक्ष के परिता है जड़त्व आघूर्ण होता है m a स्क्वायर बाई 2। तो m तो होता है उसका द्रव्यमान a स्क्वायर, a का मतलब उसकी लंबवत दूरी जो भी होती है वो त्रिज्या जिसे अपन कहे लंबो दूरी कह सकते हैं परिधि की, तो a स्क्वायर बाई 2। तो सेम ये पोजीशन यहां ली है अपन ने क्योंकि शक्ति अपन ने जो ली है gx जो त्रिज्या है इसकी, ये इसके बिल्कुल सेंटर से गुजरने वाला इसके पटल के लंबो तक हो गया, तो इसके परिता जड़त्व आघूर्ण हो जाएगा 3m अपॉन पाई cot अल्फा a क्यूब माइनस b क्यूब पाई x स्क्वायर tan स्क्वायर अल्फा डेल x, ये तो इसका द्रव्यमान हो गया इनटू x tan अल्फा का होल स्क्वायर बाई 2। ये तो अपने पास केवल शक्ति का आया, अब हम बात कर रहे हैं पूरे शंकु का, तो पूरे शंकु का जब अपन जड़त्व आघूर्ण ज्ञात करेंगे तो संपूर्ण शंकु का जड़त्व आघूर्ण एम आई बराबर यहां 3m अपॉन 2 a क्यूब माइनस b क्यूब, ये 2 अपन ने आ लिया 3m अपॉन ये पाई से पाई कैंसिल हो जाना है 3m अपॉन 2 a क्यूब माइनस b क्यूब tan स्क्वायर अल्फा, इसमें से tan स्क्वायर अल्फा तो tan की पावर 4 अल्फा, ये cot अल्फा पलट के ऊपर आएगा तो tan अल्फा की पावर 5 बना लेगा। मुझे संपूर्ण शंकु का चाहिए तो संपूर्ण शंकु फैला हुआ है b cot अल्फा से लेकर a cot अल्फा तक, तो इंटीग्रेशन में ले तो b cot अल्फा से लेकर a cot अल्फा तक, यहां x की पावर या x स्क्वायर ये और x स्क्वायर ये तो x की पावर 4
डेल एक्स जो है वो डीएक्स में कन्वर्ट हो जाएगा, एक्स की घात 4 डीएक्स। जब इसका समाकलन करें बाकी का मान एज लिया है अपन ने एक्स की घात 5/5, लिमिट जब ट्रांसफर करेंगे पहले अपर लिमिट फिर माइनस लोअर लिमिट, इनमें से कॉट अल्फा की पावर 5 जो है वो बाहर आ जाएगा, तो टेन अल्फा की पावर 5 से कॉट अल्फा की पावर 5 कैंसिल हो जाना है। तो अपने पास में जो मान बनेगा जड़त्व आवरण का mi बराबर 3m/10a³ - b³ × a⁵ - b⁵। ये इस रुंडित शंकु का उसकी अक्ष के परितः कौन सी OF के परितः जड़त्व आघूर्ण होगा, कितना 3m/10a³ - b³ × a⁵ - b⁵। अब अपन बात करते हैं क्वेश्चन नंबर थर्ड की। तो क्वेश्चन नंबर थर्ड जो है अपना वो इस प्रकार है कि एक समबाहु त्रिभुज है उसका उसके आधार के परितः जड़त्व आघूर्ण ज्ञात कीजिए। देखो समबाहु त्रिभुज है इसका मतलब उसकी तीनों भुजाएं सेम होगी, तो समबाहु त्रिभुज का उसके आधार के परितः जड़त्व आघूर्ण ज्ञात कीजिए। तो सबसे पहले अपन बात करते हैं समबाहु त्रिभुज की। तो मान के चले अपन सपोज करें कि ए बी सी हमने एक समबाहु त्रिभुज लिया, इस समबाहु त्रिभुज की जो भुजा है वो अपन ने ली है 2a, तो समबाहु त्रिभुज की भुजा जो हो जाएगी वो हो जाएगी 2a। तो ये 2a, AB भी 2a, AC 2a और BC भी 2a, ठीक है, समबाहु त्रिभुज की तीनों भुजाएं सेम है। अब रही बात इसके आधार के परितः इसके जड़त्व आघूर्ण ज्ञात करने के लिए, तो आधार के परितः जड़त्व आघूर्ण ज्ञात करने से पहले कुछ बातें अपन इसके देख लेते हैं कि सपोज के माना कि ये जो त्रिभुज ABC है इसका संपूर्ण द्रव्यमान कैपिटल M लेके चले अपन, कंप्लीटली जो द्रव्यमान है उसका कैपिटल M है, संपूर्ण द्रव्यमान कैपिटल M लिया। अब त्रिभुज ABC का जो क्षेत्रफल है, अब त्रिभुज ABC का क्षेत्रफल हम जानते हैं समबाहु त्रिभुज जो होता है वो समबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल जो होता है वो होता है √3/4 × भुजा² तो इसकी भुजा अपन ने 2a ली है, तो √3/4 × 2a² ये इसका संपूर्ण एरिया है, क्षेत्रफल आ जाएगा त्रिभुज ABC का क्षेत्रफल। अब इसका पूरा द्रव्यमान पूरा जड़त्व आघूर्ण ज्ञात करने के लिए हम क्या करते हैं इसको छोटी छोटी पट्टियों में तोड़ते हैं। अब छोटी छोटी पट्टियों में अपन यहां से आधार से शुरू किया, हमने इसको छोटी छोटी पट्टियों में तोड़ा। अब पट्टियों में तोड़ने पर मान लेते हैं इसमें ऐसी पट्टी है बीच में, कोई भी पट्टी लेके चले जिस पट्टी का नाम है PQRS, हमने पट्टी को चुना है PQRS जिसकी चौड़ाई अपन ने ली है डेल एक्स और ये शीर्ष ए से अक्ष दूरी के ऊपर है। अब शीर्ष से अक्ष दूरी पर है तो PQRS इतनी नगण्य है कि ये लगभग आयत के आकार की है, इतनी छोटी है कि यह लगभग अपने को आयत के आकार की नजर आए, तो आयत का आकार मान सकते हैं अपन इसको PQRS को, बिल्कुल छोटी है तो नगण्य के बराबर है ये जिसकी चौड़ाई अपन ने डेल एक्स ली है। अब समबाहु त्रिभुज की जो ऊंचाई की अगर बात करें अपन तो जैसे √3/4 भुजा² और समबाहु त्रिभुज की जो हाइट होती है ऊंचाई वो होती है √3/2 × भुजा। अब यहां √3/2 × भुजा की अगर बात करो तो भुजा की लंबाई 2a है, तो यहां 2a अगर लिखे अपन तो 2 से 2 कैंसिल आउट हो जाएगा, तो अपने पास √3a, तो यहां मान जो बनेगा समबाहु त्रिभुज की जो हाइट है वो बनेगी √3a। अब बात करें अपन देखो त्रिभुज APQ और त्रिभुज ABC की, तो त्रिभुज APQ और त्रिभुज ABC दोनों के दोनों समबाहु त्रिभुज है, इसका मतलब दोनों समरूप है, एक जैसे है और एक जैसे है, तो समरूपता की अगर कंडीशन लगाए इनमें कि समरूपता ये कहती है कि संगत भुजाओं का अनुपात हमेशा बराबर होता है, तो त्रिभुज APQ में अगर भुजा PQ ले तो इसकी त्रिभुज ABC की भुजा BC ले अपन, तो PQ बटा BC का जो रेशियो है वो रेशियो इसकी हाइट है अक्ष और इसकी हाइट है √3a, तो अक्ष बटा √3a के बराबर हो जाएगा। तो यहां PQ बटा BC बराबर अक्ष बटा √3a, यहां से PQ का मान बनाए अपन तो ये मान आ जाएगा BC इस मल्टीप्लाई हो जाएगा, BC का मान अपने पास में कितना दे रखा है 2a, तो ये 2a x अपॉन √3a, तो मान बचेगा केवल 2x अपॉन √3। ये अपने पास में PQ का मान आ गया, P से लेकर Q तक की, यहां से लेकर यहां तक क्या जो लंबाई है P से लेकर Q, PQ का मान आ जाएगा। अब अपन बात करें जो अपन ने ये चौड़ाई की डेल एक्स चौड़ाई की जो पट्टी ली है अपन ने PQRS इसके क्षेत्रफल की, तो क्षेत्रफल हमने कहा था कि ये इतनी नगण्य है कि इसका जो आकार है वो आयताकार है, तो इसके आयत का क्षेत्रफल वही लंबाई गुना चौड़ाई, PQ लंबाई है डेल एक्स इसकी चौड़ाई है, तो बना देगा ये PQ का मान अभी निकाला अपन ने 2x/√3 × डेल एक्स, ये अपने पास में इसका क्षेत्रफल आ जाएगा। अब PQRS का क्षेत्रफल तो आ गया,
लेकिन बात करें इसके द्रव्यमान की, क्योंकि जड़त्व आवरण के लिए द्रव्यमान चाहिए अपने को, तो द्रव्यमान ज्ञात करने से पहले अपन पहले इसके इकाई क्षेत्रफल का द्रव्यमान ज्ञात करेंगे अपन। हमारे पास में इसका टोटल द्रव्यमान कैपिटल एम है। अब कैपिटल एम से और क्षेत्रफल की अगर बात करें पूरे की, तो क्षेत्रफल आ रहा है √3/4 2a का होल स्क्वायर। तो त्रिभुज एबीसी के इकाई क्षेत्रफल का अगर द्रव्यमान की बात करूं तो टोटल द्रव्यमान बटा टोटल एरिया, तो ये m अपॉन √3/4 2a का होल स्क्वायर, ये अपने पास में इकाई क्षेत्रफल का द्रव्यमान है। अब अपन बात करते हैं पी क्यू आर एस के द्रव्यमान की। तो पी क्यू आर एस का द्रव्यमान अगर निकाला जाए, तो पी क्यू आर एस के द्रव्यमान में पी क्यू आर एस के क्षेत्रफल को जब इकाई क्षेत्रफल के द्रव्यमान से मल्टीप्लाई करेंगे तो अपने पास पी क्यू आर एस का द्रव्यमान आ जाएगा। तो यहां से मान लिखा अपन ने 4m, ये 4m by √3 2a का होल स्क्वायर, 2x by √3 del x, ये 2x by √3 del x PQRS का क्षेत्रफल है। तो PQRS के क्षेत्रफल को गुणा किया अपने इकाई क्षेत्रफल के द्रव्यमान से, तो PQRS का क्षेत्रफल आ जाएगा। इसे जब हल करेंगे अपन तो √3 into √3 3 बना देगा, 2a का होल स्क्वायर का 4a स्क्वायर बनाएगा, 4 से 4 कैंसिल आउट हो जाएगा, ये a स्क्वायर, तो कुल मिला के मान आएगा अपने पास में 2m अपॉन 3a स्क्वायर x del x, ये PQRS का द्रव्यमान आ जाएगा। तो PQRS का द्रव्यमान तो आ गया अपने पास में। अब PQRS के द्रव्यमान के बाद में अपन बात करते हैं इसके जड़त्व आघूर्ण की, और वो भी किसके परित है, BC के परित है। तो BC के परित जड़त्व आघूर्ण निकाले अगर PQRS का, तो PQRS का आधार के परित है जड़त्व आघूर्ण बराबर द्रव्यमान गुणा उसकी लंबवत दूरी का होल स्क्वायर। तो देखो यहां से इसका द्रव्यमान तो अपन ने बनाया है अभी, लंबवत दूरी की बात करूं तो ये इससे इसकी लंबवत दूरी होगी, और इसका अगर मान निकालें अपन तो यहां से अपने पास में इस पूरे की लंबाई जो इसने यहां तक की जो दूरी दे रखी वो है x, और ये टोटल लंबाई कितनी है √3 है, तो कितना बचेगा इधर √3a - x, ये इसकी लंबवत दूरी होगी इससे, तो √3a - x का होल स्क्वायर ये दूरी अपने पास में आ जाएगी इसकी। तो √3a - x का होल स्क्वायर 2m अपॉन 3a स्क्वायर x del x ये द्रव्यमान था, इनटू √3a - x ये लंबवत दूरी का होल स्क्वायर बना देगा। तो ये तो PQRS का आधार के परित है जड़त्व आघूर्ण रहा। अब हमको चाहिए पूरे त्रिभुज ABC का जड़त्व आघूर्ण। तो त्रिभुज संपूर्ण त्रिभुज का जड़त्व आघूर्ण अगर देखें तो संपूर्ण त्रिभुज फैला हुआ है स्मॉल सॉरी कैपिटल A से लेकर यहां तक। इसका मतलब इसकी दूरी की अगर बात करें अपन अक्ष के पदों में, तो हमारे पास दूरी स्टार्ट हो रही है यहां से और एंड कहां पे √3a तक है, तो ये हो जाएगा जड़त्व आघूर्ण 0 से, मतलब शुरुआती पॉइंट a है ऐसे माप ले रहे हैं अपन अक्ष की, तो 0 से स्टार्ट हो गए, टोटल कहां तक है √3a तक है। तो 0 से √3a द्रव्यमान, ये सॉरी 0 से √3a अगर इसी का अपन इंटीग्रेशन करें, क्योंकि अपन ने जो पट्टियां तोड़ी वो 0 से स्टार्ट किया और √3a तक की लंबाई तक के ले लिया अपन ने, तो 0 से √3a 2m अपॉन 3a स्क्वायर इनटू x, ये अपने पास में जो मान है √3a - x के होल स्क्वायर, जो इस होल स्क्वायर का विस्तार करेंगे a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर माइनस 2ab के फॉर्मूले से, तो ये dx अपने पास इसका जड़त्व आघूर्ण बना लेगा इंटीग्रेशन के फॉर्म में। तो mi बराबर ये मान 2m अपॉन 3a स्क्वायर बाहर आ जाएगा, कांस्टेंट है, 0 से √3a x से मल्टीप्लाई करें तो 3a स्क्वायर x प्लस x क्यूब माइनस 2√3ax² और dx 2m अपॉन 3a² 3a² x का जो इंटीग्रेशन है वो x² बटे 2 प्लस x³ का x की पावर 4 अपॉन 4 माइनस 2√3ax² का x³/3 और लिमिट आ जाएगी 0 से √3a। अब इसमें जब लिमिट रखेंगे अपन, पहले अपन लिमिट बाद में लोअर लिमिट, तो अपर लिमिट पे जब रखें और बाद में लोअर लिमिट, तो लोअर लिमिट पे तो सभी मान क्या हो जाने 0, अपर लिमिट रखी अपन ने यहां से तो ये बना देगा देखो 3a² अपॉन 2, पहले से ये √3a रखेंगे तो √3a का 3 हो जाएगा a, तो a² a की पावर 4 3 × 3 9 a की पावर 4 अपॉन 2 दे रखा है अपने को, तो ये अपने पास में मान बनाएगा 9a की पावर 4 प्लस ऐसे जब इसमें ट्रांसफर करेंगे अपन तो ये आ जाएगा 9a की पावर 4/4 माइनस इसमें जब अपन √3a ट्रांसफर करेंगे तो ये बनाएगा 18a की पावर 4/3, और जब इसका सॉल्यूशन अपन एलसीएम लेते हुए हल करेंगे
तो इसका जो एलसीएम लेके जब पूरा हल करेंगे तो अपने पास जो एम आई का जो मान बनेगा जड़त्व आघूर्ण का वो बना देगा एक बट्टा दो एम ए स्क्वायर। ये इसका किसी समबाहु त्रिभुज का जिसका टोटल द्रव्यमान एम है उस समबाहु त्रिभुज का उसके आधार के परितः जड़त्व आघूर्ण होगा। तो ये इस प्रकार से इसके जड़त्व आघूर्ण से रिलेटेड कुछ मोस्ट क्वेश्चन थे यूनिट थर्ड के जो थर्ड पेपर है उसकी फोर्थ यूनिट के बारे में जो स्टैटिक्स से रिलेटेड है और स्टैटिक्स में भी अपना एक टॉपिक है फ्रिक्शन घर्षण के लिए तो घर्षण से रिलेटेड रहेगा अपना ये जो यूनिट है। इसके कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन क्योंकि एग्जाम का टाइम नजदीक है तो अभी अपन केवल कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चनों पर ही गौर करेंगे। तो अपना जो पहला क्वेश्चन रहता है इंपॉर्टेंट क्वेश्चन वो ऐसा है कि जैसे 14 मीटर लंबाई की एक समान सीढ़ी है जो किसी दीवार के सहारे खड़ी है जिससे वह 45 डिग्री का कोण बनाती है। सीढ़ी और दीवार सीढ़ी और भूमि के भार के मध्य घर्षण गुणांक क्रमशः 1/3 और 1/2 है। यदि एक मनुष्य जिसका भार सीढ़ी के भार का आधा है सीढ़ी पर चढ़े तो वह कितनी दूरी पर चढ़ जाएगा जब सीढ़ी फिसलने वाली हो। यदि कोई बालक अब सीढ़ी के सबसे नीचे वाले सिरे पर खड़ा हो तो उसका न्यूनतम भार कितना होना चाहिए ताकि मनुष्य सीढ़ी की चोटी तक पहुंच जाए। तो अब जैसे अपन को ये जो क्वेश्चन दे रखा है इसको अगर अपन डायग्राम ले थोड़ा सा तो अपन ध्यान देते हैं। इधर मैं ये जैसे अपना धरातल है इस धरातल से ये ए बी एक सीढ़ी है जिसकी लंबाई दे रखी है अपने को 14 मीटर। तो यहां से ए से बी के बीच की दूरी ए बी जो दे रखी है ए बी की लंबाई दे रखी है अपने को 14 मीटर। ये ए बी की लंबाई हो गई ठीक है। अब इस ए बी की लंबाई 14 मीटर है तो एक समान भार की अगर बात करूं मैं तो इसका जो गुरुत्व केंद्र है इसका मिड पॉइंट मैंने जी माना तो सीडी का जो भार है इस सीडी के भार को अगर अपन नाम दे डब्ल्यू तो सीडी का भार अगर डब्ल्यू ले तो सीडी का भार इसके गुरुत्व केंद्र पर केंद्रित होता है और इसका भार जो डब्ल्यू है वो धरातल की ओर नीचे की ओर गुरुत्व के अधीन लग जाएगा तो ये भार हो जाएगा डब्ल्यू। ये गुरुत्व केंद्र पर लगा हुआ इसके मिड पॉइंट पे ठीक है। अब यहां से अपन बात करें कि जैसे अगर इस सीडी ने क्वेश्चन के अकॉर्डिंग धरातल के साथ में जो एंगल बना रखा है वो अगले ने दे रखा है सीडी और दीवार के बीच में जो एंगल बना हुआ है वो बना हुआ है 45 डिग्री। तो ये एंगल 45 और ये एंगल भी 45 हो जाएगा क्योंकि ये 90 का है ये 45 तो ये भी 45 हो जाएगा। अब बात करें अपन कि जो सीडी है इधर तो लगी हुई दीवार के सहारे इधर है धरातल के सहारे तो यहां से जो घर्षण बल की अगर बात करें कि सीडी अगर इधर फिसल के जाएगी तो इसका घर्षण इधर की ओर होगा। इसमें जब सीढ़ी इधर की ओर पिछलेगी तो ऊपर वाला सिरा नीचे की तरफ आएगा तो इसका घर्षण ऊपर की ओर होगा। तो यहां घर्षण गुणांक की अगर बात करें तो क्वेश्चन के अकॉर्डिंग घर्षण गुणांक सीढ़ी और दीवार के बीच में तो दे रखा है 1/3 सीढ़ी और धरातल के बीच में दे रखा है 1/2 तो इसका जो घर्षण बल है ये तो बना देगा S/3। अपन अगर मान ले कि अगर यहां इसके ऊपर घर्षण या अभिलंब जो प्रतिक्रिया है सीडी का जब इस पे दबाव लगता है तो इसकी जो अभिलंब प्रतिक्रिया है उसका नाम अपन एस दें यहां धरातल पे उसकी अभिलंब प्रतिक्रिया उसका नाम अगर आर दें तो यहां से जो घर्षण बल लगता है इधर की तरफ वो बन जाएगा R/2 क्योंकि घर्षण गुणांक 1/2 रखा है। यहां इसका जो घर्षण बल लगेगा वो लग जाएगा S/3 जो ऊपर की ओर लगेगा क्योंकि जो इसमें सीडी है वो सीडी में जब इधर फिसलती है तो ये नीचे की तरफ फिसलता है इसलिए घर्षण बल ऊपर की ओर लगेगा। तो ये सारी चीजें अपन ने लिखी। अब बात कर रहा है इस पे चढ़ने की कि कोई व्यक्ति है जो इस पे चढ़ रहा है तो एक ऐसी अवस्था भी आएगी जिस अवस्था में कि वो उससे जस्ट आगे एक कदम बढ़ेगा तो ऐसी कंडीशन में वो सीढ़ी फिसल जाएगी। तो अपन मान के चले सपोज करें कि वो बिंदु सी है कि बिंदु सी पर आते आते सीढ़ी की वो सीमांत संतुलन की अवस्था आ जाती है कि अगर इससे व्यक्ति इस बिंदु से कदम भी आगे बढ़ेगा एक पॉइंट भी आगे बढ़ेगा तो सीढ़ी फिसल जाएगी तो वो संतुलन की अवस्था कहेंगे अपन। तो ये बिंदु सी पे लेके चले अपन। अब अगला कह रहा है कि सीढ़ी के भार का आधे भार का जो व्यक्ति है वो इस पे चढ़ाई कर रहा है तो यहां सीढ़ी का भार था अपने पास डब्ल्यू तो इससे आधा भार जो है तो W/2 भार का एक व्यक्ति है जो सी बिंदु तक पहुंच गया। अब सी बिंदु की ए बिंदु से जो दूरी है वो अपन मान के चले कि मान लेते हैं ये दूरी कितनी है अक्ष ठीक है। तो ये अपने सारी चीजें ये डायग्राम में अपने डिसाइड की है सारी के सारी।
अब अपन बात करते हैं कि अगर मान लो बिंदु C की अवस्था पे है तो सीमांत संतुलन की अवस्था में, मतलब ये वो संतुलन की अवस्था है, लास्ट लिमिट है संतुलन की, कि अगर इससे एक कदम भी वो आगे बढ़ेगा तो ऐसी पोजीशन में सीढ़ी पिसल जाएगी। अब अगला ये पूछना चाह रहा है कि वो नीचे वाले बिंदु से वो सिरा कितनी ऊंचाई पर है, कितनी दूरी पर होगा, ऐसा सिरा सीढ़ी पर कितनी दूरी पर होगा, तो वो दूरी अपन ज्ञात करना चाह रहे हैं। तो यहां से बात करें कि हमने ए से लेकर सी के बीच की दूरी अपन ने कितनी मानी है एक्स, तो बात करूं सीमांत संतुलन अवस्था की। अब सीमांत संतुलन की अवस्था में क्या होगा कि इसमें जितने भी भार या जितने भी बल लगे हुए हैं वो एक दूसरे को आपस में संतुलन में ले रहे हैं, तो वो संतुलन में कौन कौन से बल आपस में एक दूसरे को नेग्लेक्ट कर रहे हैं अपन उनकी बात करें। तो सबसे पहले अपन बात करें, देखो इसकी अभिलंब प्रतिक्रिया एस, जिसकी दिशा इधर से इस दिशा में है लेफ्ट साइड में, और इधर अगर बात करें अपन कि इस साइड में इसको जो नेग्लेक्ट कर रहा है वो बल है अपने पास में आर बाई टू, ये दोनों की जो डायरेक्शन है वो ऑपोजिट है, तो यहां एस इक्वल हो जाएगा आर बाई टू, तो यहां से आर इक्वल अपन क्या ले सकते हैं टू एस, ये इसे इक्वेशन नंबर फर्स्ट नाम देते हैं। ठीक है, अब बात करें कुछ दूसरे बलों की, तो उस दूसरे बल और है अपने पास में, तो देखो ये आर है, एक आर और ये एस बाई थ्री, तो यहां से आर प्लस एस बाई थ्री, दोनों की डायरेक्शन एक ही है तो दोनों एड हो जाएंगे R प्लस एस बाई थ्री। अब इनके जस्ट ऑपोजिट इनको संतुलन में कौन कर रहे हैं, तो एक तो W है और एक W बाई टू है जिनकी डायरेक्शन इनके जस्ट ऑपोजिट है, तो W प्लस W बाई टू, तो R प्लस एस बाई थ्री और W प्लस W बाई टू ये एड होकर 3W बाई टू बना देंगे। तो अपने पास में R का जो मान है वो समीकरण एक में अपन ने अभी लिखा था R इक्वल टू एस, ये टू एस प्लस एस बाई थ्री इक्वल 3W बाई टू, तो यहां से S का जो मान बनेगा क्योंकि 3 इंटू मल्टीप्लाई करेंगे 2s से, तो ये 6s s प्लस s तो 7s हो जाएगा, 7s बाई 3, और लास्ट में अपन जब मान ज्ञात करेंगे s का तो s का मान आ जाएगा अपने पास में 9w बाई 4, ये s का मान है। अब इन दोनों का ये अभिलंब प्रतिक्रिया है s की, तो यहां से इस s का मान 9w बाई 14। अब अपन बात करते हैं बिंदु A के सापेक्ष आघूर्ण लेने की, तो बिंदु A के सापेक्ष आघूर्ण अगर लें अपन, तो देखो आघूर्ण का जैसे अपने यूनिट थर्ड में भी पढ़ा है, आघूर्ण किसी बिंदु के सापेक्ष अगर आघूर्ण लेते हैं तो बिंदु के सापेक्ष आघूर्ण का मान होता है कि जो बल प्रतिक्रिया या बल इंटू उस बिंदु से जो बल की क्रिया रेखा है उसकी लंबवत दूरी जो होती है उसका गुणनफल होता है। तो यहां A के सापेक्ष आघूर्ण लेने पर, A के सापेक्ष अगर आघूर्ण लेके चले अपन, तो A के सापेक्ष बिंदु A ये है, तो इसके सापेक्ष आघूर्ण अगर लें तो सबसे पहले अपन जिन बलों की बात करें कि जो A से क्रॉस करते हुए जा रहे हैं, A को क्रॉस या A के ऊपर जो है उनकी तो लंबवत दूरी उसके लिए जीरो हो जाएगी, तो इसलिए उनका आघूर्ण तो जीरो होगा, तो R बाई टू के लिए आघूर्ण जीरो हो गया, R के लिए आघूर्ण जीरो हो गया, तो इन दोनों के लिए तो आघूर्ण का मान क्या हो गया जीरो। बात करें बाकी उन सभी बलों की, तो अपने पास में टोटल चार बल बचे हुए हैं, एक तो W ये भार है एक तरीके से, एक W बाई टू, एक S और एक S बाई थ्री। अब आघूर्ण में हमने ये देखा है कि जब बल या कोई भार आघूर्ण के लिए अगर एंटी क्लॉकवाइज या क्लॉकवाइज अगर उसको राउंड देता है तो क्लॉकवाइज राउंड में उसका जो मान होता है आघूर्ण का वो नेगेटिव होता है, और एंटी क्लॉकवाइज में उसका जो मान होता है वो हमेशा पॉजिटिव होता है। तो बात करता हूं सबसे पहले मैं W की, जो W वाला भार है ये बिंदु A के सापेक्ष अगर अपन आघूर्ण ले, तो W का जो भार है ये भार ये इसको घुमाता है कौन सी दिशा में, क्लॉकवाइज राउंड करवाता है, तो क्लॉकवाइज राउंड में आघूर्ण का मान हमेशा कैसा होता है नेगेटिव, तो यहां से नेगेटिव लिया मैंने, और भार का मान जो दे रखा है वो दे रखा है W, W इंटू बल इंटू उसकी लंबवत दूरी, क्रिया रेखा या बिंदु से लंबवत दूरी जो उसकी बल की जो क्रिया रेखा है उसकी बिंदु से लंबवत दूरी, तो लंबवत दूरी की अगर बात करूं तो ये जो बिंदु है इस W भार का, तो इसकी क्रिया रेखा इधर से आएगी, अब ये इसकी क्रिया रेखा है तो इस बिंदु से इसकी जो लंबवत दूरी है वो ये बनाएगा। अब इस दूरी का जो मान अगर देखें अपन, तो ये एंगल दे रखा है अपने को 45 डिग्री का, हमें पता है कि थीटा अगर कोई दे रखा हो थीटा के सामने की भुजा लंब होती है, तो ये आधार हो गया, आधार में हमेशा हम किसको लेते हैं कॉस को, तो कॉस यहां से और 45 डिग्री, तो अपने पास जो मान आएगा दूरी है यहां से लेकर यहां तक ए से लेकर जी के बीच की दूरी, क्योंकि ये गुरुत्व केंद्र और मिड पॉइंट है इसलिए ये 7 हो, क्योंकि टोटल लंबाई इसकी कितनी दे रखी है 14, तो ये 7 हो जाएगा।
तो अपने पास में जो इसका मान आएगा आधार का या इसकी लंबवत दूरी जो आएगी वो बना देगा 7 cos 45 degree। ठीक है, अब आगे चले अपन दूसरा बल। तो दूसरा बल अपने पास है W/2, ये भी इसको कौन सा राउंड दे रहा है, क्लॉकवाइज राउंड, तो ये भी नेगेटिव होगा, माइनस का W/2। अब इसकी दूरी देखें, इसके लिए अपन इसकी क्रिया रेखा देखें, ये क्रिया रेखा है, इस क्रिया रेखा से इसकी जो लंबवत दूरी बनेगी तो ये दूरी बनेगी अपने पास। अब इसका मान निकाले तो इसके लिए, इस एंगल के लिए ये भी 45 degree है, लेकिन यहां से इसका जो कर्ण है वो अक्ष है, तो इसके लिए आधार का मान x cos 45, यह x cos 45 degree हो जाएगा। तो W/2 x cos 45 degree प्लस, आगे चले अपन S, तो आगे ये S है, इस S की जो लंबवत दूरी है इस बिंदु से, तो इसकी क्रिया रेखा इस प्रकार से रहेगी, और इसकी क्रिया रेखा इस प्रकार से रहेगी, तो लंबवत दूरी ये ले सकते हैं अपन। अब ये लंबवत दूरी और ये दूरी सेम है दोनों, तो यहां से इसका जब मान निकाले अपन, तो ये एंगल 45 का है, तो ये भी 45 का रहेगा, और अगर 45 का, तो इस 45 के सामने की भुजा यहां से लेकर यहां तक की तो लंब हो गई, तो ये आधार, और आधार के लिए अपन cos काम में लेते हैं, और यहां से लेकर यहां तक ये कर्ण का काम करेगा, तो ये लंबाई अपने पास में 14 meter दे रखी है, तो इसका जो मान बनाएगा वो बना देगा 14 cos या 40 cos 45 degree। नेक्स्ट एक बल और बचा हुआ है SY3, तो SY3 बल इसकी क्रिया रेखा है ये, तो इसकी लंबवत दूरी ये बनेगी, 45 के सामने की भुजा ये लंब है, तो इतने पास मान आ जाएगा 14 sin 45 degree। और हमने देखा है कि संतुलन की जो अवस्था होती है, उस संतुलन की अवस्था में सभी बलों के आघूर्णों का जो योग होता है उनका योग हमेशा ही 0 होता है, तो इन सब आघूर्णों का या इन सभी बलों के आघूर्णों का जो योग है वो इक्वल क्या हो जाएगा, 0। अब अपन बात करें इनको हल करने की, तो देखें cos 45 और sin 45, हमें पता है cos का और sin का 45 डिग्री पे मान हमेशा इक्वल होता है, तो यहां से जो मान अपने पास में 1/√2 बनेगा, इसका 1/√2, इसका 1/√2, इसका 1/√2 और इसका 1/√2, वो जो रूट टू सभी के अपॉन में अगर अपन इसको ट्रांसफर करके 0 में भेज दे तो सारे सभी के मान क्या हो जाएंगे, 0। तो बचा क्या अपने पास में, यहां से बचेगा माइनस का 7W, यहां से बचेगा माइनस का W/2, यहां से बचेगा 14s और यहां से बचेगा 14s/3। ये जो दोनों नेगेटिव मान है इनको उठा के अगर इधर अपन भेज दें तो दोनों के दोनों पॉजिटिव हो जाएंगे, एड हो जाएंगे, तो 7 + x/2, इन दोनों में से W अपन ने कॉमन निकाला, तो 7 + x/2 × W इक्वल, यहां से एक तो 14 है और एक 14s/3 है, तो 14 by 3 ये और ये 14, और इनटू में कॉमन आ जाएगा इन दोनों में S, तो 7 + x/2 × W इक्वल, एड किया इनको तो ये बना देगा 56/3, और यहां से जो S है अपने S का मान निकाल रखा है 9W/14, तो ये 9W/14 अपन ने यहां S का ट्रांसफर कर दिया, यहां से ये बनाएगा S, सॉरी 7 + x/2, W से W कैंसिल हो जाएगा, 14 से 56 कैंसिल हो जाएगा 4 बार, यहां से 3 से ये 3 बार, तो टोटली अपने पास में 12, 4 × 3 = 12 हो जाएगा, 7 ट्रांसफर करें तो x/2 = 12 - 7 5 आ जाएगा, तो अक्ष बराबर 10 meter, मतलब अक्ष हमने माना था कि वो व्यक्ति बिंदु A से सिड्डी के निचले सिरे से कितनी ऊंचाई तक आ जाए, तो अक्ष मीटर, और अक्ष का मान अपने पास आ रहा है 10 meter, मतलब कि वो व्यक्ति जब सीढ़ी के नीचे वाले सिरे से 10 meter की ऊंचाई तक अगर चढ़ जाए, 10 meter की ऊंचाई या 10 meter लंबाई तक अगर उसने दूरी तय कर ली हो, तो 10 मीटर के बाद में वो सीमांत संतुलन की अवस्था आ जाएगी, जिसका ये जिसके बाद में अगर एक कदम भी या एक इंच भी, एक पॉइंट भी अगर आगे किसका, तो ऐसी पोजीशन में सीढ़ी पिसल जाएगी, तो वो अवस्था रहेगी 10 मीटर की, कि वो 10 मीटर लंबाई तक चढ़ सकता है इसमें। ठीक है, तो एक क्वेश्चन तो ये किया गया था कि व्यक्ति कितनी ऊंचाई तक चढ़ सकता है सीढ़ी के ऊपर, तो वो रहेगी अपनी 10 मीटर की ऊंचाई। अब इसने एक सेकेंड क्वेश्चन और किया है अपने इसी में, कि अगर वो व्यक्ति इस सीढ़ी के ऊपर वाले सिरे तक अगर जाना चाहे, तो इसके नीचे वाले सिरे पर कम से कम कितने भार का व्यक्ति खड़ा करे, ताकि वो इसके सीढ़ी के ऊपर वाले सिरे तक पहुंच जाए, मतलब इसको फिसलने से रोक सके वो, तो इसका नीचे वाले सिरे पर एक व्यक्ति को अपन कितने भार का व्यक्ति खड़ा करे यहां पे, ताकि वो ऊपर वाले सिरे तक पहुंच जाए। तो इसके लिए अपन एक काम करते हैं कि मान लेते हैं कि जैसे सीढ़ी के नीचे वाले सिरे पर अपने एक नया भार W1 भार का एक नया व्यक्ति खड़ा किया, तो W1 भार का अपने एक व्यक्ति इसके नीचे वाले सिरे पर खड़ा कर दिया, इसका अभिलंब प्रतिक्रिया है, अभिलंब प्रतिक्रिया अपन ने मान ली R1,
तो इसका जो घर्षण है वो घर्षण वेग से चल रहा था, क्योंकि दीवार सॉरी धरातल और सीडी के बीच का जो घर्षण है वो चल रहा था आर बाई टू। तो आर बाई टू ये अब जो व्यक्ति है कौन सा डब्ल्यू बाई टू वाला भार वाला वो सी से कहां पहुंच गया बी पर पहुंचा है इधर। तो बी पर जब पहुंचेगा तो इसका भार यहां पे बिंदु बी पर है डब्ल्यू बाई टू भार का व्यक्ति, ये अभिलंब प्रतिक्रिया है। तो अभिलंब प्रतिक्रिया अपन लेके चले नहीं एस वन, यहां से इसका घर्षण जो बनेगा वो बना देगा एस वन बाई थ्री। अब अपन एक नई अवस्था पे ले, ये गुरुत्व केंद्र है जो डब्ल्यू भार सी डी के भार को डिनोट कर रही है। अब अगर ये संतुलन की अवस्था में कि व्यक्ति वहां तक पहुंच जाए कम से कम कितने भार का व्यक्ति खड़ा करें अपन, तो हमने डब्ल्यू वन भार का व्यक्ति खड़ा किया है यहां पर। संतुलन की अवस्था की अगर मैं बात करूं तो संतुलन की अवस्था इस अवस्था में अपने पास में जो बल एक दूसरे को नेग्लेक्ट कर रहे हैं उनकी बात करते हैं अपन। सबसे पहले जैसे देखो आर वन, ये इसके डायरेक्शन ऊर्ध्वाधर ऊपर की ओर है, इधर एस वन बाई थ्री इसकी भी ऊर्ध्वाधर ऊपर की ओर है, तो दोनों एक ही दिशा में, तो आर वन प्लस एस वन बाई थ्री ठीक है। अब इनका जो नेग्लेक्ट कौन कर रहा है, कौन से बल कर रहे हैं, एक तो डब्ल्यू वन है जस्ट अपोजिट और एक डब्ल्यू है, तो डब्ल्यू वन ये एक डब्ल्यू और एक डब्ल्यू बाई टू ये जस्ट ऑपोजिट है तीनों, तो डब्ल्यू वन प्लस डब्ल्यू बाई टू प्लस डब्ल्यू, तो यहां से आर प्लस आर वन प्लस एस वन बाई थ्री इक्वल आ जाएगा डब्ल्यू वन प्लस थ्री डब्ल्यू बाई टू, एड हो जाएंगे दोनों। आगे चले दूसरे इक्वेशन नंबर फर्स्ट नाम दे अगर इसको अपन, नेक्स्ट स्टेप में अगर ले अपन तो एक तो एस वन है अपने पास और एक आर बाई टू है, तो एस वन बराबर आर बाई टू, दोनों ऑपोजिट है एक दूसरे के, एस वन इक्वल आर बाई आर वन बाई टू, तो यहां से आर वन का मान आ जाएगा टू एस वन, या R1 का मान 2S1 अपन चेंज इसमें यूज करते हैं R1 की जगह, तो R1 की जगह जब 2S1 ले अपन 2S1 plus S1 by 3 equal ये बनाएगा W1 plus 3 W by 2, W1 plus 3 W by 2, यहां से दोनों को ऐड करें अपन, तो ऐड करेंगे तो मान आएगा अपने पास में 7S1 by 3 equal W1 plus 3 W by 2, तो S1 का जो मान आएगा ये 7 by 3 को ट्रांसफर करें तो 3 by 7 into 3 W by 2 plus W1 ठीक है। अब इन मानों के बाद में अपन बात करें वापस पुनः उसी की कि बिंदु A के सापेक्ष अगर फिर अपन इनका आघूर्ण लेके चलें सभी बलों का, तो बिंदु A के सापेक्ष जब आघूर्ण लेंगे तो एक तो भार W1 मतलब बल W1, एक R by 2 और एक R1, इन तीनों का तो आघूर्ण जीरो हो जाएगा। क्यों? क्योंकि इनकी क्रिया रेखा खुद बिंदु से गुजर रही है, इसका मतलब लंब दूरी जीरो, इसलिए इन तीनों का तो जो आघूर्ण है वो जीरो हो जाएगा। तो बचे कौन से अपने पास, एक तो W बचा हुआ है, एक W by 2, एक S1 by 3 और एक S1, इन चारों बलों का जब आघूर्ण लेके चले अपन बिंदु A के सापेक्ष, तो सबसे पहले बात करता हूं W की। तो W है इसकी क्रिया रेखा, ये 45 का एंगल है, यहां से ये 7 है क्योंकि मिड पॉइंट है 45, ये थीटा के सामने की भुजा लंब या आधार लंबो दूरी हुई है, तो सेम उसी की तरह इसका मान आ जाएगा माइनस का डब्ल्यू 7 cos 45। फिर बात करते हैं अपन W by 2 की, तो W by 2 भी इसको कौन सी राउंड कौन सा राउंड दे रहा है क्लॉकवाइज, तो ये भी नेगेटिव रहेगा, भार है W by 2, लंबो दूरी की अगर बात करूं तो लंबो दूरी होगी यहां से लेकर यहां तक की, इस दूरी की अगर बात करें अपन तो ये 45 डिग्री का है, तो ये लंब हो गया, ये आधार हो गया, ये पूरी लंबाई A से B तक 14 हो गई, तो यहां से W by 2 into क्या रहेगा 14 cos 45 डिग्री, ये अपने पास इसकी लंबो दूरी हो जाएगी। आगे चले S1 की, तो S1 जो है ये दे रहा है इसको राउंड कौन सा एंटी क्लॉकवाइज, तो एंटी क्लॉकवाइज में अगर ले अपन तो ये पॉजिटिव होगा S1, यहां से ये अगर इसकी देखें तो इसकी क्रिया रेखा या बल की जो क्रिया रेखा उसकी लंबो दूरी ये बनेगी और ये दूरी बनेगी, तो ये दूरी और ये दूरी सेम है, तो इस दूरी की अगर अपन बात करें तो ये दूरी अपने पास में ये 45 का एंगल है, तो ये सामने की भुजा वैसे लंब है, तो लेकिन इस 45 के अकॉर्डिंग अगर ले अपन क्योंकि ये भी तो 45 डिग्री है, इसके सामने की भुजा ये लंब, तो ये आधार हो जाएगा, तो आधार के लिए अपन कॉस यूज करते हैं, तो 14 अच्छा 45 डिग्री है, तो 45 के सामने की भुजा ये लंब और लंब है, तो यहां से अपन क्या ले सकते हैं 14 साइन 45 डिग्री प्लस दूसरा एस वन बाई थ्री एक और बचा हुआ है, तो एस वन बाई थ्री ये 14 यहां से 14 अपन ले लिया है, ये दूरी जो दे रखी है और इसके सामने की भुजा इस 45 डिग्री के सामने की भुजा ये है, तो ये इसके लिए लंब है, तो यहां लंब का काम कर रहा है, तो यहां से अपन क्या काम ले सकते हैं एस वन बाई थ्री 14 साइन 45 डिग्री ठीक है। अब सब आघूर्ण अपन ने लिए हैं बिंदु A के सापेक्ष और इन सभी आघूर्णों का योग किसके इक्वल हो जाएगा जीरो के इक्वल, क्यों? क्योंकि अपन ने
सीमान संतुलन या संतुलन की अवस्था की बात की है तो संतुलन की अवस्था में सभी आवरणों का जो योग है वो कितना होगा, जीरो होगा। अब आगे चले अपन इनको हल करने की, तो यहाँ पे देखें, देखो cos 45, cos 45, sin 45, sin 45 सभी का मान 1/√2 होता है, ये सब जीरो में चले जाएंगे कॉमन लेके, या फिर अपन रूट टू सभी के बट्टे में है, इनको सभी को जीरो में भेज सकते हैं अपन। तो यहां से ये नेगेटिव दोनों को अगर अपन ट्रांसफर करें इधर तो पॉजिटिव हो जाने, ये 7 ये 2 14 कैंसिल होकर 7 बना लेने, तो 7+7 दोनों में डब्ल्यू कॉमन आएगा इक्वल, ये 14 और ये 14/3 ये दोनों S1 के हैं तो ये S1, तो यहां से अपने पास 14W इक्वल आ जाएगा। इसे जब हल करेंगे तो 56/3 ये S1 है, S1 का मान अभी निकाला था अपन ने 3/7 3W/2+W1, इसे जब हल करें अपन तो 7 8 बार कैंसिल, ये 3 से 3 कैंसिल, तो अपने पास मान बनाए जो 8 मल्टीप्लाई में है, इसको इधर डिवाइड करें अपन तो 14/8W, यहां 3W/2+W1 बचा हुआ है, तो 3W/2 को जब इधर ट्रांसफर करें तो माइनस का नेगेटिव हो जाएगा, 3W/2=W1, तो W1 का जो मान बनाएगा वो मान आ जाएगा अपने पास जब दोनों का एलसीएम लेके हल करें तो 7-6/4 ये W, 7-6 मतलब 1, तो यहाँ W1 का जो मान बनेगा वो W/4 आ जाएगा। मतलब W1 हमने किया क्या था कि बिंदु A पर अपने एक ऐसा व्यक्ति खड़ा किया था जिसकी वजह से सीडी को वो फिसलने से रोक सके और व्यक्ति उसकी अधिकतम ऊंचाई तक पहुंच सके, तो यहां मान आ रहा है W1=W/4, मतलब W क्या था, सीडी का भार। तो हम कह सकते हैं कि सीडी के भार का 1/4 भार वाला, मतलब चौथाई हिस्सा भार वाला अगर व्यक्ति अगर इसके निचले सिरे पर अगर खड़ा करें तो जो सीडी के भार का आधे भार वाला व्यक्ति है वो व्यक्ति उसकी अधिकतम ऊंचाई तक चढ़ सकता है। ठीक है, तो ये इसके सॉल्यूशन, जो अपना क्वेश्चन था उसका सॉल्यूशन था। ठीक है, अब अपन बात करते हैं इसके दूसरे क्वेश्चन की। तो दूसरे क्वेश्चन जो है वो अपना कुछ इस प्रकार का रहेगा कि दो बराबर तथा एक समान छड़े AB और AC, मतलब दो छड़े हैं जिनकी लंबाई बराबर है, भार समान है, एक का नाम AB है, एक का नाम AC है, मुक्त रूप से A पर जुड़ी हुई एक ऊर्ध्वाधर तल में स्थित है तथा इनके सिरे जो B और C सिरा है एक रुक्ष, मतलब जो खुरदरी कहें अपन, एक रुक्ष सेक्टिस तल पर टिके हुए हैं, यदि घर्षण गुणांक म्यू तथा दोनों छड़ों के बीच का जो एंगल है वो थीटा हो तो सीमान संतुलन की अवस्था में सिद्ध कीजिए कि साइन थीटा इक्वल 4μ/1+4μ2। मतलब अगले ने जो अपने को प्रूव करवाया है वो प्रूव करवाया है साइन थीटा इक्वल 4μ/1+4μ2। अब यहां जो थीटा दे रखा है वो थीटा दे रखा है दोनों छड़ों के बीच का एंगल, और म्यू दे रखा है उसका घर्षण गुणांक। तो इसको लेके चले अपन, तो यहां से सबसे पहले अपन बात करें, देखो अगले ने दो छड़ है और उनको एक धरातल पे ऊर्ध्वाधर रूप में इस प्रकार से इसे खड़ा कर रखा है, तो अपन बात करें देखो AB और AC ये कोई दो छड़ है, ये धरातल है अपना, इस धरातल के ऊपर AB को और BC को ऐसे दोनों को A के ऊपर ऐसे जोड़कर, आपस में जोड़कर इसने खड़ा कर रखा है। अब खड़ा कर रखा है तो संतुलन की अवस्था में है, संतुलन में कैसे कि न तो ये छड़ इधर फिसल रही और ये न छड़ इधर फिसल रही, मतलब कि ये जो सीधा है इसका ये रुक्ष सेक्टिस तल है, खुरदरा हिस्सा है, तो इसका मतलब इसको घर्षण या फिसलने से रोक रहा है, तो इसका जो घर्षण गुणांक जो दे रखा है वो दे रखा है म्यू। तो अपन बात करते हैं कि इसके बल के कारण छड़ AB है, इसका मिड पॉइंट है G1, तो इसका जो भार है वो इसके मिड पॉइंट पे केंद्र बिंदु पे केंद्रित है, इसका भार अपन W भार है मान ले, तो ये G1, ये इसका मिड पॉइंट G2, तो इसका भी भार W ही होगा क्योंकि दो समान भार की और समान लंबाई की छड़े हैं। अब इस भार के कारण अब अपन जो छड़ दे रखी है AB और AC दोनों समान लंबाई की है, तो समान लंबाई की है तो यहां से अपन बात करें कि इसकी जो लंबाई है वो लंबाई अपन लेके चले 2A, तो लंबाई अपने पास में दे रखी है 2A, ये यहां से लेकर यहां तक, सॉरी छड़ की जो लंबाई है, छड़ की लंबाई वो छड़ की लंबाई अपन लेके चलते हैं कितनी 2A। अब छड़ की लंबाई 2A है तो यहां से ये मिड पॉइंट है तो ये दूरी A हो जाएगी और ये दूरी A हो जाएगी, घर्षण गुणांक म्यू दे रखा है तो इसका विलंब प्रतिक्रिया बल अपन R ले, इसकी विलंब प्रतिक्रिया अगर S ले तो इसका जो घर्षण है, क्योंकि फिसलना इधर है इसको तो घर्षण इधर लगेगा,
इसका जो घर्षण बल है वो हो जाएगा म्यू एस, इसका जो घर्षण बल है वो इधर हो जाएगा इस डायरेक्शन में म्यू आर। ठीक है, अब ये एंगल अगले ने खुद ने कह रखा है कि दोनों छड़ों के बीच में जो एंगल है वो कितने का है, थीटा का। ये इतना अपने को ये दे रखा है। अब अपन बात करें, मान लेते हैं कि इस छड़ ने धरातल के साथ जो एंगल बनाया है इस एंगल का नाम अपन थोड़ी देर के लिए अल्फा दे देते हैं। अब देखो छड़े समान है दोनों, और दोनों छड़े समान है इसका मतलब अगर किसी ट्राइंगल या त्रिभुज की दो भुजाएं समान हो तो उसको अपन समद्विबाहु त्रिभुज कहते हैं। अगर ये अल्फा का एंगल है तो ये भी एंगल अल्फा का ही होगा, क्योंकि वो दोनों जो समान भुजाएं हैं वो समान कोण बनाती है किसी तीसरी भुजा के साथ में। तो अल्फा ये हो गया, तो ये एंगल भी अल्फा। ये एंगल अपने पास अगले ने दे रखा है क्वेश्चन में थीटा। अब अपन बात करें, देखो अगर बी सी के क्षैतिज अगर अपन एक रेखा लें इस प्रकार से, तो ये एंगल भी कितने का बनेगा, अल्फा का। जब ये पूरा संतुलन की अवस्था में है, उस संतुलन की अवस्था में अगर बात करें तो कौन सा बल किस बल को संतुष्ट कर रहा है या संतुलन में ले रहा है, तो डायरेक्शन के हिसाब से देखते हैं अपन। सबसे पहले बात करें देखो इस प्रति घर्षण बल की, तो इसका घर्षण बल जो लग रहा है वो है म्यू आर, इसका जो घर्षण बल लग रहा है वो लग रहा है अपना म्यू एस। दोनों के डायरेक्शन एक दूसरे के ऑपोजिट है, इसलिए इन दोनों ने अपने एक दूसरे को संतुलन में किया हुआ है। तो म्यू आर इक्वल म्यू एस, तो यहां से आर इक्वल क्या आ जाएगा, एस, समीकरण या इक्वेशन नंबर फर्स्ट। फिर अपन बात करें और, तो यहां से यह विलंब प्रतिक्रिया आर, यह विलंब प्रतिक्रिया एस, इन दोनों की डायरेक्शन एक ही है, एक डायरेक्शन एक ही है, तो आर प्लस एस बराबर, देखो यहां जी वन के ऊपर इसका भार, जी टू के ऊपर इसका भार, तो दोनों का भार डब्लू प्लस डब्लू, तो आर प्लस एस। फर्स्ट में अपन ने लिखा है कि एस इक्वल आर या आर इक्वल एस, तो यहां से एस को जब आर में चेंज करें तो टू आर इक्वल टू डब्लू, तो आर बराबर डब्लू, ये इक्वेशन नंबर सेकेंड। अब देखो इक्वेशन फर्स्ट में लिखा आर बराबर एस के है, सेकेंड में लिखा है आर बराबर डब्ल्यू के है, तो दोनों इक्वेशन कंबाइन रूप से बनाती है कि आर बराबर एस बराबर डब्ल्यू, मतलब अभिलंब प्रतिक्रियाएं और ये जो भार है ये सब आपस में बराबर है, तो आर बराबर एस बराबर डब्ल्यू। ठीक है, अब अपन बात करें, मान लो किसी छड़ के लिए, ए बी के लिए बात करूं मैं, ए बी छड़ के ऊपर जितने भी बल लगे हुए हैं उन सभी का अगर बिंदु ए के सापेक्ष अगर आघूर्ण लेके चले अपन, क्योंकि अपन ने एंगल ये लिया है, तो अपन बात करते हैं बिंदु ए के सापेक्ष के आघूर्ण की, कि अगर एबी का बिंदु ए के सापेक्ष, केवल एबी छड़ का, एबी का अगर बिंदु ए के सापेक्ष अगर आघूर्ण ले अपन, तो ध्यान दे देखो बिंदु ए के सापेक्ष आघूर्ण लेके चल रहा हूं मैं, तो अपने पास कितने बल है जिनका आघूर्ण लेना पड़ेगा, एक तो डब्ल्यू है, एक आर है और एक म्यू आर है। ठीक है, तो ये केवल एबी की बात कर रहा हूं मैं, तो यहां तीनों बलों का आघूर्ण लेके चलेंगे, तो सबसे पहले बात करें डब्ल्यू की, ध्यान देना W जो भार है अपने पास, ये W भार बिंदु A के सापेक्ष आघूर्ण ले रहा हूं, तो ये W भार इसको घुमा रहा है कौन सी डायरेक्शन में, ये इधर जाएगा इस प्रकार से राउंड करेगा इस प्रकार से, और ये राउंड करेगा तो ये कौन सा है, एंटी क्लॉकवाइज, और एंटी क्लॉकवाइज में आघूर्ण कैसा होता है, पॉजिटिव, तो ये W ये पॉजिटिव रहेगा इंटू। अब बात करें इसकी क्रिया रेखा की लंबवत दूरी की, तो इसकी क्रिया रेखा है ये क्रिया रेखा है, तो इसकी लंबवत दूरी बनेगी ये दूरी और ये दूरी सेम है, तो यहां से इस दूरी की अगर बात करें अपन, तो अपन ने ये एंगल अल्फा माना, तो ये एंगल भी कितना बनाएगा अल्फा का, ये एंगल अल्फा का बना रहा है, तो अल्फा के सामने की भुजा ये लंब हो जाएगी, ये आधार, तो आधार की अगर बात करें तो अपने आधार के लिए यहां पे जो ये दूरी दे रखी है, ये दे रखी है ए, तो कितना बनाएगा ए कॉस अल्फा। इस ट्रायंगल की अगर बात करें तो यहां से जब इसका मान निकालेंगे तो ये बनाएगा ए कॉस अल्फा, तो डब्ल्यू ए कॉस अल्फा। ठीक है, फिर आगे बात करें म्यू आर की, म्यू आर की जो डायरेक्शन है वो इस प्रकार से, तो इसकी लंब दूरी बनेगी ये अल्फा का एंगल है, तो अल्फा के सामने की जो भुजा है वो लंब हो जाएगी, तो ये बनाएगा म्यू आर। कर्ण की जो बात करें अपन, तो यहां से लेकर यहां तक की जो दूरी है वो है टू ए, भुजा की लंबाई है, तो टू ए या छड़ की लंबाई कह सकते हैं टू ए, ये अल्फा के सामने की भुजा लंब है, तो ये बना देगा टू ए साइन अल्फा। तीसरा जो भार है वो है अपने पास में बल R, लेकिन R जो है R की डायरेक्शन ऊपर की ओर है, तो ये इस बिंदु A के सापेक्ष इसको घुमाएगा इस राउंड में, और ये है क्लॉकवाइज, और क्लॉकवाइज में आघूर्ण कैसा होता है नेगेटिव, इसलिए माइनस R
इसकी क्रिया रेखा बनेगी इस प्रकार से ऊपर की ओर। जब क्रिया रेखा ऊपर की ओर जाएगी तो इसकी लंब दूरी बनाएगा ये दूरी और ये दूरी यहां से यहां तक की सेम है, और ये दूरी अगर सेम है तो इस दूरी को अगर ले अपन तो अल्फा के सामने की भुजा ये लंब, ये आधार, तो आधार के लिए यहां से लेकर यहां तक 2a की लंबाई है, तो अपने पास में आ जाएगा 2a cos अल्फा। और सभी बिंदुओं के या सभी बलों के आघूर्णों का जो योग है संतुलन की अवस्था में उनका योग कितना होता है 0। यहां से माइनस का आर टू ए कोस अल्फा को उठा के जब इधर अपन ट्रांसफर करें तो आर टू ए कोस अल्फा बना देगा। ये दोनों बल या दोनों आघूर्ण इधर योग हो जाएंगे। इनमें से देखो डब्ल्यू ये म्यू आर टू ए साइन अल्फा इक्वल आर टू ए कोस अल्फा, यहां लिख रखा है कि आर बराबर एस बराबर डब्ल्यू, तीनों इक्वल है। जब तीनों इक्वल होंगे तो इसमें से देखो डब्ल्यू इसमें से R, अगर मैं इस R की जगह W ट्रांसफर कर दूं तो यह बना देगा W, इसमें भी W है और R की जगह भी अगर W ले अपन तो ये W इनमें से कॉमन आके इस W से क्या हो जाएगा कैंसिल, ठीक है। फिर बात करें अपन देखो A इसमें भी है, A इसमें भी है और A इसमें भी है, तो A भी अपन कॉमन ले सकते हैं इधर वाले पक्ष में से और इधर वाले में, तो ये दोनों भी कैंसिल हो जाएंगे। तो बचेगा क्या अपने पास में, इधर से बचेगा एक तो देखो टू ये बचा हुआ है 2 म्यू साइन अल्फा, तो 2 म्यू साइन अल्फा, इधर बचा हुआ है केवल कॉस अल्फा, तो ये कॉस अल्फा है, इसको जब इधर ट्रांसफर करेंगे इधर बचा था आपके पास में 2 कॉस अल्फा, 2 कॉस अल्फा में से 1 कॉस अल्फा जब लेस करेंगे तो केवल 1 कॉस अल्फा बचेगा, तो 2 म्यू साइन अल्फा बराबर आ जाएगा कॉस अल्फा, ठीक है। यहां कॉस अल्फा का ट्रांसफर कर देते हैं साइन अल्फा के बट्टे में, तो साइन अल्फा बटा कॉस अल्फा टेन अल्फा बना देगा। इधर 1 बचा हुआ है, 2 म्यू को जब ट्रांसफर करेंगे तो 1 अपॉन 2 म्यू, अपने पास tan अल्फा का मान आ जाएगा tan अल्फा इक्वल 1 अपॉन 2 म्यू, ठीक है। अब आगे चलते हैं अपन कि त्रिभुज एबीसी में, त्रिभुज एबीसी है ना, ए बी और सी, अगले ने कहा है कि दोनों छोरों के बीच में पूरा जो एंगल है वो है थीटा, ठीक है। अब ये एंगल थीटा है, ये अपन ने अल्फा माना, दोनों भुजाएं समान है इसलिए ये एंगल भी अल्फा हो जाएगा। हमें पता है त्रिभुज के तीनों कोणों का योग 180 डिग्री 180 होता है, तो त्रिभुज के तीनों एंगल जो है उनका हमेशा 180 या 180 होता है, तो यहां से अपन क्या लिख सकते हैं कि थीटा का जो मान है ये अल्फा और ये अल्फा 2 अल्फा, तो थीटा जो है वो थीटा इक्वल हो जाएगा 180 माइनस 2 अल्फा, 180 माइनस 2 अल्फा। अगर दोनों पक्षों में साइन लेके चले तो साइन थीटा बराबर साइन 180 माइनस 2 अल्फा, ये साइन थीटा बराबर साइन, ये एक फॉर्मूला बना देता है साइन पाई माइनस थीटा का, और साइन पाई माइनस थीटा बराबर साइन थीटा ही होता है, सेकंड पार्टेंट की बात है, तो साइन थीटा बराबर साइन 2 अल्फा ही बनाएगा। साइन 2 अल्फा का जो मान बना, साइन 2 अल्फा का टेन के पदों में जो मान होता है वो एक फॉर्मूला होता है 2 टेन अल्फा अपॉन 1 प्लस टेन स्क्वायर अल्फा। यहां से अपने पास साइन थीटा इक्वल 2 टेन अल्फा अपॉन 1 प्लस टेन स्क्वायर अल्फा बनाएगा, साइन थीटा इक्वल 2 tan अल्फा का मान अभी बनाया अपन ने, tan अल्फा इक्वल 1 अपॉन 2 म्यू, तो ये बना देगा 1 अपॉन 2 म्यू अपॉन 1 प्लस tan स्क्वायर अल्फा, तो 1 अपॉन 4 म्यू स्क्वायर। जब इसे हल करेंगे अपन एलसीएम लेते हुए तो sin थीटा का जो मान है वो आएगा 4 म्यू अपॉन 1 प्लस 4 म्यू स्क्वायर, जो अपने को प्रूव करना था, अगले ने प्रूव करवाया था sin थीटा इक्वल 4 म्यू अपॉन 1 प्लस 4 म्यू स्क्वायर, तो ये अपन ने यहां से प्रूव किया साइन थीटा इक्वल 4 म्यू अपॉन 1 प्लस 4 म्यू स्क्वायर, तो ये अपना सेकंड क्वेश्चन था, ठीक है। अब अपन बात करते हैं इसके क्वेश्चन नंबर थर्ड की। क्वेश्चन है एक अर्ध ऊर्ध्वाधर कोण अल्फा वाले, मतलब अर्ध शीर्ष कोण की बात कर रहा हूं मैं, अर्ध शीर्ष कोण अल्फा वाले एक शंकु का जो आधार है वो क्षितिज से झुके रुक्ष तल पर विराम अवस्था में है, कोई क्षितिज से कोई तल झुका हुआ है किसी एंगल पे, तो उससे झुके हुए तल पर ये विराम अवस्था में है, तल का झुकाव स्नेह स्नेह बढ़ाया जाता, मतलब धीरे धीरे अगर तल का झुकाव अगर अपन बढ़ाते जाएं तो सिद्ध कीजिए कि शंकु गिरने से पूर्व पिछलेगा यदि म्यू इज लेस देन 4 टेन अल्फा, मतलब म्यू इज लेस देन 4 tan अल्फा, ठीक है। अब यहां जब म्यू है ये घर्षण गुणांक की बात कर रहा है कि म्यू घर्षण गुणांक है, ठीक है, और अल्फा जो एंगल दे रखा है वो अल्फा एंगल दे रखा है कि शंकु का अर्ध शीर्ष कोण है, तो शंकु गिरने से पहले पिछलेगा उसके ऊपर,
तो पिछलेगा, तो यहां म्यू इज लेस देन फॉर टेन एल्फा, पोजीशन बता रहा है कि अगर वो पिछलेगा तो उसकी पोजीशन बन जानी चाहिए कि म्यू इज लेस देन फॉर टेन एल्फा, ठीक है। अब क्वेश्चन के मुताबिक अगर अगले ने कहा कि एक शंकु है जिसका अर्थ शीर्षकोण एल्फा है, तो अपन एक शंकु लेके चलते हैं। देखो ए सी बी, ये कोई शंकु है ए सी बी, ठीक है, और ये एक ऐसे रुक्ष, रुक्ष का मतलब खुरदरा तल है ये, इस खुरदरे तल के ऊपर ये संतुलन की अवस्था में है। अब रुक्ष तल जो है वो क्षैतिज के साथ कितना कोण बना रहा है, तो इस एंगल का नाम दे रहे हैं अपन कितना, फाई, ठीक है। ये एंगल फाई है जो तल ने इसके साथ क्षैतिज के साथ बना रखा है। अब इस तल के ऊपर ये शंकु संतुलन की अवस्था में, अब संतुलन की अवस्था में तो कौन सी पोजीशन रहेगी वो, तो अभी अपन ये लेके चले कि ये एंगल फाई है, ये ए सी बी एक शंकु है जो इस तल के ऊपर रखा हुआ है, ठीक है। अब यहां से अगर इसके बाहर की बात करूं मैं, शंकु के बाहर की, तो मान लेते हैं शंकु का जो भार है वो कितना है W, ये इसका गुरुत्व केंद्र है, और गुरुत्व केंद्र है तो इसका जो भार लग रहा है वो W नीचे की ओर लगेगा, ठीक है। अब जो शंकु का गुरुत्व, हमें पता है कि जो शंकु है उसकी हाइट जितनी भी हो उसका गुरुत्व केंद्र हमेशा उसके आधार से उसके एक चौथाई भाग या एक चौथाई हाइट पे होता है, तो शंकु का जो गुरुत्व केंद्र होगा O से लेकर G के बीच की दूरी, अगर इन्हें इसकी टोटल ऊंचाई टोटल हाइट जो है वो अगर H नाम दें, H मान के चले कि A से O से लेकर C तक की जो लंबाई है वो H है अगर कंप्लीट की हाइट, तो इसका जो गुरुत्व केंद्र है वो इसके आधार वाले बिंदु O से एक चौथाई H by 4 दूरी पे होगा, तो यहां से OG का जो मान है OG वो हो जाएगा H by 4, ठीक है, OG बराबर H by 4। अब अपन बात करें यहां के बिंदु जैसे इसकी त्रिज्या की, तो इसकी त्रिज्या OA, OA को अपन ले लेते हैं, शंकु की त्रिज्या कितनी मान ली अपन ने, R, शंकु की त्रिज्या R हो गई, O से लेकर G तक की लंबाई OG का मान H by 4 हो गया, ये एंगल अपन ने फाई का माना है जिस जो तल ने क्षैतिज के साथ बना रखा है, ये एंगल फाई का है, ये 90 का, तो ये कितना बना, ये बाकी का बचेगा 90 माइनस फाई। अगर यहां से अपन इस भुजा को या सीधा अगर क्रॉस करवाएं तो ये शीर्षाभिमुख कोण हो गए, ये 90 माइनस फाई का है तो ये भी 90 माइनस फाई का बनेगा, ये 90 माइनस फाई का और ये 90 का, तो ये वापस एंगल कितने का आ जाएगा, फाई का। तो यहां से जो सेंटर पे एंगल बना रहा है कौन सा, ए जी ओ, ये एंगल भी कितने का बनेगा, फाई, इसके अकॉर्डिंग ये भी कितने का होगा, फाई का होगा। अब अपन बात करते हैं त्रिभुज ए जी ओ में, तो त्रिभुज ए जी ओ की अगर बात करूं और इसमें बात करूं टेन फाई की, तो टेन फाई बराबर थीटा के सामने की भुजा हमेशा लंब होती है, तो टेन फाई बराबर आर ये लंब अपॉन आधा एच बाई फोर, तो आ ओ ए बटा ओ जी, OA बटा OG की अगर बात करें तो OA का मान कितना है R और OG का मान है H by 4, तो यहां से tan phi का जो मान आ जाएगा वो आ जाएगा 4R by H, 4R by H, ये अपने पास tan phi का मान बना। अब मैं बात करता हूं त्रिभुज COA या AOC की, तो त्रिभुज AOC के अंदर अगर देखें अपन, तो यहां का जो एंगल है वो दे रखा है अल्फा, तो tan अल्फा बराबर tan अल्फा के सामने यहां अल्फा के सामने की भुजा ये लंब है, तो R ये इसकी ओ सी दूरी हो जाएगी, तो tan अल्फा बराबर r बटा h, यहां से tan अल्फा का मान अगर r बटा h आया है तो जस्ट पीछे वाली कंडीशन देखें, tan phi बराबर 4r by h लिखा था, अपने पास r by h का जो मान है, r by h का मान आया है tan अल्फा के बराबर, ये मान जब यहां ट्रांसफर करेंगे तो tan phi बराबर 4 tan अल्फा बना देगा, ठीक है, तो 4 tan अल्फा, tan phi बराबर 4 tan अल्फा, अपने पास एक सिचुएशन तो ये आ गई। अब मैं बात करता हूं कि शंकु जब इसके ऊपर संतुलन की अवस्था में है, तो संतुलन की अवस्था में जब रहता है ऐसी पोजीशन में उसका जो घर्षण कोण है, जब संतुलन की अवस्था में रहेगा, संतुलन की अवस्था में घर्षण कोण का मान और क्षैतिज के साथ में ये जो एंगल बनाया ये कोण अगर दोनों इक्वल हो, तो ऐसी पोजीशन में वो संतुलन की अवस्था में रहता है। तो यहां पे तो बात कर रहा हूं मैं कि घर्षण कोण का मान, जैसे घर्षण कोण को अपन नाम दे लैम्डा, ठीक है, और जो अगले क्षैतिज के साथ बनाया गया कोण फाई है, तो ये फाई, जब दोनों इक्वल होंगे तब तो ये रहेगा संतुलन की अवस्था में, कि लैम्डा और फाई अगर इक्वल रहे, घर्षण कोण और क्षैतिज के साथ बनाया गया एंगल अगर इक्वल है, तो ऐसी पोजिशन में तो ये दोनों संतुलन की अवस्था में रहेंगे। लेकिन अगला कह रहा है कि उसको जो क्षैतिज के साथ बनाया गया कोण है वो धीरे धीरे बढ़ाया जा रहा है, और बढ़ाया जा रहा है इसका मतलब ये पिछलेगा, तो पिछलेगा कौन सी अवस्था में, कि जब घर्षण कोण का मान
फाई से क्या हो जाएगा कम, या फाई का मान घर्षण कोण से क्या हो जाएगा ज्यादा, धीरे धीरे बढ़ी रहा है, क्योंकि अगले ने क्या किया है कि इसको धीरे 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 फाई का मान बढ़ा रहा है, वो बढ़ा रहा है, इसका मतलब घर्षण कोण से इसका मान क्या हो जाएगा ज्यादा, तो घर्षण कोण इज लेस देन फाई या फाई इज ग्रेटर देन जो एंगल घर्षण कोण फ्रिक्शन एंगल जो बना रखा है घर्षण कोण, तो यहां से अपने पास में लैम्डा अपन कह रहे हैं इसको कि लैम्डा इज लेस देन फाई, अब लैम्डा इज लेस देन फाई ये दोनों पक्षों में अगर मैं 10 को लेके चलूं तो 10 लैम्डा इज लेस देन 10 फाई बना देगा, 10 लैम्डा घर्षण कोण का स्पर्श जा जो बनाता है 10 लैम्डा, इसी को अपन क्या कहते हैं घर्षण गुणांक कहते हैं म्यू, तो यहां से 10 लैम्डा को अपने शॉर्ट में क्या नाम दिया है म्यू इज लेस देन 10 फाई, 10 फाई का मान अपने पास में कितना आया हुआ 410 लैम्डा, तो म्यू इज लेस देन 410 लैम्डा, ये अपने पास में इसका घर्षण गुणांक का मान जो अगले ने प्रूव करवाया है म्यू इज लेस देन 410 अल्फा, ये अपने पास मान आ जाएगा। ठीक है, तो ये अपना जो तीसरा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन था, अब इसमें देखो अपन पहले इसलिए लिख रहे हैं क्योंकि अपना एग्जाम का टाइम नजदीक है, वीडियो बहुत ज्यादा अगर अपन पूरा सॉल्यूशन लिखें फिर बाद में समझाऊं तो टाइम बहुत ज्यादा इसमें लगता है और आपको देखने में भी बहुत ज्यादा टाइम लगेगा, इसलिए मैं इसका सॉल्यूशन पहले लिख रहा हूं और उसके बाद में समझाने में इतना टाइम नहीं लगता। ठीक है, तो इसलिए मैं पहले लिख के बाद में इसको जल्दी से समझा देता हूं ताकि वीडियो अपना लंबा ना रहे, और अगर इसमें कहीं कोई चीज समझ में नहीं आ रही हो कोई प्रॉब्लम हो तो आप कमेंट में लिख के भेज सकते हैं ताकि मैं उसका सॉल्यूशन कर सकूं। ठीक है, तो पहला क्वेश्चन जैसे अपना पांच यूनिट का कि एक साधारण कैटेनरी के एल लंबाई के एक भाग के सिरों पर स्पर्श रेखाओं के क्षैतिज से झुकाव अल्फा तथा बीटा है, यदि दोनों सिरे कैटेनरी के शीर्ष के एक ही ओर हो तो सिद्ध कीजिए कि एक सिरे की दूसरे सिरे से ऊंचाई एल इंटू साइन अल्फा प्लस बीटा बटे दो बटे कॉस अल्फा माइनस बीटा बटे दो है। तो यहां एक सिरे से दूसरे सिरे तक की ऊंचाई पूछी है अगले ने, कोई भी साधारण कैटेनरी ले रखा है, कैटेनरी से रिलेटेड है ये पूरा चैप्टर ही, तो साधारण कैटेनरी ले रखा है उसके शीर्ष से एक ही ओर सिरे के एक ही ओर का पार्ट है कि हो तो सिद्ध कीजिए कि एक सिरे से दूसरे सिरे की जो ऊंचाई है वो आ जानी चाहिए एल साइन अल्फा प्लस बीटा बटे दो कोस अल्फा माइनस बीटा बटे दो। ठीक है, अब अपन बात करते हैं साधारण कैटेनरी की, तो साधारण कैटेनरी जो है अपना अपन लेके चलते हैं, जैसे अपना ये तो जो अक्ष अक्ष डैश वाई और वाई डैश ये तो दोनों एक्सिस हो गए, फिर इसमें कैटेनरी लेके चलते हैं, तो कैटेनरी का केवल एक ही तरफ का भाग लेना है। कैटेनरी में अपन देखें कैटेनरी कैसे कैसे है देखो कि कोई भी धागा है जिसके अपन दोनों सिरे ले और उन दोनों सिरों को अगर अपन जब तक धागे में दोनों सिरों को पकड़कर जब तक वो तनाव में है उस स्थिति को छोड़कर जैसे इसको थोड़ा सा यूज करेंगे अपन, अब थोड़े से यूज से लेकर बाकी जितनी भी उसकी स्थितियां बनती है वो सारी की सारी स्थितियां कैटेनरी की होती है। तो हम बात कर रहे हैं कैटेनरी की केवल एक सिरे की, तो वाई और वाई डैश के एक तरफ का भाग अपन लेके चल रहे हैं, तो ये जो पार्ट है अपना ये कैटेनरी का पार्ट है। ठीक है, तो ये कैटेनरी में अपन केवल एक ही सिरे को लेके चल रहे हैं, अब एक सिरे को अपन लेके चला यहां से, अगला आगे कह रहा है कि एक ही ओर हो तो, अब दोनों भाग एल लंबाई का साधारण कैटेनरी के एल लंबाई के एक भाग, अब इस पूरे कैटेनरी एक तरफ के कैटेनरी में से केवल एल लंबाई का पार्ट लेना अपने को, तो मान के चले माना बिंदु पी से लेकर क्यू तक, बिंदु पी से लेकर क्यू तक का जो पार्ट है अपने पास में वो एल लंबाई का पार्ट है। अब पी से लेकर क्यू तक अपन एल लंबाई का इस कैटेनरी का एक पार्ट ले लिया, ये ए कैटेनरी का शीर्ष कहलाता है जिसका मूल बिंदु से जो दूरी होती है वो सी होती है, तो यहां से ये जो दूरी है ए से लेकर क्यू तक की वो ए से लेकर क्यू तक मान के चले कि माना कितनी है एस है, ए से लेकर क्यू तक की जो दूरी है वो एस है, ये अपन ने पी से क्यू तक की दूरी या पी से क्यू तक की लंबाई एल दी, ए से लेकर क्यू तक की लंबाई को एस नाम दिया है। अब बिंदु P पर और बिंदु Q पर अगला खुद कह रहा है कि इसके सिरों पर स्पर्श रेखाओं के क्षैतिज से जो झुकाव है वो अल्फा तथा बीटा है, तो बिंदु P के ऊपर जब स्पर्श रेखा खींची अपन ने तो उसका क्षैतिज से जो झुकाव मतलब एंगल जो बना है वो है अल्फा, बिंदु Q पे जो स्पर्श रेखा खींची है उसका क्षैतिज से जो झुकाव है वो कितना है बीटा, तो अल्फा और बीटा ये क्षैतिज से इसके झुकाव है। बिंदु P के ऊपर या बिंदु P से अगर अपन क्षैतिज पे एक लंब डालें P P डैश
तो इसकी लंबाई का नाम अपन थोड़ी देर के लिए ले लेते हैं वाई वन। बिंदु क्यू से जब सेक्टिस पे लंब क्यू क्यू डैश डालें तो इसकी लंबाई जो है क्यू से क्यू डैश के बीच की दूरी अपन ले लेते हैं वाई टू। ये वाई वन, ये वाई टू। अब ये जो आर है जब अपन क्यू से सीधा इसके ऊपर कौन सी पी पी डैश पर जब एक लंब डालें तो ये क्यू आर जो है यहां से पी आर का जो मान है पी आर वो है y2 और y1 के बीच का डिफरेंस। अब ये बीच का डिफरेंस क्या तो बिंदु P की जो हाइट कितनी ऊंचाई पर है बिंदु P बिंदु Q से तो वो ऊंचाई रहेगी अपने पास में पी आर का मान, जो कि अगले ने अपने को पूछा है कि पी आर का मान कितना होगा। तो पी आर ही पूछ रहा है अगला कि बिंदु Q से बिंदु P है वो कितनी हाइट पे है, तो ये हाइट अपने पास में रहेगी कि पी आर का मान कितना रहेगा। अब इन सभी चीजों को अपने डायग्राम में अगर फिक्स किया है, अब इस डायग्राम से अपन लेके चलते हैं कि कैटेनरी की कुछ फॉर्मूले हैं। जैसे सबसे पहले बात कि कैटेनरी का जो शीर्ष होता है उस शीर्ष से जो भी चाप की लंबाई होती है चाप की लंबाई के बीच में और उससे किसी बिंदु पर स्पर्श रेखा खींची जाए उसका जो एंगल बनता है जिसको अपन साई कहते हैं उनके बीच में एक रिलेशन होता है। तो सूत्र अपन काम में लेते हैं एस बराबर सी टेन साई। यहां साइन किसी बिंदु विशेष बिंदु पर खींचे स्पर्श रेखा खींचने पर जो एंगल बनाता है शक्ति के साथ में वो एंगल है साइन और एस होती है चाप की लंबाई। तो सूत्र एस बराबर सी टेन साइन से। अब पर्टिकुलर किसी विशेष बिंदु के लिए बात करें अपन तो सबसे पहले मैं बात करता हूं बिंदु क्यू के लिए। बिंदु क्यू के लिए अगर बात करें तो इसका शीर्ष जो ए है इससे यहां से लेकर क्यू तक के चाप की जो लंबाई है वो एस का ऐसी दे रखी है तो एस की जगह ऐसी आ जाएगा। फिर बात करें सी तो सी तो वहां से शीर्ष की दूरी होती है तो सी हो जाएगा। फिर आप ये एंगल जो बनाया है इसके ऊपर स्पर्श रेखा जो खींची है वो स्पर्श रेखा सेक्टिज के साथ जो एंगल बना रही है वो एंगल है अपने पास में बीटा का और वो एंगल बीटा का है तो ये हो जाएगा एस बराबर सी टेन बीटा। इसे समीकरण नंबर अपन ने एक नाम दिया। फिर बात करें अपन बिंदु पी के लिए तो बिंदु पी के ऊपर ध्यान दें शीर्ष से लेकर बिंदु पी तक के चाप की लंबाई अपने पास में एस यहां से यहां तक की एस है और यहां से यहां तक की एल है तो टोटल चाप की लंबाई होगी एस प्लस एल। अब एस प्लस एल चाप की लंबाई है तो यहां से सी फिर टेन अल्फा ये जो एंगल बना रहा है वो कितने का है अल्फा का तो यहां एस प्लस एल बराबर क्या आ जाएगा सी टेन अल्फा। इसे समीकरण नंबर नाम दे दिया अपन ने दो। अब समीकरण दो में से समीकरण एक को अगर बिठा दें अपन तो S प्लस लेफ्ट हैंड साइड देखें तो S प्लस L में से केवल जब S लेस हो जाएगा तो अपने पास में जो मान बनेगा L बराबर C कॉमन है दोनों में tan अल्फा माइनस tan बीटा तो यहां से C का जो मान आएगा वो C बराबर आ जाएगा L अपॉन tan अल्फा माइनस tan बीटा। ठीक है ये C का मान आ गया अपने पास मतलब मूल बिंदु से शीर्ष के बीच की दूरी है वो सी होती है तो सी इक्वल आ जाएगा एल अपॉन टेन अल्फा माइनस टेन बीटा। ठीक है अब अपन बात करें कि किसी बिंदु की सेक्टिव से जो सीधी दूरी होती है उसे अपन वाई कहते हैं। ठीक है वाई एक्स पे दूरी है या वाई एक्स के सामने की दूरी होती है वाई एक्स के समांतर किसी भी बिंदु के लिए तो वाई बराबर सी सेक साइन ये फॉर्मूला होता है कैटेनरी में एक रिलेशन होता है तो y बराबर c sec sin। इस रिलेशन से ले अपन तो बिंदु P के लिए बात करूं मैं देखो बिंदु P की शक्ति से जो सीधी दूरी होती है वो कितनी है y1 तो यहां y की जगह क्या आ जाएगा P के लिए y1 इक्वल ये c sec इसने जो एंगल बना रखा था बिंदु P के जो स्पर्श रेखा वो बना रखा था अल्फा तो ये आ जाएगा c sec अल्फा। इसे समीकरण नंबर तीन नाम दे देते हैं। ऐसे बिंदु Q के लिए अगर बात करूं तो बिंदु Q के ऊपर जो सीधी दूरी है अपने पास वो सीधी दूरी क्यू क्यू डैश है जिसका नाम अपने से सीधी दूरी अपने y2 दे रखी है तो y2 बराबर c sec और इसने जो एंगल बना रखा वो बीटा का तो c sec बीटा। ये समीकरण नंबर चार हो जाएगा। अब समीकरण तीन और समीकरण चार हमें पता है अपने को पी आर चाहिए तो पी आर का मान निकालने के लिए वाई वन में से वाई टू को लेस करें अपन तो पी आर बराबर अपन लिखते हैं वाई वन माइनस वाई टू यहां से पी आर का जो मान बनेगा वाई वन का मान समीकरण तीन में है वाई टू का मान समीकरण चार में है तो समीकरण तीन में से चार को जब लेस करेंगे अपन समीकरण तीन माइनस चार से तो सी कॉमन आ जाएगा सेक अल्फा माइनस
sec बीटा, c का मान अपन ने पहले भी निकाला है, c इक्वल l अपॉन tan अल्फा माइनस tan बीटा, वो मान यहां ट्रांसफर करेंगे, c की जगह तो l अपॉन tan अल्फा माइनस tan बीटा, ये sec अल्फा माइनस sec बीटा रह जाएगा। अब sec अल्फा को अपन cosec के पदों में तोड़े, tan अल्फा को sin अल्फा बटे cos अल्फा के पदों में तोड़े, तो मान बनेगा अपने पास में l, इसे लिखा मैंने 1 अपॉन cos अल्फा माइनस 1 अपॉन cos बीटा, tan अल्फा को sin अल्फा बटे cos अल्फा माइनस साइन बीटा बटे कॉस बीटा। एलसीएम लेके जब हल करें अपन तो दोनों के एलसीएम सेम आएंगे इसलिए कैंसिल हो जाएंगे ये, बाकी जो बचेगा अपने पास में ये कॉस बीटा माइनस कॉस अल्फा बटा साइन अल्फा कॉस बीटा माइनस कॉस अल्फा साइन अल्फा। अब यहाँ कॉस बीटा माइनस कॉस अल्फा तो ये चीज है, लेकिन ये फॉर्मूला बनाता है साइन ए कॉस बी माइनस कॉस ए साइन बी वाला, जिसे अपन साइन ए माइनस बी कहते हैं, तो ये साइन अल्फा माइनस बीटा बना देगा। ठीक है, अब जब इसे हल करें अपन तो एल अपनी जगह है, ये फॉर्मूला हो गया कोस ए माइनस कोस बी का। ठीक है, कोस ए माइनस कोस बी का फॉर्मूला होता है टू साइन ए प्लस बी बटा दो साइन बी माइनस ए बटा दो होता है। तो यहां ए की जगह काम कर रहा है बीटा और बी की जगह काम कर रहा है अल्फा, तो कोस ए माइनस कोस बी का जो फॉर्मूला होता है वो होता है टू साइन ए प्लस बी बटा दो फिर साइन b माइनस ए बटा दो, तो b की जगह अल्फा है तो b माइनस अल्फा माइनस बीटा बटे दो। यहां से साइन अल्फा माइनस बीटा तो साइन थीटा है और साइन थीटा को थीटा बाई टू की फॉर्म में अगर तोड़े अपन साइन टू थीटा के सूत्र से तो ये बना देगा टू साइन थीटा बाई टू कोस थीटा बाई टू, तो ऐसे टू साइन अल्फा माइनस बीटा बटे दो कोस अल्फा माइनस बीटा बटे दो, तो साइन अल्फा माइनस बीटा बटे दो से साइन अल्फा माइनस बीटा बटा दो कैंसिल हो जाएगा, दो से दो कैंसिल हो जाएगा, तो मान आएगा एल साइन अल्फा प्लस बीटा बटे दो बटा कॉस अल्फा माइनस बीटा बटे दो। तो यहां से पी आर का जो मान आएगा अपने पास में वो पी आर का मान वाई वन माइनस वाई टू, ये पी आर का जो मान बनेगा वो मान आ जाएगा एल साइन अल्फा प्लस बीटा बटे दो कॉस अल्फा माइनस बीटा बटे दो, जो अपने को प्रूव करना था ये इसकी लंबाई आ जाएगी। ठीक है, तो ये तो अपना पहला। अब अपन बात करते हैं इसके सेकंड क्वेश्चन की, तो सेकंड क्वेश्चन अपना जो है वो इस प्रकार है, एक भारी समान जंजीर है, मतलब समान भार की समान जंजीर है ए बी, जिसका नाम ए बी दे रखा है, वो गुरुत्वाकर्षण के अधीन लटकी हुई है, जिसका एक सिरा ए स्थिर है तथा दूसरा सिरा बी एक हल्की डोरी बी सी के द्वारा बंधा हुआ है, जहां ए के समान स्तर पर सी बिंदु स्थित है, जंजीर तथा डोरी की लंबाइयां इस प्रकार है कि जंजीर के सिरे ए तथा बी से 60 डिग्री तथा 30 डिग्री के कोण बनाते हैं, तो सिद्ध कीजिए कि डोरी तथा जंजीर की लंबाइयों का जो अनुपात है वो रूट 3 माइनस 1 रेशियो अनुपात 1 है। तो यहां अगले के कहने के मुताबिक देखो अपन एक डायग्राम बनाते हैं, एक अगला ये कह रहा है कि एक समान जंजीर है जिसका नाम है ए बी, तो अपन ए से लेकर बी तक की ये एक समान जंजीर ली अपन ने, समान भार की है ये, ए बिंदु से ये ए बिंदु स्थिर है जिसको अपन ने कहीं पे बांध रखा है, ए बिंदु से एक स्थिर सिरा ये लिया जंजीर को यहां बांधा, फिर यहां बी सिरा जो है वो बी सिरा क्या कह रहा है अगला कि ए बी गुरुत्वाकर्षण के अधीन लटकी हुई है, जिसका एक सिरा ए तो स्थिर है तथा दूसरा सिरा जो बी है वो एक डोरी हल्की डोरी है, बिल्कुल हल्की डोरी बीसी के द्वारा बंधा हुआ, तो ये बी से लेकर सी तक की जो डोरी है वो बहुत हल्की डोरी है, इसके द्वारा ये बंधा हुआ है। अब यहां पे देखो ए बी एक भारी जंजीर है, अगर इसको अपन किसी हल्की डोरी बीसी से अगर बांधे, यहां सी सीधा बिल्कुल ए के शक्ति समान स्तर पर, अगला खुद कह रहा है ये कि जहां ए जो ए के समान स्तर पर सी बिंदु स्थित है, ए के बिल्कुल बराबर के स्तर पर कौन है सी बिंदु स्थित है, तो सी बिंदु से बीसी हल्की डोरी बंधी हुई है। अब ये बीसी इतनी हल्की है कि जब अपन यहां से ए से लेकर बी तक का ये अपने पास जो सी से बी तक का जो पार्ट है वो बीसी से बी तक का पार्ट कुछ इस प्रकार ये हल्की हल्की डोरी है सॉरी, तो हल्की डोरी है, तो इस जंजीर से जब इसका सिरा लटका हुआ रहेगा तो सी से बी तक का जो ये पार्ट है ये एक सरल रेखा में नजर आएगा अपने को, सी से बी तक का पार्ट बीसी जो है वो एक सरल रेखा में नजर आएगा। ठीक है,
अब अपन क्या कर रहे हैं, यहां से B के ऊपर एक स्पर्श रेखा खींच रहे हैं, तो बिंदु B पर स्पर्श रेखा खींचेंगे तो वो BC के अकॉर्डिंग आ जाएगी। BC के अकॉर्डिंग ये सरल रेखा जो क्षैतिज के साथ में क्वेश्चन के मुताबिक 30 डिग्री का कोण बना रही है। बिंदु A पर जब स्पर्श रेखा खींची जाए तो वो क्वेश्चन के अकॉर्डिंग क्षैतिज के साथ में 60 डिग्री का कोण बना रही है। ये 60 डिग्री, ये 30 डिग्री। अब थोड़ा सा अपन और चेंज करते हैं, अपन कि मान लेते हैं A से लेकर ये जो सीधा है इसका, जिसका नाम जैसे अपन ने L दे दिया, A से लेकर L तक का जो ये जंजीर है इसकी लंबाई को ले लेते हैं अपन क्या, S1। L से लेकर B तक की जंजीर की लंबाई को ले लेते हैं अपन S2। अब B से C तक ये हल्की हल्की डोरी है जिसका भार बहुत कम है, तो ये L से B तक का S2 हो गया, यहाँ A से L तक का S1 हो गया, फिर A से क्षैतिज पे एक लंब डाला अपने AA' जिसको अपन कह रहे हैं Y1। इसी प्रकार B से B' या क्षैतिज पे एक लंब डाला BB', इसको अपन कह रहे हैं Y2। ठीक है, अब इन सभी को दर्शाने के बाद में अपन शुरुआत करते हैं इसकी लंबाई के लिए। तो चाप की लंबाई का फॉर्मूला लेते हैं अपन कि चाप की लंबाई के बीच में और क्षैतिज के साथ में स्पर्श रेखा द्वारा बनाए गए एंगल के बीच में जो रिलेशन होता है कि सूत्र S बराबर C10 साइन से अगर ले अपन, तो दोनों बिंदुओं के लिए सबसे पहले बात करता हूं मैं बिंदु A के लिए। तो बिंदु A के ऊपर देखो, बिंदु A ने क्षैतिज के साथ एंगल बनाया 60 डिग्री, तो साइन का मान तो 60 डिग्री हो गया। चाप की लंबाई की बात करें तो शीर्ष से बिंदु A के बीच में या A तक चाप की जो लंबाई है वो है S1। तो यहाँ चाप की लंबाई S1 बराबर C10 साइन का मान 60 डिग्री है, तो C10 60 डिग्री, 10 60 का मान √3 होता है, तो अपने पास मान आ जाएगा √3C। ठीक है, अब बिंदु B के लिए बात करें तो बिंदु B के ऊपर चाप की लंबाई देखिए शीर्ष से लेकर इस बिंदु तक तो वो तो है S2, और इसके ऊपर स्पर्श रेखा जो खींची गई है उसका जो क्षैतिज के साथ एंगल है वो 30 डिग्री, तो यहाँ S2 बराबर C10 30 डिग्री, यहाँ से 10 30 का मान 1/√3 होता है, तो ये C/√3, ये अपने पास में S1 और S2 है। अब बात करें अपन यहां से लेकर यहां तक AB जंजीर की लंबाई, और जंजीर की लंबाई को देखें A से लेकर B तक की लंबाई को, तो यहाँ A से लेकर L तक प्लस L से लेकर B तक, तो S1 प्लस S2 कह सकते हैं अपन, तो जंजीर की लंबाई हो जाएगी S1 प्लस S2। तो कंप्लीटली जो जंजीर की लंबाई है मान रखें अपन S1 का मान √3C है, S2 का मान C/√3 है, तो इसका जो मान आएगा C√3 प्लस C/√3। LCM लेके जब हल करेंगे अपन तो जंजीर की जो लंबाई है AB, वो AB का जो मान आएगा अपने पास में वो लंबाई AB आ जाएगी अपने पास C√3 प्लस C/√3, तो टोटल हो जाएगा 4C/√3। ये तो आ गई जंजीर की लंबाई। ठीक है, अब अपन बात करें कि लंबवत दूरियों से, तो सबसे पहले जो A से A' पे अपन ने जो लंब डाला है Y1 और B से B' पे लंब डाला है Y2, तो Y का और साइन का एक रिलेशन होता है कि Y बराबर C sec sin, तो y बराबर c sec sin से बिंदु A के लिए बात करें तो बिंदु A के लिए A' का मान y1 है, तो y1 बराबर c sec sin का मान, तो एंगल बना रखा है 60 डिग्री का, y1 इक्वल c sec 60 डिग्री इक्वल, तो यहां sec से 60 डिग्री का मान cos 60 का उल्टा होता है, cos 60 का मान 1/2, तो इसका उल्टा विलोम करें तो 2c हो जाएगा, तो y1 का मान 2c आया। ऐसे बिंदु B पे बात करें तो बिंदु B के ऊपर y2 इक्वल c sec 30 डिग्री, और sec 30 का मान cos 30 का विलोम होता है, तो यहाँ वो √3/2 होता है, तो इसका विलोम करें तो 2/√3 हो जाएगा, y2 इक्वल मान आया 2c/√3। ये y1 आ गया, y2 आ गया। अब देखो अगर मैं बात करूं यहां से BN की, AA' यहां से जब इसको मिलाएंगे अपन तो N और B' दोनों सेम है, बराबर लंबाई है, लेकिन अगर मैं BN की बात करूं तो BN का मान जब AA' के मान में से BB' का मान अगर लेस करें अपन तो BN बचता है अपने पास में, तो Y1 माइनस Y2 लिख सकते हैं अपन इसको, तो BN बराबर Y1 माइनस Y2 कर सकते हैं, यहां से Y1 का मान 2C, Y2 का मान 2C/√3, जब LCM लेके से हल करेंगे तो BN का जो मान आएगा वो आएगा 2C, कॉमन आ जाएगा √3 - 1/√3, ये अपने पास BN का मान आ जाएगा। ठीक है, अब हमने कहा था कि BC जो है वो एक हल्की डोरी है, और हल्की डोरी है जिसके कारण जंजीर को का सीधा जब BC के ऊपर बंधा हुआ होता है तो एक सरल रेखा में नजर आती है। ये सरल रेखा है, B इसका बिंदु है, ये N अपन ने यहां से एक लंब डाला है,
तो यहां त्रिभुज बी एन सी एक समकोण त्रिभुज का निर्माण करता है, और समकोण त्रिभुज बी एन सी में अगर देखें अपन तो ये एंगल अपने पास में देखो 30 डिग्री का इस त्रिभुज में, ये 90 का है तो ये कितने का हो जाएगा 60 का, अगर ये 60 है तो ये भी कितना हो जाएगा 60, शीर्षा भी मुकोण है नहीं तो ये 60 डिग्री का हो जाएगा। अब बात करूं त्रिभुज बी एंड सी में किसके लिए, मुझे चाहिए बीसी की लंबाई, तो बीसी की लंबाई या डोरी की लंबाई, तो डोरी की लंबाई बीसी के लिए त्रिभुज बी एंड सी में, त्रिभुज बी एंड सी में, अब त्रिभुज बी एंड सी में ये एंगल है तो थीटा के सामने की भुजा हमेशा लंब होती है, ये कर्ण और ये आधार, तो यहां बात करें अपन कर्ण सॉरी कर्ण और आधार से, तो कर्ण और आधार में संबंध होता है कॉस में, तो कॉस 60 डिग्री बराबर आधार का मान हो गया बी एन बटे कर्ण का मान हो गया बीसी, तो कॉस 60 बराबर बी एन बटा बीसी, यहां से अगर मैं बीसी का मान निकालू तो बीसी बराबर आ जाएगा बी एन सेक 60 डिग्री, क्योंकि बीसी इधर चला जाए कॉस 60 पलट के ऊपर आए तो सेक 60 डिग्री बना देगा, बीसी बराबर बी एन सेक 60 डिग्री, बीसी का मान आ जाएगा, बी एन का मान अभी निकाला था अपन ने 2c√3 - 1/√3, यहां ट्रांसफर करेंगे 2c√3 - 1/√3, sec 60 का मान 2 होता है तो ये बना देगा 4c√3 - 1/√3, ये बीसी का मान आया। तो डोरी की जो लंबाई है, अगला पूछ रहा है कि डोरी की लंबाई में और जंजीर की लंबाई में जो अनुपात है वो अनुपात आना चाहिए √3 - 1, अगले ने जो रेशियो पूछा है अपने को वो पूछा है √3 - 1/1, ये डोरी की लंबाई और ये जंजीर की लंबाई, इन दोनों का अनुपात पूछा है, तो यहां बात करें अपन डोरी की लंबाई अनुपात जंजीर की लंबाई, अब डोरी का नाम अपन ने बीसी दे रखा है तो बीसी अनुपात और उसकी जंजीर की जो लंबाई है वो जंजीर की लंबाई अपने पास में दे रखी है ए से लेकर बी तक की लंबाई एबी, तो बीसी अनुपात एबी का मान, तो बीसी का मान ये रहा अपने पास में 4c√3 - 1/√3 अनुपात एबी, तो एबी की लंबाई अपने पास में ये थी 4c/√3, ये 4c/√3, जब अब रेशियो, तो जब रेशियो निकाले 4c/√3 से 4c/√3 कैंसिल हो जाएगा तो मान बनेगा √3 - 1/1, ये अपने पास में डोरी की लंबाई और जंजीर की लंबाई के बीच में अनुपात आ जाएगा, क्योंकि अगले ने अपने भी पूछा था कि ए से लेकर बी तक ये तो जंजीर है और बी से सी तक एक हल्की डोरी है, तो दोनों की लंबाइयों का अनुपात, तो अगले ने पहले नाम दिया था बीसी का मतलब डोरी की लंबाई अनुपात जंजीर की लंबाई, तो माना जाएगा √3 - 1/1, तो ये इस प्रकार से अपना दूसरा क्वेश्चन इंपोर्टेंट क्वेश्चन था जो इस प्रकार से। अब अपन बात करते हैं इसके थर्ड क्वेश्चन की, तो थर्ड क्वेश्चन जो है वो अपना इस प्रकार से है, देखो एक कैपिटल डब्ल्यू है, कैपिटल डब्ल्यू भार की एक समान रस्सी, कोई रस्सी है जिसका भार है कैपिटल डब्ल्यू, समान स्तर के दो बिंदुओं, एक ही शक्ति या एक ही स्तर पर दो बिंदु हैं, उनके ऊपर मध्य लटकी हुई, उनके बीच में लटकी हुई है, जिसके निम्नतम बिंदु पर, जो सबसे नीचे वाला सिर है, निम्नतम बिंदु पर एक भार डब्ल्यू डैश लगा रखा है इसने, लगा रखा है मतलब डब्ल्यू, कैपिटल डब्ल्यू तो खुद रस्सी का भार है और उसका जो सबसे नीचे वाला सिरा है जहां तक वो लटकी हुई है उसके ऊपर इसने एक भार लगाया है, कौन सा, डब्ल्यू डैश, तो डब्ल्यू डैश लगा रखा है, यदि उच्च एवं निम्न बिंदु पर, इसका अधिकतम ऊंचाई पर और निम्नतम वाला जो बिंदु है उनके ऊपर जो स्पर्श रेखाएं हैं वो क्षैतिज के साथ झुकाव कोण जो बना रही है वो अल्फा और बीटा, उच्चतम वाले के साथ में अल्फा का कोण बना रही और निम्नतम जो बिंदु उस पर स्पर्श रेखा अगर खींची जाए तो वो क्षैतिज के साथ बीटा का कोण बनाती है, तो सिद्ध करो कि tan अल्फा / tan बीटा इक्वल 1 + कैपिटल W / कैपिटल W डैश, तो tan अल्फा / tan बीटा इक्वल 1 + कैपिटल W / कैपिटल W डैश, ये अपने को प्रूव करना है। अब यहां से अपन बात करते हैं, देखो डब्ल्यू भार की है, अब जब W भार की है जिसका कुछ ना कुछ भार है, जब भी अपन किसी दो बिंदुओं के बीच में इसको लटकाएंगे तो ये कैटेनरी की आकृति, क्योंकि भार है W तो गुरुत्व के अधीन वो लटकेगी, और लटकेगी तो एक कैटेनरी की आकृति बनाएगी, तो मान लेते हैं कि जब उस पे W डैश नहीं लगाया अपन ने और जो समान स्तर के दो बिंदु लिए अपन ने ए और बी, ठीक है, ए और बी के ऊपर अपन ने एक सीधा इधर से लिया और एक सीधा इधर से, जब दोनों को स्थिर करके अपन ने इसको बांध दिया तो टोटल लंबाई लेते हैं अपन, एक समान रस्सी है तो मान लेते हैं उसकी टोटल जो लंबाई है, कुल लंबाई अपन ने ले ली कितनी, 2L लंबाई की एक रस्सी है जिसको अपन ने ए और बी के सिरों के बीच में लटका दिया, उसका भार कैपिटल डब्ल्यू है, तो वो अपने खुद के भार के कारण गुरुत्व के अधीन नीचे लटक जाएगी, और लटक जाएगी तो कैटेनरी की आकृति बना देगी,
तो ये अपने पास में कैटेगरी की, जब अपन ने बाहर डब्ल्यू डैश नहीं लगा रखा इस पर, अभी केवल अपन ने लटकाया है इसको। अब जब इसको लटकाएंगे तो ये एल वाला बिंदु बिल्कुल मिड पॉइंट है, इधर से इसकी टोटल लंबाई मैंने 2L ली है, तो 2L लंबाई के अकॉर्डिंग देखा जाए तो इसकी इधर की लंबाई L हो जाएगी और इधर की लंबाई L हो जाएगी, ठीक है। अब यहां से अपन बात करें, मान लेते हैं इसका प्रति इकाई लंबाई, मतलब टोटल लंबाई 2L, हालांकि टोटल भार भी दे रखा है, मान के चलूं कि मान लेते हैं इसकी प्रति इकाई लंबाई का जो भार है वो स्मॉल डब्ल्यू है, कि मान लेते हैं वक्र या रस्सी जो है, रस्सी का प्रति इकाई लंबाई का जो भार है वो अपन ने मान लिया स्मॉल डब्ल्यू। जब प्रति इकाई लंबाई, एक इकाई लंबाई का भार स्मॉल डब्ल्यू है, तो अगले ने कहा कि पूरा भार इसका कैपिटल डब्ल्यू है, कुल लंबाई इसकी 2L है, तो कुल लंबाई का जो भार है वो कितना हो जाएगा, तो इकाई लंबाई का भार स्मॉल डब्ल्यू है, टोटल लंबाई 2L है, तो कुल भार हो जाएगा 2LW। अब ये 2L स्मॉल डब्ल्यू किसके बराबर, कुल भार के बराबर, और कुल भार कितना है अपने पास में, कैपिटल W। तो यहां से इकाई लंबाई का भार अपने पास ले सकते हैं अपन, स्मॉल W का माना जाएगा कैपिटल W अपॉन 2L, ये अपने पास में उसके प्रति इकाई लंबाई का भार आ जाएगा स्मॉल W का मान, ठीक है। अब अगले ने ये कहा है अपने को कि इसके उच्चतम बिंदु पर और निम्नतम, सॉरी निम्नतम बिंदु पर एक भार डब्ल्यू डैश कर रहा है इसने, तो ध्यान देना थोड़ा सा कि जब अपन इस L के ऊपर W डैश का एक भार, नया भार अगर लटकाते हैं, तो ये रस्सी की जो पोजीशन बनी हुई है ये पोजीशन बदल जाएगी, क्योंकि भार के कारण ये रस्सी में तनाव आएगा, और तनाव आएगा तो ये लगभग एक सीधी रेखा में से नजर आएगा अपने को, कि यहां से देखो ये दूसरा डायग्राम अपन ने बना रखा है, ये बिंदु A है, ये बिंदु B है, A बिंदु और B बिंदु के बीच में ये L है जिसके ऊपर अपन ने W डैश का एक भार लगाया है, भार लगाने के कारण ये जो डोरी है या ये जो रस्सी है इसकी स्थिति परिवर्तित हो जाती है, और ये लगभग एक सरल रेखा में नजर आती है अपने को, क्योंकि तनाव होता है इसमें, और तनाव, अब अपन वो तनाव जो लेके चल रहे हैं, मान लेते हैं कि जो रस्सी दोनों सीधे बराबर हैं, इसलिए दोनों बिंदुओं के ऊपर तनाव सेम रहेगा, तो मान लेता हूं मैं इधर वाले भाग में जो ए से लेकर एल तक का इसमें तनाव है T1, तो इधर वाले भाग में भी तनाव कितना हो जाएगा T1, दोनों की तरफ की जो रस्सियां हैं इस भार के कारण इसमें तनाव जो है वो, क्योंकि ए सीधा स्पीड है तो तनाव की जो डायरेक्शन रहेगी वो स्थिर बिंदु की ओर होती है, तो यहां स्थिर बिंदु की ओर कौन सा है, ए है, तो T1 का जो डायरेक्शन है वो ए की ओर हो जाएगा, ठीक है। अब यहां से इसने एक लाइन और लिख रखी है कि उसके उच्चतम बिंदु पर और निम्नतम बिंदु पर अगर स्पर्श रेखाएं खींची जाए तो वो क्षैतिज के साथ जो एंगल बनाती है वो अल्फा और बीटा का बनाती है, तो मैं बात करता हूं सबसे उच्चतम बिंदु का, तो चाहे ए ले चाहे बी ले, अपन दोनों में से किसी एक को लेकर चले, उच्चतम बिंदु पर जब स्पर्श रेखा खींची जाए तो वो क्षैतिज के साथ एंगल बना रही है कितने का, अल्फा का। इसका जो न्यूनतम है, अब न्यूनतम देखो, अपन ने जब इसके ऊपर भार लटका दिया था, भार लटकाने के बाद में जो अपने पास में सिरा आया है, ये यहां L को अपन दूसरा नाम दे देते हैं क्योंकि भार लगाने के कारण L सीधा थोड़ा ऊपर रहेगा, ये सीधा अपन इसका दूसरा नाम दे, जैसे C नाम दे दिया अपन ने, ठीक है। यहां से ये जब भार लगाते हैं अपन, भार लगाने के कारण थोड़ा सा जो बीच वाला सीधा वो थोड़ा नीचे आ जाएगा, यहां L से थोड़ा नीचे खिसक जाएगा। अब ऊपर वाले सिरे पर जब इसने स्पर्श रेखा खींची वो अल्फा हो गई, इसका निम्नतम बिंदु जैसे C है, और C के ऊपर अगर जब स्पर्श रेखा खींचे अपन, तो C के ऊपर स्पर्श रेखा, तो यहां पर देखें ये जो अपने पास में ये T1 जो था, ये T1 अपने पास में एक सरल रेखा या सरल रेखा रूप में ही है, जब इसके ऊपर अपन इस बिंदु C के ऊपर स्पर्श रेखा खींचेंगे तो स्पर्श रेखा जो एंगल बनाती है क्षैतिज के साथ वो एंगल है अपने पास में बीटा, ठीक है। ये तो क्वेश्चन के अकॉर्डिंग जितना अगले लिखा है उतना लिखा है अपन ने, अब थोड़ा सा अपन इसको कैटेगरी के अकॉर्डिंग देखते हैं। देखो अगर मान ले बिंदु सी के ऊपर ये एंगल बीटा का है, तो यहां से एक क्षैतिज रेखा खींची मैंने, ये तनाव की सरल रेखा है, तो यहां से क्षैतिज रेखा, तो ये एंगल और ये एंगल, ये दो समांतर रेखाएं होंगी, इनको एक तिरेक रेखा प्रतिच्छेद कर रही है, तो ये बीटा का है, तो ये एंगल भी बीटा का हो जाएगा। ये तनाव है T1। अब इस तनाव T1 का जब अपन वियोजन करें, वियोजन क्षैतिज घटक और लंबवत घटकों में, तो क्षैतिज घटक तो इसका हो जाएगा T1 cos बीटा, और ऊर्ध्वाधर घटक हो जाएगा इसका T1 sin बीटा, ठीक है। अब जब ये संतुलन की अवस्था में, तो मैंने A सिरे पे लिया है, ऐसा का ऐसा किस सिरे पे हो सकता है, B पर हो सकता है, और B पर हो सकता है, तो यहां अगर मैं इसकी क्षैतिज रेखा बनाऊं, क्योंकि बाहर तो इधर भी तनाव, तो इधर भी T1 ही है, अगर इधर से बनाएंगे अपन
तो ये जो अपने पास में मान आएगा, इधर भी एंगल कितने का बनेगा, बीटा का, और इधर भी एंगल अगर बीटा का बनेगा तो वही तनाव टी वन है, इसका शक्ति इधर घटक तो हो जाएगा टी वन कोस बीटा, और ऊपर की तरफ हो जाएगा वो कितना हो जाएगा टी वन साइन बीटा, दोनों तरफ से है। अब टी वन साइन बीटा, टी वन साइन बीटा, इधर का टी वन कोस बीटा इस डायरेक्शन में, इधर का टी वन कोस बीटा इस डायरेक्शन में, तो ये तो एक दूसरे को नेग्लेक्ट कर देते हैं। लेकिन संतुलन कब बनता है, अब संतुलन बनने के लिए देखो इधर का शक्ति घटक और इधर का शक्ति घटक दोनों के डायरेक्शन एक दूसरे के ऑपोजिट, इसलिए ये दोनों तो कैंसिल हो जाने हैं। बात करता हूं मैं ऊपर की तरफ, देखो टी वन साइन बीटा और टी वन साइन बीटा दो तनाव ऐसे हैं जो ऊपर की ओर डायरेक्शन में, लेकिन ये संतुलन किससे होते हैं, तो अपन ने एक भार लटका रखा है कौन सा डब्ल्यू डैश, इसकी वजह से ये दोनों संतुलन में आ जाते हैं। तो यहां से अगर लंबवत घटकों की अगर बात करूं बिंदु सी के ऊपर, तो बिंदु सी के ऊपर, बिंदु सी पर यहां से अपन ने लिया कि डब्ल्यू डैश बराबर, डब्ल्यू डैश देखो नीचे की तरफ है, डब्ल्यू डैश बराबर ऊपर देखो टी वन साइन बीटा और टी वन साइन बीटा डबल है ये, तो टू टी वन साइन बीटा हो जाएगा। हमने कैटेनरी में कुछ रिलेशन पढ़े हैं, उन रिलेशनों के अकॉर्डिंग देखें कि कैटेनरी में लंबवत घटक जो होता है किसी तनाव का, टी साइन साइन लंबवत घटक होता है वो बराबर होता है डब्ल्यू एस, डब्ल्यू जहां इकाई लंबाई का भार है और एस होता है चाप की लंबाई, टोटल लंबाई उसकी, तो डब्ल्यू एस के बराबर, तो टी साइन साइन बराबर डब्ल्यू एस। तो यहां से टी साइन साइन अपने पास आ रहा है टी वन साइन बीटा, ये एंगल है, ये तनाव है, तो डब्ल्यू डैश का जो मान है वो आ जाएगा टू, ये कांस्टेंट है, टी वन साइन बीटा को अपन डब्ल्यू एस ले सकते हैं, तो डब्ल्यू एस आ जाएगा, चाप की लंबाई है तो चाप की लंबाई के अकॉर्डिंग, तो टू डब्ल्यू एस ये अपन ने लिया, तो डब्ल्यू डैश बराबर ये टू, स्मॉल डब्ल्यू का मान, तो स्मॉल डब्ल्यू का मान अपने पास आया था कैपिटल डब्ल्यू अपॉन टू एल, ये मान जब यहाँ ट्रांसफर करेंगे स्मॉल डब्ल्यू की जगह, तो कैपिटल डब्ल्यू अपॉन टू एल ये इंटू एस, यहां से डब्ल्यू डैश का जो मान बनेगा वो डब्ल्यू एस अपॉन एल, क्योंकि टू से टू कैंसिल हो जाने, तो अब एस का अगर मान कि चाप की लंबाई है कितनी वाकई में, तो एस बराबर अपने पास आ जाएगा डब्ल्यू डैश अपॉन सॉरी डब्ल्यू डैश इंटू एल अपॉन कैपिटल डब्ल्यू, ये स्मॉल एस का मान आ जाएगा। ठीक है, अब अपन बात करें, अब एस है क्या, देखो ये एस अपन ने लिया है, ये अपने पास में एक क्षैतिज रेखा सॉरी सरल रेखा थी। अब इसको एक कैटेनरी का डायग्राम देने के लिए मैं मान लेता हूं इस सी से बिल्कुल थोड़ी सी नगण्य दूरी पे ले, अगर इसको थोड़ा सा अपन कैटेनरी की आकृति में बनाए कि इधर वाला भी सीधा कैटेनरी में आ जाए, इधर वाला भी एक कैटेनरी के डायग्राम के अकॉर्डिंग बनाए, तो अपन ने थोड़ी सी एक लंबाई और बढ़ा के ले ली अपनी तरफ से, केवल कैटेनरी का डायग्राम दिखाने के लिए इसको, कि ये थोड़ा सा कैटेनरी की आकृति का दिखे अपने को। तो यहां से सी से लेकर एल डैश तक की अपन ने एक लंबाई बनाई जिसका नाम अपन ने दिया है क्या एस। अब ये इधर से बनाया है तो इधर से भी बनाया जा सकता है, हालांकि ताकि दोनों सिरे मिलकर एक कैटेनरी का निर्माण करें, तो यहां सी से लेकर एल डैश की लंबाई का नाम अपन ने क्या दिया है एस दिया है। ये सी जो एस अपने पास है कि आपने कितनी लंबाई यहां से बढ़ाई है, तो वो एस बराबर है डब्ल्यू डैश इंटू एल अपॉन कैपिटल डब्ल्यू। अब यहां से जब ये कैटेनरी बनाएगा, तो कैटेनरी बनाएगा तो एक नया कैटेनरी बनेगा ये, और नया कैटेनरी कुछ इस प्रकार का होगा, देखो ये इसका ए सीधा हो गया, यहां पे होगा कौन सा ये सी सीधा होगा और ये एल डैश होगा। अब ये एल डैश है ना, ये बिल्कुल मिड पॉइंट है इसका, अगर अपन कैटेनरी के लिए बनाए तो एल डैश, और ऐसे इधर बनेगा ये, तो अपने ए सी एल डैश कुछ इस प्रकार से बना रखा है इसको, ये मिड पॉइंट अपन ने लिया है। अब एल डैश को अगर अपन कैटेनरी का ये मिड पॉइंट लेके चले, सिर्फ लेके चले कैटेनरी का, नए कैटेनरी का, तो यहां से वही जो अपने कैटेनरी के लिए रिलेशन पड़ा है कि एस बराबर सी टेन साइन, एक फॉर्मूला था S बराबर सी टेन साइन, एस का मतलब चाप की लंबाई, अगर एल डैश से काउंट करूं मैं तो एल डैश से देखो यहां से लेकर यहां तक के चाप की लंबाई है S, तो ये यहां से यहां तक का, और यहां से यहां तक की चाप की लंबाई L दे रखी अपने को रस्सी की लंबाई, तो S बिंदु A पे बात करूं, बिंदु A के लिए इसके लिए, तो A पर S प्लस L बराबर सी टेन अल्फा, क्योंकि इसने एंगल अल्फा बना रखा है सी टेन अल्फा। ठीक है, इसे समीकरण एक दिया, बिंदु L पर L की जगह सॉरी बिंदु C के ऊपर बात करें C पर, तो यहां से यहां तक की लंबाई S दे रखी है, तो S बराबर C tan, इसके ऊपर जो स्पर्श रेखा खींची है वो बीटा का एंगल बनाती है, तो C tan बीटा, और ये समीकरण दो, समीकरण एक में से समीकरण दो को जैसे लेस करेंगे तो S से S तो कैंसिल हो जाएगा, L का मान आ जाएगा, L बराबर C कॉमन है दोनों में, ये tan अल्फा माइनस tan बीटा, ये L का मान आ गया अपने पास में कि इसकी जो आधी लंबाई है रस्सी की वो आधी लंबाई कितनी बनेगी, तो वो L बराबर आ जाएगा C tan अल्फा माइनस tan बीटा।
अब वापस समीकरण दो को लेकर चलता हूं मैं, समीकरण दो से देखो एस बराबर सी टेन बीटा। ओके, एस का मान अपन ने निकाला था डब्ल्यू डेस एल अपॉन डब्ल्यू, तो डब्ल्यू डेस एल अपॉन डब्ल्यू बराबर सी टेन बीटा। यहां से अगर सी का मान निकाला जाए तो सी बराबर अपने पास आता है डब्ल्यू डेस, ये डब्ल्यू डेस एल अपॉन कैपिटल डब्ल्यू इंटू में टेन बीटा, ये सी का मान आ जाएगा। ठीक है, अब यहां से लंबाई लेते हैं L, वापस शुरुआत करता हूं इसी से, L बराबर अपन ने लिखा था L बराबर ये C दे रखा है, तो C का मान अभी अभी निकला है W डैश L अपॉन कैपिटल W tan बीटा, ये W डैश L अपॉन कैपिटल W tan बीटा इंटू tan अल्फा माइनस tan बीटा, तो ये tan अल्फा माइनस tan बीटा हो जाएगा। जब इस tan बीटा को जब डिवाइड करें दोनों से, तो L से L कैंसिल हो गया, कैपिटल W को इधर भेजे W डैश को भी, तो कैपिटल W अपॉन W डैश इक्वल ये tan बीटा से जब डिवाइड किया तो tan अल्फा अपॉन tan बीटा, ये माइनस tan बीटा अपॉन tan बीटा तो 1 बना देगा। तो यहां से अपने पास में tan अल्फा अपॉन tan बीटा का जब मान निकाले, माइनस 1 इधर ट्रांसफर होके क्या बना देगा प्लस 1, तो ये 1 प्लस कैपिटल W अपॉन कैपिटल W डैश, ये tan अल्फा अपॉन tan बीटा का मान आ जाएगा, जो कि अपने को प्रूव करना था। अपने को ये प्रूव करना था कि tan अल्फा अपॉन tan बीटा इक्वल 1 प्लस कैपिटल W अपॉन कैपिटल W डैश। तो ये इस प्रकार से अपना इसका तीसरा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन था। तो ये जो अपने क्वेश्चन है जो अभी पढ़ रहे हैं अपन, ये सारे के सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन ही हैं, आप इनको एक बार एग्जाम के लिए अच्छे से तैयार करके जाएं। अपन क्लास वीडियो या जो कॉन्सेप्ट है इनके वो अभी क्लियर इसलिए नहीं कर पाए क्योंकि एग्जाम का टाइम बहुत नजदीक है अपने पास में, तो वीडियो बहुत ज्यादा लंबे हो जाते हैं, इसलिए अपन इतने केवल अभी इंपॉर्टेंट क्वेश्चनों पे ही गौर कर रहे हैं। ठीक है, थैंक यू।